साल से उसकी कोई खबर नहीं है। अपने लास्ट मिशन में वो पकड़ा गया। सुना है बहुत टॉर्चर के अवसर है, पता नहीं कि मर गया है या देश को ही अपना धर्म मान लिया और देश की रक्षा को ही अपना कर्म। वो दिन का नाम नहीं होता, उनका नाम बदलने के साथ ही करते थे। फाइटर वो नहीं है जो अपने टारगेट अचीव करता है, वो है जो उन्हें ठोक देता है। हेलो देयर, आप यहां है किस लिए? फाइटर का रिव्यू जानने इसलिए। अगर तीन वर्ड्स में बोला जाए तो ये मूवी है ब्रिलियंट, अमेजिंग, एंटरटेनिंग। बट वेट, डिटेल में तो सुनो, ये मूवी थिएटर्स में देखने लायक है भी। देखो, बड़े टाइम बाद कोई ऐसी मूवी आई है जिसमें एक्शन तो है ही, लेकिन एक्शन के साथ साथ पेट्रियोटिज्म वाली फील भी है। वैसे कहने वाली बात तो नहीं है, लेकिन ये टाइगर और पठान जैसी मूवीज में मिसिंग थी। अरे, ये तो धोती खोल रहा है। इतना ही नहीं, सिनेमैटिक एक्शंस के साथ साथ इसमें सोशल मैसेज भी इम्बाइब किया गया है। ब्रेकिंग द बैकवर्ड आइडियोलॉजी ऑफ जेंडर स्पेसिफिक आर्मी, यानी कि आर्मी सिर्फ लड़कों के लिए होती है। गलत, लड़कियों के लिए भी हो सकती है, पर मैं इस सोशल मैसेज से इतना खुश नहीं हूं। वो मैं डिटेल में आगे वीडियोस में बताऊंगा कि ऐसा क्यों। भाई देखो, मेरा मानना है कि अगर मूवी में आपको ये वाली फीलिंग आ गई कि यार इंटरवल क्यों आ गया, या ओ भाई इंटरवल के बाद क्या होगा, तो ये मूवी ऑलरेडी सक्सेसफुल है। इसी के चलते सिद्धार्थ आनंद ने एरियल एक्शन इतना ग्रिपिंग रखा है, इतना टाइट है कि आप अपनी कुर्सी की पेटी खोलना ही नहीं चाहते। मूवी में हर मोड़ पे आपको ट्विस्ट एंड टर्न्स मिलेंगे एंड तक। नॉट ओनली दिस, रीसेंट मूवीज में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान टॉपिक को बहुत बार दिखाया है, बट इस मूवी का यूएसपी है एरियल एक्शन, जो इस टॉपिक को एक अलग एंगल देता है। कहानी वही है, एक था हीरो इंडिया से, एक था विलन पाकिस्तान से, लेकिन उसको अलग बनाता है इस मूवी का एरियल एक्शन। और यही रीजन बनता है कि इसको अगर आपको फील करना है तो आपको इसको थिएटर में ही देखना चाहिए, जरूर देखना चाहिए। क्योंकि देखो भाई, ऋतिक का ग्लैमर तो आप बड़े पर्दे पे ही देखोगे तो ज्यादा सही लगेगा। एक तो लौंडा सुपर स्मार्ट, ऊपर से वो एक्शन के अंदर एक्शन का ही अपना जॉनर क्रिएट कर देता है, ऋतिक एक्शन जॉनर। मूवी के रोमांटिक सीन्स नहीं है, रोमांटिक कॉमेडी सीन्स है जो पहले क्वार्टर में ही खत्म हो जाते हैं। पहले क्वार्टर में, पहले हाफ में नहीं, पहले क्वार्टर में खत्म होने के बाद। और एक प्लीज सीन है जो वीडियो के यहां तक पहुंच गए हैं उन्हें थिएटर में समझ आएगा कि ये किसकी बात हो रही है, वो वर्थ इट सीन है। बाकी डायलॉग्स तो आप फाइटर के ट्रेलर में सुन ही चुके हो कि कैसे हैं, बस उसको एक नॉच, ज्यादा नहीं, सिर्फ एक नॉच ऊपर बढ़ा दो तो फाइटर रेडी है। और हाँ, 3D में देखिएगा, मजा आ जाएगा। हैप्पी रिपब्लिक डे, एंजॉय योर वीकेंड। डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद के लिए 25 जनवरी एक बार फिर से लकी साबित हो चुकी है फिल्म पठान के बाद, क्योंकि 25 जनवरी को रिलीज हुई उनकी फिल्म फाइटर ऑडियंस को पसंद आ चुकी है। ऋतिक रोशन का चार्मिंग प्रेजेंस, सिद्धार्थ का हटके डायरेक्टिव स्टाइल और फिल्म का बिगेस्ट यूएसपी यानी कि VFX, सब कुछ ना काबिल तारीफ था। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स पायलट को ट्रिब्यूट देने वाली ये फिल्म 25 जनवरी यानी कि ओपनिंग डे पर 22 करोड़ की कमाई कर चुकी है से लेकर 30 करोड़ का प्रोडक्शन किया जा रहा था, पर इसका मतलब फाइटर पठान को तो पीछे नहीं छोड़ पाई, जिसने पहले ही दिन 55 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था। इतना ही नहीं बल्कि ऋतिक की फिल्म वॉर का भी रिकॉर्ड ये फिल्म नहीं तोड़ पाई है, जिसने 53 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था
और नॉट इवन बैंग बैंग जिसने 27 करोड़ रुपए कमाए थे पहले दिन, पर दूसरे दिन फर्म ने इंडिया में 41 करोड़ का बिजनेस किया। तो फाइटर का दो दिन का कलेक्शन हुआ 63 करोड़ रुपए इंडिया में। अब फर्स्ट डे फाइटर ने वर्ल्ड वाइड 36 करोड़ रुपए का बिजनेस किया और दूसरे दिन 64 करोड़ रुपए कमाए, यानी वर्ल्ड वाइड दो दिनों में फर्म 100 करोड़ क्लब में पहुंच चुकी है। अगर फाइटर की तीसरे दिन के कलेक्शन की बात की जाए तो इंडिया में तीसरे दिन 28 करोड़ की कमाई हो पाई है, जो कि दूसरे दिन के कंपैरिजन में बहुत ही कम है। तो वहीं पठान ने तीसरे दिन सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में 38 करोड़ का बिजनेस किया था। और ऋतिक रोशन की फिल्म वॉर को देखें तो उसने तीसरे दिन 21 करोड़ की कमाई की थी। तो यहां पर तो भाई फाइटर वॉर से आगे है दोस्तों। तो ऐसे में तीन दिन का फाइटर का टोटल डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो चुका है 91 करोड़ रुपए और तीसरे दिन वर्ल्ड वाइड 56 करोड़ की कमाई हुई है। इसका मतलब तीन दिनों में वर्ल्ड वाइड फर्म की कमाई है 156 करोड़। वैसे फाइटर अभी स्टेबल कमाई कर रही है और ऐसी ही कमाई उसे करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर फर्म 200 करोड़ पार नहीं कर पाई ना तो ये फर्म हिट नहीं कहलाई जाएगी। तो फाइटर को और फाइट करना पड़ेगा। वैसे ये द ऋतिक रोशन की फिल्म है तो ऐसा वो पीछे रहेगी ऐसा लगता नहीं है। तो देखते हैं आगे चलकर ये फिल्म कितनी कमाई कर। आप सब इंडियन एयरफोर्स के टॉप एविएटर्स हो, एक दूसरे को जानो, बॉन्ड विद ईच अदर। एरोगेंट कॉन्फिडेंट। ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण की जोड़ी फिल्म फाइटर के साथ फर्स्ट टाइम स्क्रीन शेयर कर रही है। इसे आज यानी कि 25 जनवरी 2024 को रिलीज कर दिया गया है, लेकिन इस फिल्म में ऐसा क्या है जो बाकी पैट्रियोटिक मूवीज में नहीं है? आपको मूवी देखनी चाहिए या फिर नहीं? लेट्स फाइंड आउट द रीजन। आइए देखते हैं, मजा आएगा। फर्स्ट एंड इम्पोर्टेंट फैक्टर, मूवी देशभक्ति के जोश और जज्बे से लबरेज है। फिल्म को देखने के बाद हर किसी का सिनाना गर्व से फूल जाएगा। मूवी कई पुराने जख्मों को भरने के लिए सिल्वर स्क्रीन पर आई है। एक तरह से ये एयरफोर्स को छोटा सा ट्रिब्यूट है बाय इंडियन सिनेमा। सेकेंड रीजन है कि आपको मूवी क्यों देखनी चाहिए। अगर आप ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण के फैन हैं, देन डेफिनेटली यू कांट मिस दिस मूवी। बहुत ही अच्छी मूवी है, बिकॉज़ एक तो ऋतिक रोशन विक्रम वेधा के बाद अब सिल्वर स्क्रीन पर वापस आ रहे हैं, वो भी अपनी फौजी वेश में। ऐसा लुक उनका लक्ष्य में देखा गया था। वहीं दीपिका पादुकोण का एक्शन लुक हम इससे पहले भी पठान और जवान में देख चुके हैं, जो सबने बहुत पसंद किया था, तो इनके लिए ये फिल्म देखना तो बनता है। थर्ड फैक्टर है फिल्म की स्टोरी, जो एयर स्ट्राइक बालाकोट स्ट्राइक पर बेस्ड है, जो इंडियन हिस्ट्री की एक रियल अचीवमेंट है। दोस्तों, यूथ को ये मूवी काफी अट्रैक्ट कर सकती है, जबकि मूवी की रिलीज पर 5 देशों द्वारा बैन लगा दिया गया है। जी हाँ, फिल्म बिजनेस एक्सपर्ट और प्रोड्यूसर गिरीश जौहर की माने तो फाइटर को अभी तक संयुक्त अरब अमीरात को छोड़कर सभी गल्फ कंट्रीज में ना रिलीज करने से इनकार कर दिया गया है। फिल्म को कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब में नहीं रिलीज किया जाएगा। फोर्थ फैक्टर है फिल्म का लार्जर देन लाइफ एक्शन, जिसे टॉप गन मैवरिक से भी इंस्पायर बताया गया है। इफ यू आर अ बिग फैन ऑफ एक्शन मूवीज ना, तो ये आपके लिए एक कॉम्बो ऑफर है भाई। फिफ्थ फैक्टर है मूवी को मिलने वाले रिव्यूज का पॉजिटिव होना, जो सबसे अच्छी बात है। फेमस मूवी क्रिटिक तरुण आदर्श है ना, उन्होंने अपने रिव्यू में फिल्म को 4.5 स्टार देते हुए फाइटर को शानदार फिल्म बताया है। उन्होंने ऋतिक रोशन, दीपिका पादुकोण और अनिल कपूर की एक्टिंग की जमकर तारीफ की है। तरुण आदर्श ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा है, वॉर पठान अ फाइटर, निर्देशक सिद्धार्थ आनंद ने हैट्रिक बनाई है। ए रियल एक्शन ड्रामा, इमोशन और देशभक्ति, फाइटर एक किंग साइज एंटरटेनर है, जिसमें ऋतिक रोशन का शानदार अभिनय है, बस इसे मिस ना करें। सिक्स फैक्टर है कि फाइटर एक स्मार्टली बुना गया प्रोडक्ट है, जो जबरदस्त अंतरराष्ट्रीय बात से दूर है, फिर भी जैसे जैसे स्टोरी सामने आती है एक ठोस बयान देता है। अच्छी तरह से तैयार किया गया है। एरियल कॉम्बैक पोर्शन, ताली बजाने वाले डायलॉग और एक शानदार सेकेंड हाफ के साथ फाइटर जो वादा करता है उसे पूरा करता है। एक लार्जर देन लाइफ स्क्रीन एक्सपीरियंस। सबसे जरूरी बात, फाइटर उन सोल्जर्स के लिए एक अच्छी ट्रिब्यूट है, जो निस्वार्थ रूप से हमारे देश की रक्षा करते हैं। सेवेंथ फैक्टर है स्टार्स का परफॉर्मेंस। बिना किसी शक के ऋतिक रोशन शो स्टॉपर है। वो अमेजिंगली ईमानदारी के साथ ब्रेवरी, पेशेंस और क्रोध दिखाते हैं। वो जिस भी सीक्वेंस में दिखाई देते हैं उसके मालिक हैं। हर पल को शानदार अभिनय से जीवंत बनाते हैं। दीपिका पादुकोण टॉप पायदान पर है, जो डिमांडिंग पार्ट को बखूबी बनाती है
और स्क्रीन जोड़ी ऋतिक रोशन, दीपिका पादुकोण फिल्म को एक्स्ट्रा चमक देती है। सपोर्टिंग स्टार्स में अनिल कपूर हमेशा की तरह फ्लॉलेस है। कई सीक्वेंस में ना एक्सेल, सपोर्टिंग कास्ट परफेक्ट है। अब करण सिंह ग्रोवर फर्स्ट रेट के है, जबकि अक्षय ओबेरॉय अद्भुत है। ऋषभ सावनी विलन पूरी तरह से खतरनाक है। मूवी का विलन मूवी का बेस्ट पार्ट है। सिद्धार्थ की मूवीज में विलन इनका ना अलग ही यूएसपी होता है, और फाइटर से ये प्रूफ हो गया है। डायलॉग बाजी सिर्फ हीरो ने नहीं विलन ने भी बखूबी की है। फाइटर का रन टाइम 2 घंटे 46 मिनट है। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी कि CBFC ने भी फिल्म को UA सर्टिफिकेशन दिया है। उम्मीद है कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर शानदार ओपनिंग दर्ज करेगी। तो ये कुछ रीजन है जो कि आपको फाइटर देखने के लिए मजबूर कर देंगे। तो फिलहाल आप इस फिल्म को देखने के लिए जा रहे हैं या फिर नहीं, हमें कॉमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। में हम अकेले नहीं, उनके मुकाबले हमारी ताकत की बिछ गई। मैं गलत था डेरेक, दुनिया जरा भी नहीं बदली। हमारी फौज आ रही है, उसे कोई नहीं रोक सकता। मिशन में वो पकड़ा गया। सुना है बहुत टॉर्चर किया उसे, पता नहीं कि मर गया है या उसका अगला कदम क्या होगा। आई अंडरस्टैंड, remember what I taught you. मौका मिला तो कभी सुना देना। सोचना मैं नहीं सोचूंगा, आप किसी और से पूछे, उससे पहले मैं आप तक पहुंचूंगा। मैं देश को ही अपना धर्म मान लिया और देश की रक्षा को ही अपना करूं। डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद, ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण की फिल्म फाइटर का टीजर तो कब का रिलीज किया गया और फिल्म के 2 गाने भी रिलीज किए गए। अब जैसे कि फिल्म के 2 गाने शेर खुल गए और इश्क जैसा कुछ ये उतना असर नहीं डाल पाए, जबकि इसे प्रमोशनल कंटेंट के लिए इस्तेमाल किया गया, तो इसी वजह से उतना हाइप नजर नहीं आ रहा फिल्म के मेकर्स को जितना कि होना चाहिए। तो मेकर्स ये सोच रहे हैं कि अब जरा प्रमोशनल चीजों पर हम रोक लगा देते हैं और कुछ ऐसा करते हैं जिसकी वजह से रिलीज होने तक लोगों के मुंह पर सिर्फ फाइटर का ही नाम हो।
जिसके लिए उनका पहला एक्सपेरिमेंट था किंग खान की एंट्री करवाना, यानी कि कैमियो। अब सिद्धार्थ आनंद की फिल्म पठान में शाहरुख खान ने काम किया था और उनका हिस्टोरिकल कमबैक हुआ था, तो सिद्धार्थ ने भी एक्सपेक्ट किया था कि शाहरुख खान मान जाएंगे, पर शाहरुख खान ने उसके लिए इनकार कर दिया क्योंकि ये फिल्म इसका जनर अलग है तो वो उसके साथ नहीं जा सकते, ऐसा उन्हें लगा। अब इसमें क्या अलग है, क्योंकि इससे पहले पैट्रियोटिज्म से भरपूर फिल्में वो कर चुके हैं जिसमें चक दे इंडिया शामिल है, पठान भी शामिल थी, उनकी 2023 की हिट फिल्म डंकी भी एक देशभक्ति का टच देने वाली फिल्म है, पर इस बार उन्होंने सीधा मना कर दिया जिससे फिल्म का हाइप बढ़ सकता था। दूसरी बात यह है, लीडिंग लेडी दीपिका पादुकोण जो पहली बार ऋतिक रोशन के साथ दिखाई देने वाली है वो भी खुश नहीं है मेकर्स से। जी हाँ, ऐसा इसलिए बताया गया क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि सिर्फ ऋतिक रोशन पर ही फोकस हो रहा है, उन पर नहीं। टीजर के बाद ऋतिक की थोड़ी चर्चा हुई और उनका उतना जिक्र नहीं किया गया, शायद ऐसा इसलिए लग रहा होगा क्योंकि फिल्म का सच में बस नहीं है और इसका कंपैरिजन पठान की हर एक चीज से होता होगा कि पठान का गाना कैसे हिट हुआ, केमिस्ट्री कैसे हिट हुई, अलग अलग कैरेक्टर्स कैसे लोगों के मुंह पर सुनाई दे रहे थे, टीजर कितना इम्पैक्टफुल था एंड सो ऑन, तो इसे लेकर कंपैरिजन होता होगा जिसमें पठान हमेशा से सारी फिल्मों पर भारी पड़ चुकी है और अब फिल्मों के स्टूडियो हेड ने भी प्रमोशन पर ज्यादा खर्च करने से मना कर दिया जो कि होने वाला था, इसलिए अब जो भी उम्मीदें हैं वो फिल्म के बाकी गानों से और फिल्म के ट्रेलर से है, क्योंकि ट्रेलर एक ऐसी चीज है जो आपको एक तो मजबूर कर देती है टिकट निकालने के लिए या फिर इन शॉर्ट आपको क्लियर आइडिया देती है कि आपको इस फिल्म में इंटरेस्ट लेना है या फिर नहीं। तो अब मेकर्स पूरा फोकस करेंगे फिल्म का हर। ऋतिक रोशन, दीपिका पादुकोण और अनिल कपूर की मूवी फाइटर का टीजर कुछ समय पहले रिलीज हुआ था। अब मूवी से एक BTS वीडियो ऋतिक के बर्थडे पर लॉन्च हुआ है जिसमें फाइटर के टीजर सीन्स को ऋतिक ने कैसे शूट किया है उसे दिखाया गया है। पठान के बाद सिद्धार्थ आनंद की ये मूवी भी गणतंत्र दिवस पर ही रिलीज होने जा रही है। कुछ फाइटर पायलट्स की दुनिया को मूवी की कहानी का केंद्र बनाया गया है। मूवी के 1:13 के टीजर में मेकर्स ने हर मुमकिन मसाला फिट करने की कोशिश की। बेसिकली मूवी को हिट करवाने वाले हर फॉर्मूले का इस्तेमाल किया गया है। एक्शन और डांस करते ऋतिक और दीपिका पादुकोण है, देशभक्ति वाला सेंटिमेंट है। टीजर देखकर लग रहा है कि सिद्धार्थ आनंद इस बार भी निशाने से नहीं छूटने वाली। हालांकि जब भी डिफेंस जैसे सब्जेक्ट पर फिल्में बनती है तो उनकी गलतियां भी उजागर होती हैं। मेकर्स भले ही उसे क्रिएटिव फ्रीडम और ड्रामेटिक इफेक्ट का नाम दे दें लेकिन ये अंतहीन बहस है। फाइटर के टीजर में भी कुछ गलतियां साफ दिखाई पड़ रही हैं। पहला तो दीपिका पादुकोण का एंट्री शॉट दिखाया जाता है कि वो एक हेलीकॉप्टर उड़ा रही हैं और झट से उसे उल्टा कर देती हैं। पहली बात तो सिर्फ करतब करने वाले हेलीकॉप्टर को ही उल्टा कर सकते हैं, आमतौर पर हेलीकॉप्टर ऐसा नहीं कर सकते। दूसरा है कहानी का दुश्मन, टाइगर पठान से लेकर फाइटर तक हम हर बार दुश्मन के लिए पाकिस्तान के पास पहुंच जाते हैं। फाइटर की BTS में जेट्स एक दूसरे के आमने सामने आते हैं, एक ब्लू और ग्रे रंग का है और दूसरा हरे रंग का, हरे रंग वाला F-16 प्लेन है, इंडिया के पड़ोसियों में से सिर्फ पाकिस्तान के पास ही है। मेकर्स ने भले ही सीधे तौर पर नाम नहीं लिया लेकिन इस हिंट से समझ आ जाता है अगर इतने पर भी किसी को समझ ना आए तो मेकर्स ने उसे हरा रंग दे दिया। फाइटर जेट्स को ब्लू और ग्रे जैसे रंग दिए जाते हैं ताकि आकाश में उन्हें आसानी से ट्रेस नहीं किया जा सके, लेकिन यहाँ आपने पूरे प्लेन को हरा कर दिया, आसमान में पहुँचते ही वो आसमान टारगेट बन सकता है। खैर, मुमकिन है कि मेकर्स ने ये बातें नज़रअंदाज की हों, बाकी पूरी तस्वीर मूवी आने पर साफ होगी। फाइटर 25 जनवरी 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज़ हो रही है। सिद्धार्थ की पिछली मूवी पठान भी रिपब्लिक डे पर आई थी, हॉलीडे रिलीज़ होने का मूवी को फ़ायदा मिला था। फाइटर के पास भी लॉन्ग वीकेंड होने वाला है, गुरुवार को मूवी आएगी, उसके अगले 3 दिन छुट्टी है, ऐसे में मूवी बहुत बड़ा ओपनिंग वीकेंड कलेक्शन दर्ज कर सकती। सिद्धार्थ की पिछली कुछ फिल्मों ने जमकर पैसा फोड़ा, वो बात अलग है कि वॉर और पठान में उन्होंने अपने कई एलिमेंट्स को दोहराया था, फाइटर में भी ऐसा होता दिख रहा है। अगर ये काम कर जाता है तो मेकर्स को क्या ही शिकायत होगी। वहीं इस BTS में कहीं कहीं ऋतिक बॉडी पर काम करते हुए भी दिख रहे हैं, जो साफ साफ दिख रहा है कि ऋतिक ने मूवी के लिए काफ़ी मेहनत की है और सिर्फ यही नहीं, ऋतिक अपनी हर मूवी में मेहनत करते आए हैं। फाइटर जेट पायलट के रूप में अपने किरदार में ढलने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते हुए ये सिमुलेटर परीक्षण से गुजरे हैं। इससे पहले भी जोधा अकबर के लिए तलवारबाजी और घुड़सवारी सीखने से लेकर जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में एक महत्वपूर्ण सीन की शूटिंग के दौरान एक सर्टिफाइड स्कूबा डाइवर बना।
काबिल में एक वॉइस आर्टिस्ट की भूमिका निभाने के लिए आवाज मॉड्यूलेशन प्रशिक्षण से गुजरना, क्रिश के लिए हांगकांग में वुशू सीखना और विक्रम वेधा में एक गैंगस्टर की भूमिका निभाने के लिए हथियारों को चलाना सीखना का वर्कशॉप। ऋतिक रोशन को सभी फिल्मों के लिए अपने पात्रों को बेहतर बनाने के लिए व्यापक तैयारी करनी पड़ती है, क्योंकि फाइटर के शूट में असली फाइटर जेट्स के साथ फिल्मांकन शामिल था, इसलिए ऋतिक ने असली फाइटर जेट उड़ाने को सीखने का बीड़ा उठाया था। एक्टर ने पहले शेड्यूल की शूटिंग शुरू करने से पहले नवंबर में तेजपुरी एयरबस में असम शेड्यूल से पहले अपना प्रशिक्षण शुरू किया और मूवी के 3 शेड्यूल की शूटिंग के दौरान अभ्यास करना और अपने ज्ञान को बढ़ाना जारी रखा। आपको ऋतिक देशभक्ति के स्वाद से भरपूर, एक्शन से भरपूर फाइटर में ऋतिक रोशन, दीपिका पादुकोण और अनिल कपूर है। लेकिन दोस्तों, क्या आप इससे भी बेहतर कास्ट के साथ इस फिल्म को देख सकते हैं, मतलब कि इमेजिन कर सकते हैं? खैर, हमें यकीन है कि फाइटर के साथ बनाई गई ब्लॉकबस्टर के लिए सिद्धार्थ आनंद की परफेक्ट रेसिपी देखने के बाद आपका जवाब ना होगा। जब देश में उत्तरायण और मकर संक्रांति मनाई जा रही होगी ना, तब फिल्म का ट्रेलर रिलीज होगा, मतलब कि 15 जनवरी को। फिल्म का टीजर ऑलरेडी रिलीज हो चुका है और टैगलाइन कहती है, हमें ढूंढने के लिए तुम्हें अच्छा होना चाहिए, हमें पकड़ने के लिए आपको तेज होना चाहिए, हमें हराने के लिए आप मजाक कर रहे हैं, फाइटर फॉरएवर। अब ये हुक लाइन सुनने के बाद ये जितनी पावरफुल लगती है ना, उससे 10 गुना बेहतर हो सकती है। जी हाँ, जब फिल्म के मेन कैरेक्टर्स को एक शानदार बैकग्राउंड पर एयरफोर्स की वर्दी में लड़ाकू विमान उड़ाते हुए देख, फिल्म रिपब्लिक डे 2024 पर रिलीज हो और फिल्म के कैप्शन में लिखा है कि कभी उड़ान के लिए कभी जंग के लिए और हर बार देश के लिए, बैकग्राउंड में बज रहे वंदे मातरम के साथ फाइटर टीजर की सभी सीन्स विजेता लगती है। अब नेटिजन्स को कोई परवाह नहीं है कि वो टॉप गन मेवरिक के समान दिखते हैं या फिर नहीं। अधिकांश नेटिजन्स को लगता है कि भले ही ये टॉम क्रूज की फिल्म की नकल हो, लेकिन एक अच्छी तरह से बनाई गई प्रभावशाली फिल्म होगी। टीजर आते ही नेटिजन्स ने फिल्म को ब्लॉकबस्टर बता दिया था। एक यूजर ने लिखा था कि क्रेजी, इसमें निश्चित रूप से टॉप गन के शेड्स है, लेकिन मुझे लगता है कि ये ज्यादातर एयर इंडिया फोर्स के लिए किसी मिशन की फिल्म है। एक और कमेंट में दोस्तों लिखा गया था कि इसने रोंगटे खड़े कर दिए, निश्चित रूप से इसे बड़ी स्क्रीन पर कई बार देखूंगा। इतना ही नहीं, इनफैक्ट लोगों ने तो ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण की केमिस्ट्री को हाल के दिनों में सबसे बेहतरीन बताया है। एक टिप्पणी में लिखा था, मुझे नहीं पता कि हम ऋतिक और दीपिका को एक साथ स्क्रीन पर देखकर कैसे रिएक्ट करेंगे, वो बहुत सुंदर है, बहुत आकर्षक है। एक यूजर ने बताया कि कैसे सिद्धार्थ आनंद ने रोहित शेट्टी को परेशान कर दिया होगा, जो कि सिंघम अगेन को स्वतंत्रता दिवस पर यानी कि 2024 में रिलीज करने की योजना बना रहे हैं। अब एक कमेंट में ये भी लिखा है कि रोहित शेट्टी से देखकर कहीं ना कहीं नाराज हो रहे हो, सिंघम अगेन के 10 और पोस्टर लॉन्च करने की तैयारी कर रहे होंगे। एक अन्य कमेंट में ये भी लिखा गया दोस्तों कि हम टीजर में बहुत सारे टॉप गन मोमेंट्स देख सकते हैं, लेकिन फिर भी टीजर मजेदार था। मैं बस यही आशा करता हूं कि वो बहुत अधिक खोपी हुई देशभक्ति ना कर दे, ये फिल्म पठान का भी रिकॉर्ड तोड़ने की क्षमता रखती हो। फिल्म की 1 मिनट से ज्यादा की उस टीजर से लोग इतने प्रभावित हो गए थे कि एक यूजर ने कमेंट किया, बहुत बढ़िया, वीएफएक्स अपने स्तर का सबसे सर्वश्रेष्ठ तो नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत बढ़िया है, उन्होंने SU-30 के साथ बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। बैंग बैंग और वॉर में अपनी उपयोगिता साबित कर चुके सिद्धार्थ आनंद और ऋतिक रोशन के कॉम्बिनेशन की तारीफ करते हुए एक यूजर ने लिखा कि बॉलीवुड को सबसे अच्छी एक्शन जोड़ी मिल गई है, रोहित शेट्टी घबराए हुए होंगे। एक यूजर को उम्मीद थी कि एनिमल के बाद ये अगली 1000 करोड़ी ब्लॉकबस्टर होगी। एक टिप्पणी में ये भी लिखा गया कि ऋतिक रोशन और रणबीर कपूर 1000 करोड़ और ला रहे हैं और अगली पीढ़ी को जीवित रख रहे हैं। एक अन्य कमेंट में टीजर में अनिल कपूर के लुक की तारीफ की गई थी और कहा गया, #spiderteaser में अनिल कपूर के लुक ने मुझे पुकार में उनकी वर्दी की याद दिला दी, ये मेरी पसंदीदा फिल्मों और उनके टॉप अभिनय में से एक है, आशा है कि एनिमल के बाद मैं उन्हें फिर से एक सशक्त भूमिका में देख पाऊंगा, और हाँ, जब ऋतिक है तो कंगना भी होंगी। एक टिप्पणी में लिखा था, कोई कंगू दीदी का रिव्यू लेकर आओ, मतलब लोग चाहते हैं कि ऋतिक की फिल्म के ट्रेलर टीजर पोस्टर लुक पर कंगना रिएक्ट करे और लोगों को मसाला मिल जाए। वैसे आपका क्या ख्याल है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें।
सवाल मैं पूछूंगा, तुम नहीं। जफर तुम्हें जीने नहीं देगा। और कहां मिलेगा ये जफर? इंडिया की फर्स्ट एरियल एक्शन मूवी। क्या होती है एरियल एक्शन मूवीज? कौन सी है सबसे बेस्ट एरियल एक्शन मूवीज? कैसा होगा फिल्म में अनिल कपूर का रोल? आज तक हम सिर्फ हॉलीवुड ही नहीं, एक्शन मूवीज को देखकर सरप्राइज हो जाते थे, लेकिन बहुत जल्दी हमें एक ऐसी इंडियन एक्शन मूवी देखने को मिलने वाली है जो इंडिया की फर्स्ट एरियल एक्शन मूवी होगी, जिसका नाम है फाइटर। और इसके मेन लीड्स में नजर आने वाले हैं ऋतिक रोशन, दीपिका पादुकोण और अनिल कपूर। और इसे डायरेक्ट कर रहे हैं एक्शन फिल्मों के जाने माने डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद, जो हमें पहली बार एरियल एक्शन मूवी का एक्सपीरियंस देने वाले हैं। अगर आप नहीं जानते कि एरियल एक्शन जॉनर होता क्या है, तो आपको बता दें कि एरियल एक्शन मतलब ऐसी फिल्म होती है जिनमें एरियल सिनेमेटोग्राफी, जो एक फिल्मिंग टेक्निक, उसका इस्तेमाल किया जाता है, और उसमें एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स, प्लेन्स और ड्रोन्स की मदद से ज्यादातर शूटिंग की जाती है। और उसमें एरियल शॉट्स मतलब हवा में ऊंचे स्तर पर हो रहे शॉट्स और एक्शन ज्यादा होते हैं, और ऐसी फिल्म आज तक कभी इंडिया में नहीं बनी है। शायद इसमें इस्तेमाल की जाने वाली टेक्नोलॉजी की वजह से, या फिर ये फिल्म काफी रिस्की होती है इस वजह से, लेकिन अब ये फिल्म बन रही है और बहुत जल्द हमें सिल्वर स्क्रीन पर भी नजर आने वाली है। साथ ही अगर हम बात करें हॉलीवुड की बेस्ट एरियल एक्शन मूवीज के बारे में, तो उसमें सबसे पहला नाम आता है टॉप गन सीरीज का, जिसमें हमने हम सब के फेवरेट टॉम क्रूज को मैवरिक के किरदार में देखा था। और हाल ही में आई टॉप गन मैवरिक ने तो इतने सालों के बाद आने के बाद भी सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे, और कहा जा रहा है कि फाइटर में ऋतिक का किरदार भी टॉम क्रूज के जैसा ही होने वाला है। और इस फिल्म के अलावा भी 2019 में आई 1977 में आई स्टार वॉर्स और 2014 में आई गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी भी बेस्ट एरियल कॉम्बैट मूवीज है। साथ ही अगर हम इस फिल्म में अनिल कपूर के किरदार की बात करें, तो उनके किरदार को लेकर दो पॉसिबिलिटीज आती है। पहले तो वो फिल्म के विलन का रोल प्ले कर सकते हैं, और या तो वो इस फिल्म में ऋतिक के किरदार के एक बड़े सपोर्टिव किरदार में नजर आ सकते हैं। अनिल इतने सालों से फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जिस पर से एक बात तो पक्की है कि वो जिस भी किरदार में नजर आएंगे वो बेस्ट तरीके से ही निभाएंगे। और इससे पहले ऋतिक, दीपिका और अनिल के इस ट्रायल को किसी भी फिल्म में नहीं देखा गया है, जिससे एक बात तो तय है कि ये तीनों ही ऑडियंस को एक अच्छा एक्सपीरियंस देने वाले हैं। क्या आपको हॉलीवुड मूवीज देखना पसंद है? ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही आपके लिए एक इम्पोर्टेंट न्यूज है, अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक करिए और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाइए। उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, और ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को। कौन है आप? सवाल मैं पूछूंगा, तुम नहीं। जफर तुम्हें जीने नहीं देगा। और कहां मिलेगा ये जफर? इन आंखों में और से देख, ना तो इनमें मरने का गम है ना मौत का खौफ। ऋतिक करेंगे जॉन के साथ नेक्स्ट बिग फिल्म। क्या कहा जॉन ने ऋतिक को लेकर? कौन सी नई टेक्निक देगी फिल्म को एक्स्ट्रा पावर? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्रास स्टूडियोज में। सिद्धार्थ आनंद, जिनकी फिल्में देखकर हर कोई फिल्म के एक्शन का दीवाना हो जाता है, और जब जब उनकी कोई भी नई फिल्म का आगाज होता है तो हर किसी के मन में यही ख्याल आता है कि क्या इस बार भी ऋतिक होंगे इनके फिल्म का हिस्सा। तो ऐसे में जल्द अब सिद्धार्थ आनंद की एक और एक्शन फिल्म, जिसका नाम है फाइटर, उनमें हमें ऋतिक नजर आने वाले हैं, वो भी पहली बार दीपिका संग। ये फिल्म भी एक्शन से भरपूर होने वाली है, लेकिन इस फिल्म में इस बार नई टेक्नोलॉजी और फिल्मिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाएगा। वैसे तो सिद्धार्थ आनंद की फिल्मों में स्पेशल इफेक्ट्स का यूज काफी होता है, जो एक नॉर्मल फिल्म को फैंटेसी में बदल देता है, लेकिन आने वाली फिल्म एक एरियल एक्शन फिल्म होने वाली है, जिसका मतलब है कि इस बार फिल्म में ज्यादा ऑथेंटिक एक्शन और स्टंट्स देखने को मिलेंगे। अगर बात की जाए सिनेमा दौर की, तो 1885 में शुरू हुआ आर्ट ऑफ सिनेमा, जिसको लेकर आए लेजेंड महादेव पटवर्धन और फिल्मों का सफर शुरू किया हरिश्चंद्र सखाराम भट्टावडेकर ने, फिर दौर आगे आया द साइलेंट एरा 1900 to 1930 में, और फिर आई बोलती हुई फिल्मों का लाया गया, और फिर आई रंगीन फिल्में।
ऐसे में जहां धीरे धीरे दौर के साथ फिल्मों को देखने और उनके तरीकों में बदलाव आए, ऐसे ही आज का जमाना ज्यादा VFX पर भरोसा करता है। ऐसे में अपनी आने वाली फिल्म में सिद्धार्थ क्लाउड बस्टिंग नेक्स्ट लेवल सेट्स, सोलो सिनेबॉट, एक रोबोटिक कैमरा जैसी नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते नजर आ सकते हैं। वहीं दूसरी ओर हाल ही में जॉन अब्राहम की फिल्म अटैक बड़े पर्दे पर बड़े बड़े अटैक करते नजर आ रही है। ऐसे में जॉन ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा कि अगर उनकी ये फिल्म काफी जबरदस्त जाएगी तो वो मोस्ट प्रोबेबली इस फिल्म का सेकेंड पार्ट जरूर बनाएंगे और उसमें वो चहेते और ऋतिक और टाइगर के संग फिल्म करेंगे। तो देखते हैं कैसी जाती है फाइटर। और आपको बता दें कि जॉन जल्द ही सिद्धार्थ आनंद की एक और एक्शन पैक्ड फिल्म पठान में SRK और दीपिका संग नजर आने वाले हैं बड़े पर्दे पर। तो तैयार हो जाइए सिद्धार्थ आनंद की बैक टू बैक सुपरहिट फिल्मों के लिए। इसी के साथ अब मैं लेती हूँ आप सभी से अलविदा। फिर इसके आगे हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूं अनुष्का त्यागी। डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद फिल्म पठान के बाद फिर से एक बार हिस्ट्री दोहराने के लिए तैयार हैं अपने फिल्म फाइटर के साथ में, और इसमें उनका साथ देंगे ऋतिक रोशन, दीपिका पादुकोण और अनिल कपूर। भाई फिल्म तो 25 जनवरी 2024 को रिलीज होने वाली है। इसका मतलब अब जितना भी टाइम बचा है मेकर्स प्रमोशन पर इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि भाई किसी भी तरह फिल्म का हाइप बरकरार रखना चाहिए, तभी तो ऑडियंस थिएटर्स में जाएगी। अब हमने फाइटर के ओपनिंग डे कलेक्शन की बात की थी, अब प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि 30 करोड़ तक फिल्म कमा सकती है और ऋतिक की सेकेंड हाईएस्ट ओपनर फिल्म बैंग बैंग को बीट कर सकती है। पर ऋतिक के डाई हार्ड फैंस जो उनकी हर फिल्म का बेसब्री से इंतजार करते हैं, उनके हिसाब से फाइटर गाने बैंग बैंग के गानों को बीट नहीं कर सकते। भाई दोस्तों, बैंग बैंग और फाइटर दोनों अलग अलग फिल्में ज़रूर हैं जिन्हें सिद्धार्थ ने ही बनाया है और ऋतिक उसमें थे, और ऋतिक तो किसी भी गाने पर अपने धमाकेदार डांस मूव दिखाते ही हैं। तो बैंग बैंग के जो गाने थे वो चार्ट बस्टर्स थे, उनके कंपैरिजन में फाइटर के गाने उतने धमाकेदार नहीं हैं, ऐसा भी कुछ लोगों को लगा। मतलब बैंग बैंग की बात करें तो उसका टाइटल ट्रैक हो या बाकी गाने, उसमें जो बात है वो फाइटर के गानों में नहीं नजर आई। तो कलेक्शन के मामले में फाइटर भले ही बैंग बैंग को बीट करे पर गानों के मामले में वो बीट नहीं कर सकती, ऐसा कहा गया है। हाँ दोस्तों, अभी बाकी गाने आने वाले हैं पर जितने भी गाने सुने गए हैं उनके ऊपर ये कहा गया है। वैसे दोस्तों गाने ट्रेंड कर रहे हैं पर उसके पीछे उनके डांस मूव पे कमाल है। पर स्पेसिफिकली अगर गानों की बात करें तो कंपैरिजन में फाइटर के गाने थोड़े से पीछे हैं बैंग बैंग के गानों से, ऐसा फैंस का कहना है भाई। और ये फिल्म के प्रमोशनल कंटेंट का भाग है, इसलिए कंटेंट जितना ज़बरदस्त उतना देखने में मज़ा आएगा, सुनने के लिए ऑडियंस इंटरेस्ट लेगी और फिल्म को फ़ायदा होगा। देखते हैं अब आने वाले अगले गाने और पूरी फिल्म किस तरह की होती है। वैसे दोस्तों फिल्म का ट्रेलर अभी तक आया नहीं है, जिसे लेकर इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है कि टीज़र से अच्छा हो, क्योंकि टीज़र ट्रेलर ऐसी चीज़ें हैं जो फिल्म देखनी है कि नहीं इसका थोड़ा सा आइडिया देती है ऑडियंस को। अगर ऑडियंस वहाँ इम्प्रेस हो गई तो फिल्म देखने में इंटरेस्ट दिखाएगी ही। वैसे फाइटर की टीम ट्रेलर को 10 जनवरी को लाने का प्लान बना सकती है। दोस्तों 10 जनवरी एक खास दिन है क्योंकि तब ऋतिक का जन्मदिन होता है, तो ये उनके लिए एक गिफ्ट भी हो जाएगा और उसके फैंस के लिए भी। वो अभी तक दोस्तों ये सिर्फ चर्चा है, तो उम्मीद करते हैं कि फिल्म का ट्रेलर बढ़िया हो ताकि उससे जो उम्मीदें हैं वो। देखी नौका में इनमें न मरने का गम है ना मौत का खौफ, सिर्फ गर्व है। बहुत जल्द ऐसी ही आंखों में तुझे अपनी। क्या है ऋतिक रोशन की अपकमिंग फिल्म फाइटर का बजट? ये बजट आपको चौंका कैसे देगा और दीपिका और ऋतिक की जोड़ी इस फिल्म में धमाल कैसे मचाने वाली है? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं सोनिका जॉय। सुपरस्टार ऋतिक रोशन के अगर आप फैन हैं तो ये वीडियो आपके लिए बना है, आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। वो जो फिल्म बनाते हैं वो दमदार होती है और अभिनय में जान डाल देती है। इस समय वो अपनी एक फिल्म को लेकर चर्चा में है जिसका ऐलान हाल ही में हुआ है। जी हाँ, बात कर रहे हैं यहाँ पर फिल्म फाइटर की। इस फिल्म में सुपरस्टार काफ़ी तगड़ा एक्शन करते हुए नज़र आएंगे, लेकिन इस समय फिल्म से जुड़ी एक बड़ी जानकारी सामने आई है। दरअसल एक फिल्म जो ये फिल्म है पिंक विला की रिपोर्ट की माने तो फाइटर का बजट हाईफाई रखा गया है, 250 करोड़ का इसका बजट होने वाला है और इसमें लीड एक्ट्रेस के तौर पर आपको दीपिका पादुकोण नज़र आने वाली है। अब इसके लिए एक्साइटमेंट और भी ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि एक फ्रेश जोड़ी हमें बड़े पर्दे पर नज़र आएगी और इसके अलावा सिद्धार्थ
आनंद इसे बना रहे हैं, जिन्होंने वॉर जैसी फिल्म बनाई, बैंग बैंग बनाई, एक्शन थ्रिलर होने वाली है। इसका मतलब आने वाले समय में एक दमदार एक्शन थ्रिलर फिल्म हमें देखने को मिल रही है इस फिल्म के जरिए। वर्क फ्रेंड की बात करें तो ऋतिक रिश्वोर में भी नजर आने वाले हैं और इसमें भी दीपिका के साथ नजर आने वाले हैं, विलन का रोल करेंगे इस फिल्म में। और फाइटर की शूटिंग की बात करें तो दीपिका पादुकोण की आखिरी बार जो फिल्म आई थी छपाक, उसके बाद वो सीधे फाइटर की ही शूटने वाली है। वहीं ऋतिक रोशन ने अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए अपनी कमर कस ली है और तगड़ी बॉडी बना ली है। आए दिन वो सोशल मीडिया पर कोई ना कोई जानकारी अपने फैंस के साथ साझा करते ही रहते हैं और फाइटर में जब वो धमाकेदार एक्शन दिखाएंगे तो फैंस तो वैसे ही दीवाने हैं उनके एक्शन के। इसके अलावा कहा जा रहा है कि इसमें VFX का तगड़ा इस्तेमाल किया जाएगा, एक्शन के लिए हॉलीवुड टीम हायर की जाएगी क्योंकि ये एक फाइटिंग सीक्वेंस भी दिखाने वाली कहानी होगी। और दोस्तों आपको कितना इंतजार है फाइटर का, दीपिका और ऋतिक की फ्रेश जोड़ी को बड़े पर्दे पर देखने का कितना इंतजार है, ऋतिक रोशन कैसे लगते हैं, उनकी अपकमिंग फिल्मों का आपको कितना वेट है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसी तरह के दूसरे बॉलीवुड टॉलीवुड हॉलीवुड अपडेट्स के लिए फिल्मी सितारों से जुड़े किसी बहुत जल्द ऐसी आंखों में तुझे अपनी मौत नजर आएगी। कुछ याद है? ऋतिक रोशन और रणबीर कपूर एक साथ किसी फिल्म में आने वाले हैं नजर? क्या एक साथ फिल्म करना है पब्लिक डिमांड या फिर राकेश रोशन की बातों का असर है? कैसा चल रहा है ऋतिक की अपकमिंग फिल्म की शूटिंग का सफर? आज इन्हीं सारे सवालों के जवाब लेकर हम हाजिर हैं आज की इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंखुरी और स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज में, जहां रोज आपको मिलता है नई और लेटेस्ट फिल्मों से जुड़े फैक्ट्स का डोज। आज हम बात कर रहे हैं ऋतिक रोशन की अपकमिंग मूवी फाइटर के बारे में। जिस बॉलीवुड इंडस्ट्री पर खान्स और कपूर्स का दबदबा रहा है, वहीं कुछ एक्टर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी एक्टिंग के दम पर ही ना जाने कितने लोगों के दिलों को जीता है। ऐसे ही एक अभिनेता हैं ऋतिक रोशन। चाहे क्रिश हो या फिर कोई मिल गया, चाहे सुपर 30 हो या फिर वॉर, सारी ही फिल्मों में ऋतिक की एक्टिंग रही है दमदार। फाइटर जैसी पेट्रियोटिक एक्शन फिल्म में भी ऋतिक की इसी बेहतरीन एक्टिंग को आप देख पाएंगे। फाइटर फिल्म वैसे भी काफी चर्चा में है और आज फिर एक बार इससे जुड़े कुछ नए फैक्ट सामने आ रहे हैं। रिपोर्ट्स की माने तो फाइटर की शूटिंग के वजह से वो अपनी दूसरी फिल्म को छोड़ने की सोच रहे हैं। जी हाँ, ऋतिक तमिल ब्लॉकबस्टर फिल्म विक्रम वेदा की रीमेक में दिखने वाले थे, पर अब ऐसा लगता है कि उन्होंने अपना मन बदल लिया है। मन बदलने के पीछे सिर्फ फाइटर ही नहीं है, पर फाइटर की शूटिंग के बाद ऋतिक क्रिश 4 की शूटिंग करने वाले हैं और आप सबको ही पता है कि क्रिश सीरीज की किसी भी मूवी को हल्के में नहीं लिया जा सकता, तो ऋतिक भी इसी बात को जानते हुए सिर्फ और सिर्फ क्रिश 4 पे ही फोकस करना चाहते हैं। तो अगर आप भी उन्हें विक्रम वेधा की रीमेक में देखना चाहते थे तो अब शायद ही आपको ऐसा मौका मिल पाए, पर उदास मत होइए। ऋतिक रोशन के पिटारे से नई नई फिल्मों की खबर आ रही है। सीनियर रोशन यानी कि राकेश रोशन का यह कहना है कि वो ऋतिक और रणबीर कपूर को एक साथ एक ही फिल्म में देखना चाहते हैं। जी हाँ, चौंकिए मत, राकेश रोशन और ऋषि कपूर ने बहुत ही अच्छा बॉन्ड शेयर किया है और अपने समय में दोनों ने काफी सारी फिल्मों में एक साथ काम किया है, तो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट जनरेशन को एक साथ देखने की उम्मीद है राकेश रोशन को। तो अगर आपको क्रिश 4 के बाद रणबीर और ऋतिक एक साथ दिख जाएं किसी फिल्म में तो हमारे इस बात को याद कर लीजिएगा। फाइटर वैसे तो 2022 में रिलीज होने वाली है, पर अगर आप ऋतिक के फैन हैं और इस फिल्म से जुड़ी किसी भी डाइंग टू वॉच मतलब देखने के लिए तरसना या फिर मरे जाना, और जब इस तरह का रिमार्क ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण की फिल्म फाइटर को मिलता है तो कॉपी पेस्ट इस तरह के शब्द सुनाई देना बंद हो जाते हैं। उनको टॉप गन मार्वरिक की सस्ती कॉपी कहा गया था ना, पर दीपिका और ऋतिक की सीजलिंग केमिस्ट्री देखने के बाद सब लोग सब भूल चुके हैं। वैसे इनकी जो सीजलिंग केमिस्ट्री दिखाई दी है सिग्नेचर डांस मूव्स के साथ, उसके पीछे कोरियोग्राफर्स बॉस्को सीजर का हाथ है। कई सालों से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उनका कहना है कि अभी भी अपने क्रेडिट को लेकर बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है, और ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि फाइटर फिल्म से जुड़ा जो भी प्रमोशनल मटेरियल सामने आया, जैसे कि ट्रेलर हो गया, टीजर हो गया,
उसमें फिल्म के गाने भी शामिल है, जिसका दूसरा गाना था इश्क जैसा कुछ, जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। उसका क्रेडिट उन्हें यानी कि कोरियोग्राफर को नहीं मिला, मतलब उनका नाम मेंशन नहीं था, और ये बात उन्हें बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग लगी, उन्हें बहुत बुरा लगा, हर्ट हुआ, जो उन्होंने सोशल मीडिया में बताई भी। और बाकी कोरियोग्राफर जैसे कि टेरेंस, वैभव मर्चेंट, गणेश आचार्य और बाकी सबको टैग करते हुए कहा कि कास्ट डायरेक्टर से लेकर म्यूजिक कंपोजर्स तक सबके नाम होते हैं, तो क्या कोरियोग्राफर्स को उनका क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए? पर इस बात को नोटिस किया ऋतिक रोशन ने और उन्हें बहुत बुरा लगा। उन्होंने बताया भी कि उन्होंने डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद से बात भी की थी, पर बॉस को का इस तरह से हर्ट होना उन्हें अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने फिल्म की टीम से कहकर गाने के डिस्क्रिप्शन में कोरियोग्राफर का नाम ऐड करवाया, जिसमें बॉस्को सीजर रेमो डिसूजा इनका नाम शामिल है। और इस बात पर बॉस्को काफी खुश हुए थे, उनका तो दिन ही बन गया होगा कि चलो ऋतिक रोशन ने उन्हें उनका क्रेडिट तो दिलवा दिया ना कम से कम। अब ये गलती से हुआ था या फिर जानबूझकर क्रेडिट नहीं दिया गया वो तो पता नहीं, पर किसने इस खूबसूरत गाने की खूबसूरत कोरियोग्राफी की है ये तो ऑडियंस को पता होना चाहिए ना, जबकि ये गाना बहुत ट्रेंड कर रहा है, लोग वीडियोस बना रहे हैं, रील्स बना रहे थे, और कोरियोग्राफर कौन है पता ही नहीं है, तो बुरा तो भाई लगेगा ना। वैसे बॉस को इससे पहले सिद्धार्थ की फिल्म पठान के लिए भी काम कर चुके हैं, जिसमें झूमे जो पठान गाने के डांस मूव्स काफी ट्रेंड कर चुके हैं, तब ऐसा कुछ नहीं। तो शुरू हो चुका है और 2023 से भी बढ़िया माल 2024 में भरा पड़ा है, मतलब कि फिल्मों का माल। और जब भी हम 2024 की मोस्ट एंटीसिपेटेड फिल्मों की बात करते हैं ना, तब तब हमें सिर्फ एक ही फिल्म का नाम सुनाई देता है, और वो है अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2। पर ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण की फिल्म फाइटर ने तो इसे रास्ते से हटा दिया है। अब आप सोचेंगे कि रास्ते से कैसे हटाया, इसका तो क्लैश है ही नहीं। अरे मेरा मतलब था कि 2024 की मोस्ट एंटीसिपेटेड फिल्मों की जो लिस्ट है ना, उसमें फाइटर नंबर 1 पोजीशन पर है और पुष्पा 2 सेकंड नंबर पर है। अब पुष्पा तो फायर है, पर ये सब कुछ देखने के बाद आग तो फाइटर लग रही है। इसी से पता चलता है कि फाइटर को देखने के लिए फैंस बेसब्र हो रहे हैं, और इसे मोस्ट एंटीसिपेटेड फिल्म कहने का रीजन है ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण की केमिस्ट्री और फिल्म के चार्टबस्टर गाने। चलो मतलब फिल्म 25 जनवरी को रिलीज होने वाली है, और उससे पहले ऐसा पॉजिटिव रिस्पांस मिला है जिसे सुनकर ना ऋतिक भी खुश है। वैसे फिल्म का टीजर आया था 5 दिसंबर को और उसका ट्रेलर आएगा 15 जनवरी को। अब हम ये सोच रहे थे कि 10 जनवरी को ट्रेलर आएगा, जिस दिन ऋतिक रोशन का जन्मदिन है, पर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि शायद डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद जो पिछले एक महीने से ट्रेलर पर काम कर रहे थे, सीन्स कट कर रहे थे, और अब भी रिपब्लिक डे का माहौल शुरू हो जाएगा, तो उसकी मूड के हिसाब से ट्रेलर को एडजस्ट कर रहे थे, उन्होंने 15 जनवरी को चुना है। अब उनकी लास्ट ब्लॉकबस्टर फिल्म पठान भी 25 जनवरी को रिलीज हुई थी, पर इसका ट्रेलर आया था 10 जनवरी को, यानी कि रिलीज से 15 दिन पहले, पर यहाँ वो 10 दिन पहले ट्रेलर रिलीज करेंगे। अब टीजर से कुछ लोग खुश हुए तो कुछ लोग उतने सेटिस्फाइड नहीं थे। इसके लिए ट्रेलर की बेसब्री से राह देखी जा रही है, जिसके ऊपर फिल्म का आधा भविष्य डिपेंडेंट है, और आधा भविष्य फिल्म देखने के बाद ही तय हो पाएगा। वैसे सिद्धार्थ आनंद की क्राउड पुलिंग स्टार कास्ट हमेशा से ही फिल्म सक्सेस की पॉसिबिलिटी बढ़ाती है, जिसमें अनिल कपूर जैसे एक्टर भी जुड़ चुके हैं। वैसे अनिल कपूर एवरग्रीन क्यों है, बोले तो एकदम झक्कास क्यों है, इसका सिर्फ एक ही रीजन है, और वो है उनका फिटनेस। इन्होंने फाइटर के लिए अपना डेडिकेशन दिखाते हुए 15 किलो वजन घटाया है, क्योंकि इन्हें भी एयरफोर्स पायलट रॉकी का कैरेक्टर निभाना है, जिसके लिए उन्हें अपने फिटनेस पर बहुत ज्यादा काम करना पड़ा, इसलिए तो पोस्टर में और टीजर में कमाल के दिखाई दे रहे थे। अब अगर सब कुछ इतना कमाल का है तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी कमाल का हो, बस यही हमारी उम्मीद है। आपको क्या लगता है? हमें कौन है आप? सवाल मैं पूछूंगा तुम नहीं। जफर तुम्हें जीने नहीं देगा। और कहां मिलेगा ये जफर? कहां मिलेगा ये जफर?
फिर क्यों आए साथ ऋतिक और सबा? ऋतिक ने क्या लिखा सबा के बारे में? सबा का कौन सा आया नया गाना? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में। बॉलीवुड के ग्रीक गॉड कहलाने वाले एक्टर ऋतिक रोशन अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ ही साथ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चा में बने रहते हैं। बीते कुछ वक्त से ऋतिक रोशन का नाम सिंगर एक्ट्रेस सबा आजाद के साथ जुड़ रहा है और दोनों ही सेलेब्स ने ऑफिशियली इस बारे में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। ऋतिक और सबा सोशल मीडिया पर एक दूसरे की अक्सर तारीफ करते दिखते हैं और ऐसा ही कुछ ऋतिक ने एक बार फिर किया है। दरअसल हाल ही में सबा आजाद का नया गाना आई हियर योर वॉइस रिलीज हुआ है, जो देखते ही देखते चर्चा में आ गया। अब ऐसे में ऋतिक भला कैसे पीछे रह सकते हैं? ऋतिक ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर सबा के गाने के पोस्ट को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, ये खूबसूरत है। इसके साथ ही ऋतिक ने अपने कैप्शन में दिल के इमोजी का भी इस्तेमाल किया है। ऋतिक रोशन की इंस्टा स्टोरी वायरल हो गई है और फैंस एक बार फिर सबा संग उनका नाम जोड़ रहे हैं। याद दिला दे कि ये पहली बार नहीं है जब ऋतिक ने सबा की तारीफ की है। कुछ वक्त पहले ऋतिक ने द रॉकेट बॉयज को लेकर सबा की तारीफ की थी। ऋतिक रोशन ने वेब सीरीज रॉकेट बॉयज देखी थी और उसको देखने के बाद इंस्टाग्राम स्टोरी पर दो पोस्ट किए थे। पहली इंस्टा स्टोरी पोस्ट में उन्होंने द रॉकेट बॉयज का पोस्टर शेयर करते हुए लिखा, इस सीरीज से हमें काफी कुछ सीखने को मिलता है, पूरी टीम ने बहुत ही अमेजिंग काम किया है, ये बहुत ही प्राउड फीलिंग है कि ये सीरीज भारत में हम में से ही किसी एक ने बनाई है। इसके बाद दूसरी इंस्टा स्टोरी में ऋतिक ने वेब सीरीज के प्रमुख किरदारों का जिक्र करते हुए रिएक्ट किया और ऐसे ही सबा के लिए लिखा था, तुम उन फाइनेस्ट एक्टर्स में से एक हो जिनसे मैं कभी मिला, तुम मुझे इंस्पायर करती हो। गौरतलब है कि ऋतिक रोशन जल्द ही फिल्म फाइटर में नजर आएंगे। फिल्म में ऋतिक की जोड़ी दीपिका पादुकोण के साथ बनेगी। बात करें फिल्म फाइटर की तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये भारत की पहली एरियल एक्शन फिल्म होगी। इस फिल्म का निर्देशन एक्शन फिल्मों में मास्टरी रखने वाले सिद्धार्थ आनंद करेंगे। ऋतिक इससे पहले बैंग बैंग और वॉर फिल्मों में सिद्धार्थ के निर्देशन में काम कर चुके हैं। तो दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड हैं ऋतिक और दीपिका की ये जोड़ी बड़े पर्दे पर देखने के लिए? अपने कौन है आप? सवाल मैं पूछूंगा तुम नहीं। जफर तुम्हें जीने नहीं देगा। और कहां मिलेगा ये जफर? इन आंखों में और से देख, ना तो इनमें मरने का गम है ना मौत का खौफ। वो आखिरी ख्वाहिश दोस्तों, सिद्धार्थ आनंद एक बहुत बड़ा नाम है जहां बॉलीवुड के एक्शन डायरेक्टर्स की बात आती है। ये अब एक्शन की नई डेफिनेशन देने दो नई फिल्में लेकर आने वाले हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ सेट पर कि सिद्धार्थ आनंद ने अपने असिस्टेंट को थप्पड़ मारा? क्या है इसके पीछे के कारण और क्या इस वजह से उनकी फिल्मों को रिलीज होने में देर होने वाली है? दोस्तों, अगर ये सब चीजें आपको जाननी है तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तेजल और मैं आप सबका तहे दिल से बॉलीग्राड स्टूडियोज में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, सिद्धार्थ आनंद ने हमें कई बड़ी बड़ी एक्शन फिल्में दी है और ये कोई भी फिल्म काफी बिग बजट बनाते हैं। ये इन्हीं की बदौलत थी कि हमें वॉर, बैंग बैंग जैसी फिल्में देखने को मिली थी और ये अब ऐसी ही दो घमासान फिल्में लेकर आ रहे हैं जिनका नाम है फाइटर और पठान। आपको बता दूं, ये दोनों भी एक्शन थ्रिलर्स होने वाली है। पठान ये फिल्म मल्टी स्टारर और बिग बजट फिल्म होने वाली है। इसमें दीपिका, शाहरुख खान और जॉन एब्राहम ऐसे जाने माने नाम हमें देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन ये इसी फिल्म की शूटिंग दौरान हुआ था जो सुनने में आया कि सिद्धार्थ आनंद ने अपने असिस्टेंट को थप्पड़ मारा था। वहां मौजूद एक शख्स ने बताया कि ये असिस्टेंट काफी स्ट्रेंज तरीके से बर्ताव कर रहा था और सेट्स पे इसका ध्यान बिल्कुल नहीं था। ये सिद्धार्थ की बातों को भी नहीं सुनता था। जब सिद्धार्थ ने सभी को शूटिंग के दौरान अपने फोन स्विच ऑफ करने के लिए बोला था, तब भी उसने उनकी बात नहीं मानी थी और बाद में सभी के साथ ये सिद्धार्थ कोरा भला कहने लगे। जब ये बात सिद्धार्थ ने सुनी तो उनसे कंट्रोल नहीं हो पाया और उन्हें गुस्से में आकर उन्हें थप्पड़ मार दिया था और उस असिस्टेंट ने भी उन्हें दोबारा मारा था। इस बीच पूरा माहौल खराब हो गया था और शूटिंग को भी रोकना पड़ा था। बाद में सिद्धार्थ आनंद ने उन्हें काम से निकाल दिया था। अब पठान की शूटिंग इस महामारी के कारण फिर से रुक गई है। लेकिन आपको बता दूं, और एक फिल्म इनकी आ रही है जिसका नाम है फाइटर।
इसमें सिद्धार्थ ने ऋतिक और दीपिका को पहली बार पैर किया है। साथ ही साथ ये फिल्म मार्फ्लिक्स बैनर के तले रिलीज होने वाली पहली फिल्म होने वाली है। ये प्रोडक्शन हाउस भी सिद्धार्थ आनंद का ही है। फाइटर भी एक बिग बजट मल्टी स्टारर फिल्म होने वाली है और सिद्धार्थ आनंद इसके लिए काफी एक्साइटेड है। दोस्तों आपको क्या लगता है, ज्यादा हिट कौन सी फिल्म होगी, पठान या फिर फाइटर? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और साथ ही साथ वीडियो को कर दीजिए लाइक, हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और हाँ बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना ताकि ऐसी चटपटी चीजें आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो इसी के साथ मैं तेजल आप सबसे इजाजत लेती हूँ। सवाल मैं पूछूंगा तुम नहीं। जफर तुम्हें जीने नहीं देगा। और कहां मिलेगा ये जफर? इन आंखों में और से देख ना, तो इनमें मरने का काम है। कब होगी फाइटर फिल्म रिलीज? दीपिका ने क्या कहा रोल और ऋतिक को लेकर, और फाइटर क्यों है ऋतिक के लिए एक खास फिल्म? जानेंगे इन्हीं इंटरेस्टिंग सवालों के जवाब दोस्तों, और कहा बल्कि अपने आज के इस वीडियो में। सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू टुडेज वीडियो। मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्टूडियोज। दोस्तों ऋतिक रोशन की मच अवेटेड फिल्म फाइटर को लेकर फैंस के बीच नाउ बस बना हुआ है, क्योंकि ऋतिक काफी टाइम से किसी फिल्म के जरिए बड़े पर्दे पर ना दिखे रही है। वहीं फाइटर की खास बात ये भी है कि ऋतिक की पहली बार बॉलीवुड की गॉर्जियस ब्यूटी दीपिका पादुकोण के साथ जोड़ी जो बनने जा रही है। शायद एक वजह यही है कि फिल्म फाइटर के रिलीज का प्रशंसक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। खैर ऋतिक ने अपने फैंस के लिए ज्यादा सस्पेंस क्रिएट ना करते हुए अब फिल्म की रिलीज डेट का खुलासा कर दिया है। जब से ऋतिक रोशन की फिल्म फाइटर का ऐलान हुआ है ना, तब से लोगों के बीच इसकी हर एक अपडेट जानने की उत्सुकता बनी हुई है, खासतौर पर इसकी रिलीज डेट को लेकर। और अब इस फिल्म की रिलीज डेट की भी घोषणा ऋतिक रोशन ने अपने सोशल मीडिया पर फैंस के साथ साझा की है। दोस्तों ऋतिक ने फिल्म के पोस्टर को पोस्ट करते हुए लिखा है कि फिल्म रिपब्लिक वीकेंड में रिलीज होगी। उसी के साथ फिल्म की डेट की भी अनाउंसमेंट हो गई है, जिसको 25 जनवरी 2024 को सिनेमा हॉल में रिलीज किया जाएगा। जी हाँ, अभी से रेडी हो जाइए बस। वैसे इस पोस्टर में फिल्म के नाम के साथ साथ आसमान में कई फाइटर जेट्स की उड़ते हुए फोटो है। फिल्म के पोस्टर में पूरी स्टार कास्ट का उनके नाम के साथ इंट्रोड्यूस कराया गया है। जैसे ही ऋतिक ने इस पोस्ट को शेयर किया, फैंस की इस पर ताबड़तोड़ प्रतिक्रिया आ रही है। इस फिल्म को सिद्धार्थ आनंद डायरेक्ट कर रहे हैं। वैसे इससे पहले भी ऋतिक रोशन उनके साथ फिल्म बैंग बैंग और वॉर में काम कर चुके हैं और वो दोनों सफल साबित हुई थी, आप तो जानते ही हैं। ऐसे में इस फिल्म से उम्मीद लगाना भी ना लाजमी है, और विक्रम वेदा को देखने के बाद लोगों की उत्सुकता और ज्यादा बढ़ गई है। ऋतिक रोशन फिल्में बेशक ही चुनिंदा करते हैं, लेकिन जब भी वो पर्दे पर आते हैं ना, उनका जादू बॉक्स ऑफिस पर जमकर चलता है। ऐसे में बॉलीवुड की कई टॉप एक्ट्रेस उनके साथ काम करने की इच्छुक रहती है। वहीं दीपिका पादुकोण ने भी ऐसी ही उत्सुकता जाहिर की थी जब उन्हें फाइटर के लिए अप्रोच किया गया था। उन्होंने कहा, मैं हमेशा ऋतिक के साथ काम करना चाहती थी। मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी ये किसी के साथ काम करने के बारे में नहीं होता है। मुझे बस ऐसा लगता है कि बहुत सी चीजें इससे रिलेटेड, मतलब इसकी सही स्क्रिप्ट होनी चाहिए, इसके लिए सही निर्देशक होना चाहिए, और ये हमारे लिए एक साथ आने का सही समय है। क्या देखना यही होगा कि दीपिका और ऋतिक की केमिस्ट्री फैंस को आखिर कितनी राज आती है। तो आप फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं, हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों और शेयर भी कर दीजिए, साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिए बॉलीवुड स्टूडियोज को। नमस्कार। सवाल मैं पूछूंगा तुम नहीं। जफर तुम्हें जीने नहीं देगा। और कहां मिलेगा ये जफर? इन आंखों में और से देख ना, तो इनमें दीपिका के पास क्यों नहीं है टाइम? क्यों नहीं गई दीपिका अपने खास दोस्त की शादी में? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में। रणबीर कपूर ने लंबे रिलेशनशिप के बाद आलिया भट्ट के साथ शादी रचा ली है। दोनों ने 14 अप्रैल को धूमधाम से शादी की है। शादी के बाद कपल पर सेलेब्स जमकर प्यार लुटा रहे हैं और उन्हें बधाइयां दे रहे हैं।
वहीं कैटरीना कैफ और दीपिका पादुकोण ने भी रणवीर आलिया को शादी की बधाई दी है। आलिया भट्ट ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी शादी की तस्वीरें शेयर की है, जिसमें वो पति रणबीर कपूर के साथ नजर आ रही हैं। उन्होंने कैप्शन में लिखा, दोस्तों और परिवार के बीच इस घर में हमारे पसंदीदा स्पॉट बालकनी में, जहां हमने अपने रिलेशनशिप के 5 साल बिताए, वही आज हमने शादी कर ली है। हमारे जीवन के इस महत्वपूर्ण पल में आप सभी के प्यार के लिए शुक्रिया। आलिया और रणबीर की फोटोज इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रही है। आलिया के इस पोस्ट पर कैटरीना कैफ ने रिएक्ट किया है। उन्होंने कमेंट करते हुए लिखा, आप दोनों को ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा प्यार और खुशियां। वहीं दीपिका पादुकोण ने भी पोस्ट पर कमेंट करते हुए कपल को शादी की बधाई दी है। उन्होंने लिखा, जिंदगी भर के प्यार, खुशी और हंसी की कामना करती हूँ। इसके साथ ही उन्होंने हार्ट इमोजी भी बनाई है। मालूम हो दीपिका और कैटरीना का नाम रणबीर कपूर के साथ जुड़ चुका है। शादी से पहले रणबीर दोनों एक्ट्रेस के साथ अलग अलग टाइम में रिलेशन में रहे हैं। आपको बता दें, दीपिका कुछ समय पहले ही पठान की शूटिंग खत्म करके स्पेन से लौटी थी। अब वो इतनी बिजी हैं कि उन्हें अपने दोस्त की शादी में जाने की फुर्सत नहीं है। आपको बता दें, वो अब ऋतिक रोशन की फिल्म फाइटर की शूटिंग में बिजी हैं। ये फिल्म उनके लिए बहुत खास होने वाली है, इसलिए वो इस फिल्म को नहीं छोड़ने वाली, क्योंकि ये भारत की पहली एरियल फिल्म। सवाल मैं पूछूंगा तुम नहीं। जफर तुम्हें जीने नहीं देगा। और कहां मिलेगा ये जफर? इन आंखों में और से देख, ना तो इनमें मरने का गम है ना मौत का खौफ। आखिरी ख्वाहिश क्या होगा फिल्म का बजट? कौन करेगा ऋतिक का बॉडी डबल? कौन बनेगा फिल्म का विलेन? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में। आजकल बॉलीवुड में सारी फिल्में करोड़ों के बजट में ही बनती दिखाई देती हैं। फिल्म के एक दिन के शूट में ही करोड़ों का खर्चा दिखाई देता है। ऐसे में पूरी फिल्म की शूटिंग को खत्म करने और उनके कास्ट को हायर करने में ही कई 100 करोड़ का खर्चा हो जाता है। और बात आए जब फिल्म के एक्शन की, तो खर्चा और भी ज्यादा दिखाई देता है। ऐसी ही कुछ आने वाली फिल्म फाइटर के साथ भी देखने को मिलेगा, जहां फिल्म का बजट 250 करोड़ बताया जा रहा है। फिल्म पूरी तरह फाइट बेस्ड होगी, जहां हमें कई फाइट सीन्स दिखाई देंगे, और ये फाइट सीन करेंगे बॉलीवुड के ऋतिक रोशन और फाइट क्वीन दीपिका पादुकोण। ऐसे में फिल्म का इतना बजट जायज दिखाई दे रहा है। अब अगर फिल्म में ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण होंगे तो फिल्म का बजट 100 करोड़ से तो ज्यादा होगा ही, पर जितना बजट उतना उससे कमाई की उम्मीद। और जहां तक सिद्धार्थ आनंद जो फिल्म के डायरेक्टर भी हैं, वो ऋतिक को लेकर जब भी कोई फिल्म बनाते हैं उसकी कमाई करोड़ों में ही जाती है। पर्दे पर हीरो का किरदार करते एक्ट्रेस को हर कोई जानता है, पर जो पर्दे के पीछे उस हीरो को असली हीरो बनाने में मदद करता है उसको कोई नहीं जानता। ऐसे ही एक बैक साइड हीरो की बात हम इस वीडियो में करेंगे, जिन्होंने अपनी डेयरिंग से बॉलीवुड के ही मैन को पर्दे पर हीरो बनाया है। मैं बात कर रहा हूं ऋतिक के बॉडी डबल मंसूर अली खान। आप शायद इनका नाम नहीं जानते होंगे, पर यही हैं जो ऋतिक के एक्शन सीन्स को और भी मजेदार बनाने में मदद करते हैं। मंसूर ऋतिक के बॉडी डबल बन के एक्शन सीन्स करते हैं। इससे पहले मंसूर बैंग बैंग और अग्निपथ और वॉर में भी ऋतिक के बॉडी डबल बने थे, और अब फिल्म फाइटर में भी हमें ऋतिक के बॉडी डबल बन के एक्शन सीन करते दिखाई दे सकते हैं। बॉलीवुड के हीरो से ज्यादा विलन लोगों के बीच फेमस है, फिर वो शोले का गब्बर हो या मिस्टर इंडिया का मोगैम्बो। पर फाइटर में कौन बनेगा विलन, कौन होगा फिल्म का गब्बर, आज इसमें यही बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, फिल्म में हमें ऐसा कोई विलन नहीं दिखेगा जैसा हम बॉलीवुड की फिल्मों में देखते हैं। फिल्म आर्मी बेस्ड कॉन्सेप्ट पर बनेगी। ऐसे में फिल्म में हमें दुश्मन देश के सैनिक ही फिल्म के विलन के रूप में दिखाई देंगे, और ऐसा कोई बॉलीवुड का विलन हमें फिल्म में नहीं दिखाई देगा। इससे पहले वॉर में भी हमें कोई ऐसा विलन नहीं देखने को मिला था, और ना ही बैंग बैंग में। और इन सभी फिल्मों के डायरेक्टर और एक्टर सेम हैं। ऐसे में इस फिल्म में भी हमें ऐसे हीरो विलन की जोड़ी देखने को मिलेगी। आपको क्या लगता है, क्या फिल्म में दिखेंगे ऋतिक के बॉडी डबल की फाइटिंग? क्या मंसूर बना पाएंगे ऋतिक को पर्दे पर हीरो? देशभक्ति के स्वाद से भरपूर, एक्शन से भरपूर फाइटर में ऋतिक रोशन, दीपिका पादुकोण और अनिल कपूर है। लेकिन दोस्तों, क्या आप इससे भी बेहतर कास्ट के साथ इस फिल्म को देख सकते हैं, मतलब कि इमेजिन कर सकते हैं? खैर, हमें यकीन है कि फाइटर के साथ बनाई गई ब्लॉकबस्टर के लिए सिद्धार्थ आनंद की परफेक्ट रेसिपी देखने के बाद आपका जवाब ना होगा।
जब देश में उत्तरायण और मकर संक्रांति मनाई जा रही होगी ना, तब फिल्म का ट्रेलर रिलीज होगा, मतलब कि 15 जनवरी को। फिल्म का टीजर ऑलरेडी रिलीज हो चुका है और टैगलाइन कहती है, हमें ढूंढने के लिए तुम्हें अच्छा होना चाहिए, हमें पकड़ने के लिए आपको तेज होना चाहिए, हमें हराने के लिए आप मजाक कर रहे हैं, फाइटर फॉरएवर। अब ये हुक लाइन सुनने के बाद ये जितनी पावरफुल लगती है ना, उससे 10 गुना बेहतर हो सकती है। जी हाँ, जब फिल्म के मेन कैरेक्टर्स को एक शानदार बैकग्राउंड पर एयरफोर्स की वर्दी में लड़ाकू विमान उड़ाते हुए देख, फिल्म रिपब्लिक डे 2024 पर रिलीज हो, और फिल्म के कैप्शन में लिखा है कि कभी उड़ान के लिए कभी जंग के लिए और हर बार देश के लिए, बैकग्राउंड में बज रहे वंदे मातरम के साथ फाइटर टीजर की सभी सीन्स विजेता लगती है। अब नेटिजन्स को कोई परवाह नहीं कि वो टॉप गन मेवरिक के समान दिखते हैं या फिर नहीं, अधिकांश नेटिजन्स को लगता है कि भले ही ये टॉम क्रूज की फिल्म की नकल हो, लेकिन एक अच्छी तरह से बनाई गई प्रभावशाली फिल्म होगी। टीजर आते ही नेटिजन्स ने फिल्म को ब्लॉकबस्टर बता दिया था। एक यूजर ने लिखा था कि क्रेजी, इसमें निश्चित रूप से टॉप गन के शेड्स है, लेकिन मुझे लगता है कि ये ज्यादातर एयर इंडिया फोर्स के लिए किसी मिशन की फिल्म है। एक और कमेंट में दोस्तों लिखा गया था कि इसने रोंगटे खड़े कर दिए, निश्चित रूप से इसे बड़ी स्क्रीन पर कई बार देखूंगा। इतना ही नहीं, इनफैक्ट लोगों ने तो ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण की केमिस्ट्री को हाल के दिनों में सबसे बेहतरीन बताया है। एक टिप्पणी में लिखा था, मुझे नहीं पता कि हम ऋतिक और दीपिका को एक साथ स्क्रीन पर देखकर कैसे रिएक्ट करेंगे, वो बहुत सुंदर है, बहुत आकर्षक है। एक यूजर ने बताया कि कैसे सिद्धार्थ आनंद ने रोहित शेट्टी को परेशान कर दिया होगा, जो कि सिंघम अगेन को स्वतंत्रता दिवस पर यानी कि 2024 में रिलीज करने की योजना बना रहे हैं। अब एक कमेंट में ये भी लिखा है कि रोहित शेट्टी से देखकर कहीं ना कहीं नाराज हो रहे हो, सिंघम अगेन के 10 और पोस्टर लॉन्च करने की तैयारी कर रहे होंगे। एक अन्य कमेंट में ये भी लिखा गया दोस्तों कि हम टीजर में बहुत सारे टॉप गन मोमेंट्स देख सकते हैं, लेकिन फिर भी टीजर मजेदार था। मैं बस यही आशा करता हूं कि वो बहुत अधिक थोपी हुई देशभक्ति ना कर दे, ये फिल्म पठान का भी रिकॉर्ड तोड़ने की क्षमता रखती हो। फिल्म की 1 मिनट से ज्यादा की उस टीजर से लोग इतने प्रभावित हो गए थे कि एक यूजर ने कमेंट किया, बहुत बढ़िया, वीएफएक्स अपने स्तर का सबसे सर्वश्रेष्ठ तो नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत बढ़िया है, उन्होंने SU-30 के साथ बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, बैंग बैंग और वॉर में अपनी उपयोगिता साबित कर चुके सिद्धार्थ आनंद और ऋतिक रोशन के कॉम्बिनेशन की तारीफ करते हुए एक यूजर ने लिखा कि बॉलीवुड को सबसे अच्छी एक्शन जोड़ी मिल गई है, रोहित शेट्टी घबराए हुए होंगे। एक यूजर को उम्मीद थी कि एनिमल के बाद ये अगली 1000 करोड़ी ब्लॉकबस्टर होगी। एक टिप्पणी में ये भी लिखा गया कि ऋतिक रोशन और रणबीर कपूर 1000 करोड़ और ला रहे हैं और अगली पीढ़ी को जीवित रख रहे हैं। एक अन्य कमेंट में टीजर में अनिल कपूर के लुक की तारीफ की गई थी और कहा गया, #spiderteaser में अनिल कपूर के लुक ने मुझे पुकार में उनकी वर्दी की याद दिला दी, ये मेरी पसंदीदा फिल्मों और उनके टॉप अभिनय में से एक है, आशा है कि एनिमल के बाद मैं उन्हें फिर से एक सशक्त भूमिका में देख पाऊंगा, और हाँ जब ऋतिक है तो कंगना भी होंगी। एक टिप्पणी में लिखा था, कोई कंगू दीदी का रिव्यू लेकर आओ, मतलब लोग चाहते हैं कि ऋतिक की फिल्म के ट्रेलर टीजर पोस्टर लुक पर कंगना रिएक्ट करे और लोगों को मसाला मिल जाए। वैसे आपका क्या ख्याल है? कौन है आप? सवाल मैं पूछूंगा तुम नहीं। जफर तुम्हें जीने नहीं देगा। और कहां मिलेगा ये जफर? किस जॉनर के मास्टर हैं अभिनेता ऋतिक रोशन? क्यों है फिल्म फाइटर इतनी खास? आखिर किस चीज की हैट्रिक पूरी करने जा रहे हैं ऋतिक? हेलो नमस्कार, मैं अनविता स्वागत करती हूं आपका बॉलीग्रिड स्टूडियोज की फिल्मी दुनिया में, जहां आज आपको इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ऋतिक रोशन एक ऐसा नाम है जिसका मतलब है गुड लुक्स एंड गुड लुक्स। अपने 20 साल से ज्यादा के करियर में ऋतिक अलग अलग तरह की फिल्मों का हिस्सा रहे हैं, लेकिन एक्शन थ्रिलर में उनको देखना दर्शकों के लिए एक अलग ही अनुभव होता है, और जब एक्शन हीरो रोमांस करता हुआ दिखे तब तो समझ लीजिए सोने पर सुहागा है। ये ऋतिक की खासियत है कि वो एक्शन और रोमांस दोनों को साथ में बखूबी पेश करते हैं। साल 2000 में ऋतिक रोशन ने अपने बॉलीवुड डेब्यू कहो ना प्यार है
से ही एक्शन थ्रिलर की दुनिया में कदम रख लिया था और वहीं दूसरी तरफ इसी फिल्म से उन्होंने अपनी एक रोमांटिक छवि भी बनाई थी। फिल्म सुपरहिट साबित हुई और उससे ऋतिक के करियर को उड़ान मिल गई। अपने ऑन स्क्रीन आकर्षण और उम्दा अभिनय कौशल से ऋतिक ने अपनी पहली ही फिल्म के लिए बेस्ट डेब्यूटेंट और बेस्ट एक्टर जैसे अवार्ड्स अपने नाम किए। इसके बाद ऋतिक ने क्रिश, धूम 2, बैंग बैंग और वॉर जैसी फिल्मों से ये साबित किया कि वो एक्शन थ्रिलर जोन के मास्टर हैं। फिल्म फाइटर का भी इसी जॉनर का होना उसकी सफलता की उम्मीद को और बढ़ा देता है। फाइटर में भी वो अपने एक्शन के कमाल और रोमांटिक इमोशन से हमारा दिल जीतने के लिए तैयार हैं। इस फिल्म के जरिए निर्देशक सिद्धार्थ आनंद और ऋतिक तीसरी बार साथ आ रहे हैं, यानी कि उनके कोलैबोरेशन की हैट्रिक होने जा रही है। वैसे सिद्धार्थ ने भी कमाल सोचा है। उन्होंने पहले बॉलीवुड का एक गुड लुकिंग हीरो लिया और उसकी जोड़ी बनाई खूबसूरत एंड द मोस्ट डिमांडिंग एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण के साथ। देखी नौका में इनमें न मरने का गम है न मौत का खौफ, सिर्फ गर्व है। बहुत जल्द ऐसी ही आंखों में तुझे अपनी मौत नजर आएगी। कुछ याद है? कैसा रहा है दीपिका का फिल्मी करियर? हाय एवरीबॉडी, दिस इज प्राची योर होस्ट फॉर टुडे विद अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत और टैलेंटेड एक्ट्रेस में से एक दीपिका पादुकोण बॉलीवुड की लेडी सुपरस्टार तैयार है अपनी एक अपकमिंग फिल्म प्रोजेक्ट के साथ, जिसमें वो बॉलीवुड के हैंडसम हंक ऋतिक रोशन के साथ हमें नजर आने वाली हैं। ये पहली बार होगा जब हम स्क्रीन शेयर करते हुए देखेंगे दीपिका पादुकोण को ऋतिक रोशन के साथ। इससे पहले इन दोनों ने साथ में कोई भी फिल्म नहीं करी है। बात करें दीपिका के फिल्मी करियर की, तो उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी ओम शांति ओम से। इस फिल्म में वो हमें शाहरुख खान के साथ नजर आई थी और इसके बाद उन्होंने जितनी भी फिल्में की हैं सभी हिट साबित हुई हैं और आज वो बॉलीवुड की मोस्ट टैलेंटेड एक्ट्रेस में से एक हैं। इसके बाद से दीपिका ने सभी टाइप के फिल्मों में काम किया है, फिर चाहे वो फिल्म रोमांटिक हो, एपिक हो, कॉमेडी हो या फिर हिस्टोरिक ही क्यों ना हो। दीपिका पादुकोण की पॉपुलैरिटी और उनकी फिल्मों की ग्राफ दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। उनके वर्क फ्रंट की बात करें तो कुछ दिनों पहले ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पर उनकी फिल्म गहराइयां रिलीज हुई थी और जो ऑडियंस के बीच पूरी तरह से छा गई थी, लोगों को ये काफी पसंद आई थी। दीपिका जल्द ही अपने अपकमिंग फिल्म फाइटर को लेकर काफी बिजी होने वाली है। इस फिल्म में वो हमें एक्शन सीन करते हुए भी नजर आएंगी। वहीं बात करें फिल्म के हीरो ऋतिक रोशन की, तो आपको बता दें कुछ साल पहले ही उन्होंने अपनी पत्नी सुजैन खान से डिवोर्स लिया था, पर दोनों साथ मिलकर अपने बेटों की पेरेंटिंग कर रहे हैं। हाल ही में सुजैन खान ने अपने बेटों की पोस्ट शेयर करी थी इंस्टाग्राम पर, जिस पर ऋतिक की र्यूमर गर्लफ्रेंड सबा आजाद ने भी कॉमेंट किया और लिखा ये दोनों बहुत स्मार्ट है। वही ऋतिक ने कॉमेंट करते हुए लिखा मेरे प्यारे बेटे। इस पोस्ट से ये तो साफ है कि दोनों ही अपने लाइफ में काफी खुश हैं। ऋतिक और दीपिका जल्द ही सिद्धार्थ आनंद की फिल्म में नजर आएंगे। ये फिल्म अगले साल सिनेमा घरों में। ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण की फाइटर मूवी 250 करोड़ के बड़े बजट में तो बन रही है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर इसमें से दीपिका पादुकोण और ऋतिक रोशन की पॉकेट में कितना कितना जा रहा है। तो दर्शकों आपको बताते हैं कि दीपिका पादुकोण अपनी हर मूवी के लिए 10 से 12 करोड़ रुपए चार्ज करती हैं, लेकिन क्योंकि पठान में उनका रोल काफ़ी ज़्यादा अच्छा था इसीलिए उन्होंने अपनी फीस बढ़ाकर इस मूवी में 15 करोड़ रुपए चार्ज किए थे और पठान से भी प्रोमिनेंट रोल उनका इस फिल्म यानी कि फाइटर फिल्म में होने वाला है। तो उन्होंने इस फिल्म के लिए ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 20 करोड़ की डिमांड की है। अब अगर बात करें एशिया सेक्सीएस्ट मैन ऋतिक रोशन की, तो उन्होंने इस मूवी के लिए 100 करोड़ की डिमांड की है। आपको बता दें कि वो अपनी हर मूवी में 75 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं, लेकिन क्योंकि एक बहुत ही एक्शन पैक्ड मूवी होने वाली है इसलिए ऋतिक 100 करोड़ से कम में नहीं मान रहे हैं और उन्हें दोनों मूवीज़ यानी कि वॉर 2 और फाइटर दोनों ही मूवीज़ में 100-100 करोड़ रुपये ऑफर किए जा रहे हैं। बॉलीवुड एक्टर अनिल कपूर अपने ज़माने में सबके फेवरेट थे और उन्होंने अपनी कई सारी मूवीज से ऑडियंस को अपना दीवाना बनाया है, लेकिन अब जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है वैसे अनिल कपूर भी फिर से कूल बनने की तैयारी कर रहे हैं।
हाल ही में उनका फाइटर मूवी के सेट से एक हेयर स्टाइल सामने आया है जिसमें वो वैसे ही नजर आ रहे हैं जैसे कि 20s में लोग हनी सिंह के आने पर कराया करते थे, और इस कट को मार्केट में हनी सिंह के नाम से ही जाना जाता था। बिल्कुल वैसा ही कट अनिल कपूर ने इस बार इस फिल्म के लिए करवाया है, और आप सब जानते हैं कि वो हमेशा ही कूल दिखने की कोशिश करते हैं, बदलते ज़माने के साथ अपने आप को बदलते हैं और अभी भी उतने ही हॉट दिखते हैं। तो अनिल कपूर अपनी हर मूवी के लिए जितनी मेहनत करनी पड़ी करते हैं, जितने चेंजेस करने पड़े करते हैं, और इस मूवी के लिए भी वो ऐसा ही कर रहे हैं। दीपिका पादुकोण फाइटर मूवी में बहुत अच्छा एक्शन सीक्वेंस करने वाली हैं, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन क्या है दीपिका की इतनी सारी स्टैमिना का राज, क्या है उनकी बिकिनी बॉडी का सीक्रेट? तो दरअसल दीपिका ने एक इंटरव्यू में ये खुद रिवील किया था कि उनके पिता जब वो छोटी थी तो उन्हें बैडमिंटन खेलने के लिए उठाया करते थे प्रैक्टिस करने के लिए। सुबह 5 बजे ही उन्हें उठा दिया जाता था प्रैक्टिस करने के लिए। तब वो अपने पिता से ये सवाल पूछी थी कि आखिर इस करियर में ये करने की क्या ज़रूरत है, लेकिन अब जाकर उन्हें ये समझ में आता है कि वही सारे जो स्ट्रगल्स थे उसकी वजह से उनकी बॉडी में कितना स्टैमिना आया है, और इसी की वजह से वो पठान और फाइटर मूवी में इतना अच्छा एक्शन सीक्वेंस कर पाने के लिए अभी भी उतनी ही फिट हैं। तो दोस्तों आपका क्या कहना है इस बारे में, और आप फाइटर मूवी के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप कौन है आप? सवाल मैं पूछूंगा तुम नहीं। जफर तुम्हें जीने नहीं देगा। और कहां मिलेगा ये जफर? ना तो इनमें मरने का काम है, ना मौत का काम। SRK और ऋतिक का पिछला क्लैश कब हुआ था? क्या कहना है मेकर्स का फाइटर मूवी के बारे में? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में जरूर मिलेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रैड स्टूडियोज के फिल्मी गलियारे में। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में, जहां आज हम बात करेंगे डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद की अपकमिंग फिल्म फाइटर के बारे में, जिसमें हमें पहली बार दीपिका पादुकोण और ऋतिक रोशन एक साथ नजर आने वाले हैं। हमारी पिछली फाइटर मूवी से रिलेटेड वीडियो में हमने आपको बताया था कि पठान और फाइटर मूवी दोनों ही सिद्धार्थ आनंद की डायरेक्टेड फिल्में हैं, और जो कि 25 जनवरी 2023 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन फाइटर मूवी मेकर्स ने अपनी मूवी की रिलीज डेट को पोस्टपोन करते हुए सितंबर 2023 फाइनलाइज किया है। इसके बारे में रिसेंटली बात करते हुए मेकर्स ने ये बात कंफर्म की है कि उन्होंने फाइटर और पठान मूवी के क्लैश को ध्यान में रखते हुए ही ये फैसला लिया है। मेकर्स का कहना है कि फाइटर मूवी इंडियन सिनेमा की सबसे पहली एरियल एक्शन मूवी फिल्म होने वाली है, और वो किसी भी तरह के क्लैश से इस मूवी की कलेक्शन को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते। मेकर्स का विजन यही है कि ये मूवी अपने फुल पोटेंशियल पे थिएटर्स में रिलीज हो और अपना बेस्ट परफॉर्म करे। अब जाहिर सी बात है कि ऋतिक और शाहरुख खान दोनों ही बॉलीवुड के दो बिग सुपरस्टार्स हैं। चाहे दोनों की ही मूवीज इस क्लैश में अच्छा परफॉर्म कर भी जाएं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कलेक्शन पर असर तो होगा ही। SRK और ऋतिक का पहला भी एक क्लैश हुआ था जब SRK की रईस और ऋतिक की काबिल दोनों मूवीज रिपब्लिक डे पर रिलीज की गई थी। दोनों ही मूवीज अपने आप में काफी अच्छी फिल्म्स थी, लेकिन उस क्लैश में बॉक्स ऑफिस पे रईस फिल्म ने बाजी मारी थी, जहां रईस मूवी का टोटल कलेक्शन था 270+ करोड़, तो वहीं काबिल फिल्म का कलेक्शन था 130+ करोड़, यानी कि रईस ने काबिल से दुगना कलेक्शन किया था, जबकि दोनों ही मूवीज की रिलीज डेट सेम थी। मूवी एनालाइजर्स का ये मानना था कि अगर काबिल मूवी रईस फिल्म से क्लैश ना करती तो दोनों ही मूवीज का कलेक्शन और भी ज्यादा अच्छा हो सकता था, जहां शाहरुख की रईस में भी 300 करोड़ के मार्क को भी टच कर सकती थी, तो वहीं काबिल मूवी 200 करोड़ को पार कर सकती थी। चलो, लकीली इस बार इन दोनों सुपरस्टार का क्लैश नहीं होने वाला है, और हम एज एन ऑडियंस पठान और फाइटर मूवी दोनों को ही उनके मैक्सिमम पोटेंशियल पे इंजॉय कर सकते हैं। आपको क्या लगता है, अगर पठान और फाइटर फिल्म एक साथ रिलीज की जाती तो दोनों में से कौन सी मूवी बाजी मारती? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब क्लैश की बात हो ही रही है तो आपको बता दें कि चाहे पठान के साथ फाइटर का क्लैश नहीं होने वाला है, लेकिन 26 जनवरी 2023 को रिलीज होने वाली है जॉन अब्राहम की तेहरान, जो कि पठान के रिलीज डेट के अगले दिन ही रिलीज होगी। इस क्लैश के बारे में और भी डिटेल्स से हम हमारी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन।
पुरानी जिंदगी नई जिंदगी बनकर वापस आती है। देखो देखो कृष्ण, काश पापा यहां होते। वो यही है, मैंने हमारे बेटे का नाम रोहित रखा। कारण है जो फिल्म हिट होने से नहीं रोक सकती। कब से शुरू हो सकती है क्रिश 4 की शूटिंग शुरू? क्या क्रिश 4 में एक बार फिर कंगना जा रही हैं दिखने? नमस्कार दोस्तों, बॉलीग्राड स्टूडियोज में आप सभी का स्वैग से स्वागत है। सो गाइस, आज के इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि आज हम लाए हैं आपके लिए क्रिश फ्रेंचाइज की एक और धांसू फिल्म क्रिश 4 को लेकर कुछ अनसुने किस्से। और फिल्म इतनी खास क्यों है, इन सभी टॉपिक्स पर होगी डिस्कशन आज के इस वीडियो में। तो आपका कीमती समय बर्बाद ना करके वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, क्रिश का नाम सुनते ही बच्चों के चेहरों पर खुशी आ जाती है। 2003 में रिलीज हुई कोई मिल गया से इसके पहले फ्रेंचाइज की शुरुआत हुई जो कि सुपर डुपर हिट गई। बच्चों के साथ साथ हर किसी ने इस फिल्म को काफी सारा प्यार दिया। फिल्म ने इतनी अच्छी खासी पहचान बनाई इंडस्ट्री में कि आज भी जादू को कोई ना भूल पाया। भले ही जल्द क्रिश का पार्ट 4 आ जाए, लेकिन इसके पहले पार्ट वाले जादू को हर कोई वापस फिर से देखना चाहता है। क्रिश फ्रेंचाइज ने फैंस के दिलों में सिर्फ जगह ही नहीं बल्कि लोगों के अंदर एक इमोशन भी भर दिया था। हमेशा से फैंस को क्रिश का 4th सीक्वल भी देखने की तमन्ना थी। तो वही खबर आई कि क्रिश का 4th पार्ट जल्द ही बॉलीवुड में एंट्री ले सकता है। और क्रिश एकमात्र ऐसी फिल्म है जिसमें हैंडसम हंक ऋतिक रोशन का बेहद ही हटकर लुक और एक्टिंग देखने को मिलता है। क्रिश फ्रेंचाइज ने लगातार जो फैंस के होश उड़ाए हैं उसे देख के ये कहना सही होगा कि क्रिश 4 को भी ब्लॉकबस्टर होने से कोई नहीं रोक सकता। राकेश रोशन ने ये फैसला लिया कि फिल्म की शूटिंग जल्द स्टार्ट की जाएगी, लेकिन उससे पहले थोड़ा कास्ट एंड क्रू पर भी काफी कुछ सोचना है और इसके लिए अभी काफी टाइम लग सकता है। इस साल तो मुश्किल है क्रिश 4 के आने की, लेकिन अगले साल यानी 2022 में इसकी शूटिंग स्टार्ट हो सकती है। 2006 में रिलीज हुई फिल्म क्रिश 4th हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बनी थी जिसने 69 करोड़ सिर्फ इंडिया में कमाया था और 31 करोड़ ओवरसीज में, तो वहीं वर्ल्ड वाइड में करीब 126 करोड़। वहीं क्रिश 4 की खबर सुन के ये खबर भी फैलाई जा रही है कि कंगना और ऋतिक फिर से साथ में दिखने जा रहे हैं। वेल, ये सुन के मुझे काफी हंसी आई क्योंकि जहां कंगना का नाम जुड़ जाता है वहां हर चीज मुद्दा बन जाता है। बीते कुछ दिनों से कंगना का सोशल मीडिया साइट पर एक अलग ही एग्रेसिव लुक देखने को मिला। अपनी हर बात बिना किसी डर और घबराहट के कह डालती हैं कंगना रनौत, और जैसी सिचुएशन है उस हिसाब से कंगना और ऋतिक के साथ में दिखने का सवाल पैदा ही नहीं होता। क्रिश 4 के लिए नौरा फतेही का नाम भी सामने आ रहा है, साथ ही साथ दोबारा प्रियंका भी दिख सकती हैं, लेकिन अभी तक इसके बारे में। कौन है आप? सवाल मैं पूछूंगा तुम नहीं। जफर तुम्हें जीने नहीं देगा। और कहां मिलेगा ये जफर? ना तो इनमें मरने का गम है ना मौत का खौफ। आखिरी ख्वाहिश, ट्रिगर दबाते ही तेरा भी काउंटडाउन शुरू। क्या फाइटर मूवी होगी पोस्टपोन? कौन सी 3 मूवीज का कलैश होने वाला है रिपब्लिक डे 2023 पे? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में जरूर मिलेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्राड स्टूडियोज में। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में जहां हम बात करेंगे डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद द्वारा डायरेक्टेड मूवी फाइटर के बारे में। फाइटर मूवी ऋतिक और दीपिका की एक साथ पहली मूवी होने वाली है। मूवी की ऑफिशियल रिलीज डेट 26 जनवरी 2023 फाइनलाइज की गई थी, लेकिन हाल ही में शाहरुख खान ने अपनी कमबैक मूवी पठान की रिलीज डेट 25 जनवरी रिवील की है। अब चाहे पठान और फाइटर दोनों ही मूवीज सेम डायरेक्टर यानी कि सिद्धार्थ आनंद की हैं, लेकिन फिर भी प्रोडक्शन हाउसेज के क्लैश से ये दोनों ही मूवीज आमना सामना होने वाली हैं अगर कोई भी फ्रेंचाइजी अपनी रिलीज डेट को पोस्टपोन या प्रीपोन नहीं करता है। और
मोर ओवर ये सिर्फ दो मूवीज ही क्लैश नहीं बल्कि तीन मूवी का क्लैश साबित होगा और वो थर्ड मूवी है जॉन अब्राहम की तेहरान जो कि एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसे अरुण गोपलान ने डायरेक्ट किया है। यानी कि अगर कोई भी पोस्टपोन या प्रीपोन किसी भी फ्रेंचाइजी द्वारा शेड्यूल नहीं किया जाता है तो फिर 25 जनवरी को पठान और फाइटर मूवी रिलीज होंगी और 26 जनवरी को तेहरान रिलीज होगी। इनडायरेक्टली बैटल होगी शाहरुख खान वर्सेज जॉन वर्सेज ऋतिक और ये तीनों ही बॉलीवुड इंडस्ट्री के तीन बड़े नाम है। शाहरुख खान का जिक्र तो स्पेशली होगा क्योंकि पठान मूवी शाहरुख खान की एक कमबैक मूवी होने वाली है और जैसा कि हमने बताया कि शाहरुख खान ने खुद पठान की रिलीज डेट 25 जनवरी डिक्लेयर की है तो ये बात तो कंफर्म है कि पठान की डेट्स तो चेंज नहीं होंगी। यानी कि अब बताई जाएगी फाइटर और तेहरान की डेट्स। तेहरान मूवी के रिलीज डेट तो पठान से भी पहले ही डिक्लेयर थी 26 जनवरी के लिए। सो बची फाइटर मूवी जो कि 2023 का बिगेस्ट क्लैश माना जा रहा था लेकिन सॉरी आपके अरमानों पे पानी डालने के लिए हाल ही में फाइटर के मेकर्स ने इस मूवी की रिलीज डेट को काफी मंथ तक पोस्टपोन कर दिया है। फाइटर मूवी पहले तो 25 जनवरी को ही रिलीज होने वाली थी लेकिन अब इस मूवी की रिलीज डेट को पोस्टपोन करके सितंबर 2023 कर दिया गया है। अब मेकर्स ने यह फैसला शाहरुख खान की पठान से क्लैश होने की वजह से किया है या फिर मूवी की शूटिंग शेड्यूल से चलते इसके बारे में तो मेकर्स ने कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी। बस ये बात कंफर्म है कि क्लैश जिसके बारे में हम बात कर रहे थे वो तो होगा नहीं 2023 में। आपको क्या लगता है अगर फाइटर वर्सेस पठान का क्लैश होगा तो फिर दोनों में कौन सी फिल्म बाजी मारती है बॉक्स ऑफिस पे? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर स्पैम कीजिएगा। बाकी रही बात हमारे ओपिनियन की तो आप जानते ही हैं कि हम मूवी के कॉन्सेप्ट और थीम के बेसिस पर उन्हें आपस में कंपेयर करते हैं तो इस कंपैरिजन के बारे में हम बात करेंगे हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे देखी नाकाम है। इनमें न मरने का गम है न मौत का खौफ सिर्फ गर्व है। बहुत जल्द ऐसी ही आंखों में तुझे अपनी। क्या है ऋतिक रोशन की अपकमिंग फिल्म फाइटर का बजट? ये बजट आपको चौंका कैसे देगा और दीपिका और ऋतिक की जोड़ी इस फिल्म में धमाल कैसे मचाने वाली है? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राफ स्टूडियोज। मैं हूं सोनिका जॉय। सुपरस्टार ऋतिक रोशन के अगर आप फैन हैं तो ये वीडियो आपके लिए बना है, आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। वो जो फिल्म बनाते हैं वो दमदार होती है और अभिनय में जान डाल देती है। इस समय वो अपनी एक फिल्म को लेकर चर्चा में है जिसका ऐलान हाल ही में हुआ है। जी हाँ, बात कर रहे हैं यहाँ पर फिल्म फाइटर की। इस फिल्म में सुपरस्टार काफ़ी तगड़ा एक्शन करते हुए नजर आएंगे लेकिन इस समय फिल्म से जुड़ी एक बड़ी जानकारी सामने आई है। दरअसल एक फिल्म जो ये फिल्म है पिंक विला की रिपोर्ट की माने तो फाइटर का बजट हाईफाई रखा गया है। 250 करोड़ का इसका बजट होने वाला है और इसमें लीड एक्ट्रेस के तौर पर आपको दीपिका पादुकोण नजर आने वाली है। अब इसके लिए एक्साइटमेंट और भी ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि एक फ्रेश जोड़ी हमें बड़े पर्दे पर नजर आएगी और इसके अलावा सिद्धार्थ आनंद इसे बना रहे हैं जिन्होंने वॉर जैसी फिल्म बनाई, बैंग बैंग बनाई, एक्शन थ्रिलर होने वाली है। इसका मतलब आने वाले समय में एक दमदार एक्शन थ्रिलर फिल्म हमें देखने को मिल रही है इस फिल्म के जरिए। वर्क फ्रंट की बात करें तो ऋतिक रिश्वोर में भी नजर आने वाले हैं और इसमें भी दीपिका के साथ नजर आने वाले हैं, विलन का रोल करेंगे इस फिल्म में। और फाइटर की शूटिंग की बात करें तो दीपिका पादुकोण की आखिरी बार जो फिल्म आई थी छपाक उसके बाद वो सीधे फाइटर की ही शूटने वाली हैं। वहीं ऋतिक रोशन ने अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए अपनी कमर कस ली है और तगड़ी बॉडी बना ली है। आए दिन वो सोशल मीडिया पर कोई ना कोई जानकारी अपने फैंस के साथ साझा करते ही रहते हैं और फाइटर में जब वो धमाकेदार एक्शन दिखाएंगे तो फैंस तो वैसे ही दीवाने हैं उनके एक्शन के। इसके अलावा कहा जा रहा है कि इसमें VFX का तगड़ा इस्तेमाल किया जाएगा, एक्शन के लिए हॉलीवुड टीम हायर की जाएगी क्योंकि ये एक फाइटिंग सीक्वेंस भी दिखाने वाली कहानी होगी। और दोस्तों, आपको कितना इंतजार है फाइटर का? दीपिका और ऋतिक की फ्रेश जोड़ी को बड़े पर्दे पर देखने का कितना इंतजार है? ऋतिक रोशन कैसे लगते हैं? उनकी अपकमिंग फिल्मों का आपको कितना वेट है? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसी तरह के दूसरे बॉलीवुड, टॉलीवुड, हॉलीवुड अपडेट्स के लिए, फिल्मी सितारों से जुड़े किसी भी इंटरेस्टिंग किस्से के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज को।
सवाल मैं पूछूंगा, तुम नहीं। जफर तुम्हें जीने नहीं देगा। और कहां मिलेगा ये जफर? इन आंखों में और से देख, ना तो इनमें मरने का काम। फिल्म कुलिया मजाक में विक्रम विदा है ऋतिक की प्रायोरिटी, फाइटर बनेंगे बाद में। हेलो दोस्तों, मैं श्रीशा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज में। दोस्तों, ऋतिक रोशन की फिल्म फाइटर में ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिलेंगे। फिल्म में ऋतिक पायलट के रोल में नजर आएंगे। इतना ही नहीं, फिल्म में दीपिका भी धासु एक्शन सीन करते हुए नजर आएंगे। बता दें कि पहले ये फिल्म 26 जनवरी 2023 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन फिर शाहरुख खान की फिल्म पठान की रिलीज सामने आई जो 25 जनवरी 2023 को रिलीज हो रही है। शाहरुख खान की फिल्म के साथ क्लैश होने से बचने के लिए मेकर्स ने फाइटर की नई रिलीज डेट की घोषणा की है। साथ ही आपको बता दें, ऋतिक आखिरी बार 2019 में आई फिल्म वॉर में नजर आए थे, जहां एक तरफ ऋतिक के फैंस उन्हें फाइटर फिल्म में देखने के लिए बहुत ज्यादा बेताब है, वहीं ऐसा लग रहा है कि ऋतिक को इस फिल्म को मजाक में ले रहे हैं। आपको बता दें, ऋतिक इस फिल्म को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं और उनका आजकल ध्यान उनकी आने वाली फिल्म विक्रम विदा पर ज्यादा है। साथ ही आपको बता दें कि फाइटर के अलावा ऋतिक रोशन की फिल्म विक्रम विदा में नजर आएंगे। 2017 की एक्शन थ्रिलर फिल्म विक्रम विदा के रीमेक को लेकर लंबे समय से चर्चा हो रही है। इस फिल्म का इंतजार काफी वक्त से फैंस कर रहे हैं। फिल्म में सैफ अली खान पुलिस वाले का और ऋतिक गैंगस्टर का रोल प्ले करेंगे। वहीं तमिल फिल्म की बात करें तो इसमें आर माधवन ने पुलिस इंस्पेक्टर और गैंगस्टर के किरदार में विजय सेतुपति नजर आए थे। फिल्म का डायरेक्शन पुष्कर और गायत्री ने किया था। यही जोड़ी इस रीमेक को भी डायरेक्ट करनी है। ऋतिक की विक्रम वेदा फिल्म को प्रायोरिटी देने की दो वजह हैं, जिसमें से सबसे पहली वजह यह बात, सभी ये जानते हैं कि साउथ की फिल्मों को आजकल फैंस बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। दूसरी बड़ी वजह है कि विक्रम विदा फिल्म में हमें ऋतिक के साथ सैफ अली खान भी दिखाई देने वाले हैं, जिसका मतलब है कि इनका फैन बेस बहुत बड़ा है और ऑडियंस इस फिल्म के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होने वाली है। इन दोनों वजह से ही ऋतिक विक्रम विदा फिल्म को प्रायोरिटी दे रहे हैं। दोस्तों, देखने वाली बात यह है कि क्या उनका नजरिया बदलेगा या फिर वो कर सकते हैं एक साथ दो बड़ी फिल्मों को हैंडल। फैंस तो फाइटर फिल्म के लिए बहुत एक्साइटेड है और इस फिल्म से कई सारी उम्मीदें लगाए बैठे हुए हैं। आपको बता दें कि फाइटर फिल्म को काफी बड़े लेवल पर बनाया जा रहा है। इस फिल्म के लिए अभी से लोगों के बीच भारी एक्साइटमेंट और जोश देखने को मिल रहा है। अब ये फिल्म जब भी थिएटर में आएगी क्या धमाका होगा, ये तो फिल्म के रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। अब हम तो इस फिल्म को देखने के लिए। सवाल मैं पूछूंगा, तुम नहीं। और कहां मिलेगा ये जफर? इन आंखों में और से देख, ना तो इनमें मरने का गम है ना मौत का खौफ। वह आखिरी ख्वाहिश, ट्रिगर दबाते ही तेरा भी काउंटडाउन शुरू। कौन है फाइटर की म्यूजिक टीम और कौन लगाएगा फिल्म में अपने सर? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ बॉलीग्राड स्टूडियो। फाइटर फिल्म की गूंज तो आपके कानों तक पहुंच ही गई होगी। फिल्म इतनी धमाकेदार जो होने वाली। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, फाइटर फिल्म एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो कि इंडिया की फर्स्ट एरियल मूवी है जिसे एरियल शॉट से शूट किया जाए। अगर बात करें फिल्म की तो हमें फिल्म में बॉलीवुड के तीन बड़े स्टार स्क्रीन शेयर करते हुए दिखेंगे, ऋतिक रोशन, दीपिका पादुकोण और अनिल कपूर। फिल्म की कास्ट में भी और भी मेंबर्स जुड़ने बाकी हैं। फिल्म को डायरेक्ट करेंगे सिद्धार्थ आनंद जी और फिल्म को प्रोड्यूस करा जाएगा बीमंता आनंद, रामोचिप, अंकू पांडे द्वारा। इस फिल्म में स्टार की कास्टिंग का जिम्मा लिया है मुकेश छापड़ा। वैसे मैं आपको बता दूं, फिल्म में म्यूजिक देंगे विशाल ददलानी और शेखर रवि जियानी। इन दोनों की जोड़ी जुगलबंदी तो आपने म्यूजिक सुना ही होगा। आज हम जानेंगे इन दोनों कंपोजर के बारे में कुछ फैक्ट्स। म्यूजिक कंपोजर विशाल ददलानी और शेखर रवि जियानी ने 1999 में एक अलायंस बनाया और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में उनकी पहली फिल्म बनी प्यार में कभी कभी। इस फिल्म में दोनों ने म्यूजिक दिया। 2003 में दोनों ने झंकार बीट्स फिल्म के लिए म्यूजिक कंपोज किया, जिससे उन्हें उनका पहला फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। उन्होंने 2005 में 10, गोलमाल और ब्लफ मास्टर जैसी फिल्मों में म्यूजिक दिया।
तूने ओम शांति ओम दोस्ताना अनजाना अनजानी में अपने काम के लिए बेस्ट म्यूजिक कंपोजर का फिल्म फेयर अवार्ड भी जीता। 2011 में विशाल शेखर ने सुपर हीरो फिल्म रावण के लिए म्यूजिक तैयार किया, जिसके दौरान उन्होंने अमेरिकी सिंगर और रैपर एकॉन के साथ मिलकर हिट नंबर छम्मक छल्लो का निर्माण किया। एकॉन के साथ साथ दोनों ने फिल्म को उनके कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए फिल्म फेयर अवार्ड में नॉमिनेट भी किया गया। 2012 में फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर और 2013 में चेन्नई एक्सप्रेस में उनके द्वारा कंपोज किए गाने आज भी बड़े फेमस हैं। दोनों की जोड़ी रॉक एंड इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का एक फ्यूजन है, जिसके लिए वो दोनों जाने भी जाते हैं। दोनों ने साथ में कई सफल फिल्मों के लिए म्यूजिक भी कंपोज किया है, जिसमें 2014 में रिलीज हैप्पी न्यू ईयर, 2016 की सुल्तान, 2017 की टाइगर जिंदा है और 2019 की वॉर भी शामिल। विशाल शेखर ने 2010 में आईपीएल की तीसरी इंस्टॉलमेंट और टूर्नामेंट के लिए सीजन 6 के लिए थीम सॉन्ग भी बनाया था। उन्होंने आईपीएल की टीम केकेआर के एंथम कोरबो लोरबो जीतबो को कंपोज किया था। चाहे दोनों अलग हों या साथ, विशाल शेखर ने इंडियन आइडल, सारे गए गामापा जूनियर, द वॉइस किड्स इंडिया आदि जैसे सिंगिंग रियालिटी शो को जज भी किया था। और वहीं विशाल पॉपुलर इलेक्ट्रॉनिक बैंड पेंटाग्राम के वोकलिस्ट भी हैं। दोस्तों, फिल्म की कहानी तो दमदार होगी ही, लेकिन अब फिल्म के म्यूजिक का हमें बेसब्री से इंतजार है। वैसे फाइटर फिल्म साल 2023 के 26 जनवरी को रिलीज होगी। क्या लगता है आपको फिल्म के म्यूजिक के बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को सब्सक्राइब कर दीजिए। सवाल मैं पूछूंगा, तुम नहीं। जफर तुम्हें जीने नहीं देगा। और कहां मिलेगा ये जफर? क्या होता है एरियल एक्शन मूवीज? कौन सी है सबसे बेस्ट एरियल एक्शन मूवीज? कैसा होगा फिल्म में अनिल कपूर का रोल? हेलो गाइस, आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज और मैं हूं अंकिता। आज तक हम सिर्फ हॉलीवुड की ही एक्शन मूवीज को देखकर सरप्राइज हो जाते थे, लेकिन बहुत जल्द ही हमें एक ऐसी इंडियन एक्शन मूवीज देखने को मिलने वाली है जो इंडिया की फर्स्ट एरियल एक्शन मूवी होगी, जिसका नाम है फाइटर। और इसके मेन लीड में नजर आने वाले हैं ऋतिक रोशन, दीपिका पादुकोण और अनिल कपूर। और इसे डायरेक्टर कर रहे हैं एक्शन फिल्मों के जाने माने डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद, जो हमें पहली बार एरियल एक्शन मूवी का एक्सपीरियंस देने वाले हैं। अगर आप नहीं जानते कि एरियल एक्शन जनरेशन होता क्या है, तो आपको बता दे कि एरियल एक्शन मतलब ऐसी फिल्में होती है जिनमें एरियल सिनेमेटोग्राफी, जो एक फिल्मी टेक्निक उसको इस्तेमाल किया जाता है, और उसमें एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, प्लेन्स और ड्रोन्स के मदद से ज्यादातर शूटिंग की जाती है। और उसमें एरियल शूट्स मतलब हवा में ऊंचे स्तर पर हो रहे शॉट्स और एक्शन ज्यादा होते हैं, और ऐसी फिल्में आज तक कभी इंडिया में नहीं बनी हैं। शायद इससे इस्तेमाल की जाने वाली टेक्नोलॉजी की वजह से, या फिर फिल्म काफी रिस्की होती है इस वजह से, लेकिन ये फिल्म अब बन रही है और बहुत जल्द हमें सिल्वर स्क्रीन पर भी नजर आने वाली है। साथ ही अगर हम बात करें हॉलीवुड की बेस्ट एरियल एक्शन मूवीज के बारे में, तो उसमें सबसे पहला नाम आता है टॉप गन सीरीज का, जिसमें हमने हम सब के फेवरेट टॉम क्रूज को मैवरिक के किरदार में देखा रहा है। हाल ही में आई टॉप गन मैवरिक तो ना होने साल के बाद आने के बाद भी सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे, और कहा जा रहा है कि फाइटर में ऋतिक का किरदार भी टॉम क्रूज के जैसा ही होने वाला है। और इस फिल्म में अलावा भी 2019 में आई 1977 में आई स्टार वॉर्स और 2014 में आई गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी भी बेस्ट एरियल कमबैक मूवीज है। साथ ही अगर हम बात करें फिल्म के अनिल कपूर के किरदार के बारे में, तो उनके किरदार को लेकर दो पॉसिबिलिटीज आती है। पहले तो वो फिल्म के विलन का रोल प्ले कर सकते हैं, और या तो वो इस फिल्म में ऋतिक के किरदार के एक बड़े सपोर्टिव किरदार में नजर आ सकते हैं।
अनिल इतने सालों से फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जिस पर से एक बात तो पक्की है कि वो जिस भी किरदार में नजर आएंगे वो बेस्ट तरीके से ही निभाएंगे। और इससे पहले ऋतिक, दीपिका और अनिल ने इस ट्रियो के किसी भी फिल्म में नहीं देखा गया है, जिससे एक बात तो तय है कि ये तीनों ही ऑडियंस को एक अच्छा एक्सपीरियंस देने वाला है। क्या आप हॉलीवुड मूवीज? हेलो, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में, और मैं हूँ आपके साथ अनुष्का त्यागी। पहली बार इंडियन सिनेमा में कोई एरियल एक्शन फिल्म बनाई जा रही है जिसका नाम है फाइटर। अब हाई कंटेंट के साथ बनाई जा रही इस फिल्म को देखने के लिए सब लोग थिएटर्स में जरूर जाएंगे, पर इसका एक और रीजन होगा, बताऊं क्या दोस्तों? अरे दीपिका का बिफोर बोल्ड अंदाज, मतलब मन में लड्डू फूटने लगे होंगे ना दोस्तों आपके। खैर, पर फैंस को जितनी उम्मीदें हैं इस फिल्म से, उससे भी ज़्यादा उम्मीदें हैं सिद्धार्थ आनंद को, क्योंकि एक टोन के प्रोडक्शन के तहत इस फिल्म को बनाया जा रहा है, मतलब बढ़िया पैसा लगाया है, तो वो दोस्तों वसूल भी तो करना ही पड़ेगा। पर क्या है सिद्धार्थ की उम्मीदें, चलिए डिस्कस कर लेते हैं। भाई फाइटर से सिद्धार्थ को बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, और ये उम्मीदें जब बढ़ती हैं जब उनकी फिल्म वॉर जो 300 करोड़ से ज़्यादा बिजनेस कर चुकी थी और हिंदी लैंग्वेज में रिकॉर्ड बना चुकी थी। भाई वॉर वॉज द हाइएस्ट फर्स्ट डे हिंदी कलेक्शन मूवी इन 2019। इसने तो सलमान खान की फिल्म भारत को भी पीछे छोड़ा था, सिर्फ हिंदी वर्जन में ही पहले दिन इसने 50 करोड़ कमाए थे। और अब फाइटर सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में ही रिलीज होने वाली है, तो हिंदी कलेक्शन पर ही फोकस रहेगा। तो वॉर ने बेंचमार्क सेट किया था हिंदी लैंग्वेज में, और सिद्धार्थ का ये कहना है कि फाइटर भी अकेले हिंदी लैंग्वेज में बेंचमार्क सेट कर सकती है, और ये पहली रियल एक्शन फिल्म है, वो पहले ऐसे डायरेक्टर हैं जो ऐसा कर रहे हैं, और वो भी दोस्तों जो भी करेंगे वो बेंचमार्क ही होगा। पर दोस्तों फाइटर से बहुत उम्मीदें हैं। अब आज की तारीख में बहुत शब्द का दूसरा मतलब होता है 1000 करोड़, और फिल्म के कॉन्सेप्ट से लेकर स्टार कास्ट तक, VFX से लेकर एक्शन तक, सब कुछ बहुत ज़्यादा टॉप नॉच होगा, तो इतनी ही उम्मीदें होनी चाहिए ना। वैसे फाइटर में ऋतिक रोशन का एनर्जेटिक और सेक्सी अंदाज भी हमें नजर आएगा। ऋतिक के बारे में कहते हुए सिद्धार्थ ने कहा कि फिल्म बांग बांग में ऋतिक का कैरेक्टर अलग लगता है, वॉर में अलग लगता है, और फाइटर में भी अलग लुक वाइज होगा। दोस्तों बता दें कि ऋतिक एक ऐसे एक्टर हैं जिनके साथ काम करने में आसानी होती है, क्योंकि वो किसी भी कैरेक्टर में खुद को ढाल सकते हैं। ऊपर से उनकी परफेक्शन की मांग नहीं होती, मतलब स्क्रीन पर उनके परफेक्ट दिखने की कोई डिमांड नहीं होती, इम्परफेक्शन में ही परफेक्शन होता है। इसी सोच के साथ ऋतिक रोशन स्क्रीन पर दिखाई देते हैं, और वो अपनी टीम को वैसे ही कहते हैं, जिसकी वजह से उनका कैरेक्टर ऑर्गेनिक लगता है, जो कि फाइटर में भी लगेगा। ऐसे दोस्तों सिद्धार्थ तो ऑडियंस को रियलिस्टिक एक्सपीरियंस देने के लिए घंटों वक्त अपनी फिल्म पर बिता रहे हैं। अब उम्मीद है कि उनकी इस मेहनत का फल उन्हें जरूर मिलेगा। आपका इस खबर का कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारी आज की राइटर है कौन है आप? सवाल मैं पूछूंगा तुम नहीं। जफर तुम्हें जीने नहीं देगा। और कहां मिलेगा ये जफर? ना तो इनमें मरने का काम है। कैसी होगी दीपिका और ऋतिक की जोड़ी? क्या फिल्म में दिखेगा ऋतिक का नया ट्रांसफॉर्मेशन? क्या ऋतिक देंगे दोनों खान्स को टक्कर? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्राड स्टूडियोज के फिल्मी गलियारे में। फिल्म इंडस्ट्री में हमें कई हीरो हीरोइन की जोड़ी एक साथ देखने को मिली। कुछ जोड़ियां लोगों को बहुत पसंद आई, पर ऐसी बहुत सी जोड़ी हैं जो अभी तक देखने को नहीं मिली। फिर वो उनकी आपसी रंजिश की वजह से हो या डायरेक्टर की नापसंद, ऐसी ही एक बॉलीवुड की जोड़ी जो अभी तक पर्दे पर एक साथ नहीं आई, अब हमें आने वाली फिल्म फाइटर में देखने को मिलेगी। ओम शांति ओम से अपना बॉलीवुड डेब्यू करने वाली दीपिका और बॉलीवुड के हीमैन ऋतिक रोशन दोनों ही अपने एक्शन के लिए जाने जाते हैं। एक तरफ हॉलीवुड तक में अपना नाम कर चुकी दीपिका, तो दूसरी तरफ मोस्ट हैंडसम और एक्शन हीरो कहे जाने वाले ऋतिक रोशन। जब दोनों एक साथ एक फिल्म में दिखेंगे तो फिल्म ब्लॉकबस्टर होगी, इसमें कोई शक नहीं, और दोनों की जोड़ी को भी पर्दे पर खूब पसंद किया जाएगा। एक्टर्स अपनी एक्टिंग के साथ साथ अपने लुक्स पर, बॉडी पर और बहुत चीजों पर ध्यान देते नजर आते हैं। फिल्म में हीरो के रोल में बने रहने के लिए एक्टर को और मेहनत करनी पड़ती है, कई चीजों का परहेज और कई चीजों से रोजाना करनी होती है, जैसे एक्सरसाइज, हेल्दी डाइट, और किसी फिल्म में अगर थोड़ा अलग लुक हुआ तो फिर उस लुक पर काम करने के लिए अपनी बॉडी का अलग ट्रांसफॉर्मेशन करना। ऐसा ही कुछ ऋतिक रोशन ने हाल ही की फिल्म में करा, जब वो सुपर 30 में एक गांव के टीचर बने, जिसमें उनकी बॉडी और लुक पर बिल्कुल ही अलग देखने को मिला। पर उसके बाद उन्होंने वॉर के लिए बिल्कुल अलग ट्रांसफॉर्मेशन किया।
जिसकी वीडियो यूट्यूब पर आज भी फिल्म के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ऋतिक ने बहुत मेहनत करी, क्योंकि फिल्म वॉर में उनका लुक एक मस्कुलर एजेंट का था और ऐसा ही लुक उनके फिल्म फाइटर में भी देखने को मिल सकता है, जिसके लिए ऋतिक को एक बार फिर वही लुक में आना पड़ेगा, जिसके लिए उन्हें एक बार फिर वही ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना पड़ेगा। फिल्म वॉर में उनका लुक काफी पसंद किया गया था। बॉलीवुड में आए दिन एक्टर के बीच टकराव देखने को मिलता है, कभी रियल लाइफ में तो कभी फिल्मों को लेके, पर इससे नुकसान फिल्म के मेकर्स को उठाना पड़ता है। जब भी कोई फिल्म किसी बड़े एक्टर्स के साथ टकराती है तो फिल्म को झेलना पड़ता है बॉक्स ऑफिस पर नुकसान। फिर फिल्म चाहे कितनी भी अच्छी हो, पर अगर सामने एक और धाकड़ हीरो की फिल्म हो तो कहीं ना कहीं फिल्म की ऑडियंस कम हो जाती है, और जब एक जैसे जॉनर की फिल्में कई हीरो की एक साथ देखने को मिलती है तो लोगों को भी कंफ्यूजन हो जाती है कि आखिर किसकी फिल्म देखनी चाहिए। ऐसा ही कुछ हमने आने वाले सालों में देखने को मिल सकता है। बॉलीवुड में एजेंट फिल्म का चलन बहुत देखने को मिलेगा, जब SRK और सलमान के साथ अब ऋतिक भी एक बार फिर इसी जॉनर में अपने हाथ आजमाने जा रहे हैं। फिल्म के मेकर्स ने वैसे अभी तक फिल्म को लेके कोई भी खुलासा नहीं किया है, पर जहां तक खबरों की माने तो फिल्म हमें अगले साल देखने को मिल सकती है, जिससे ऋतिक की फिल्म का टकराव दोनों खान्स की फिल्मों से ना हो और तीनों फिल्मों का मजा ऑडियंस अपने समय के हिसाब से ले पाए। एक साथ तीनों फिल्मों का क्लैश तीनों फिल्म के लिए नुकसान भरा हो सकता है और तीनों स्टार्स का बॉक्स ऑफिस पर निराशा देखनी पड़ सकती है, जैसा वो नहीं चाहेंगे। और तीनों स्टार्स की आपस में अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, जिसको देखते हुए ऋतिक रोशन का टकराव बॉक्स ऑफिस पर नहीं देखने को मिलेगा। आपको क्या लगता है, क्या फिल्म तोड़ेगी हॉलीवुड? कौन है आप? सवाल मैं पूछूंगा, तुम नहीं। जफर तुम्हें जीने नहीं देगा। और कहां मिलेगा ये जफर? ऋतिक रोशन की मूवी फाइटर तोड़ देगी सभी रिकॉर्ड। दीपिका के एक्शन सीन्स देंगे हॉलीवुड को टक्कर। बॉलीवुड के ग्रीक गॉड कहे जाने वाले एक्टर ऋतिक रोशन की फिल्मों का इंतजार उनके फैंस को बेसब्री से रहता है, जिसका सबसे बड़ा रीजन ये भी है कि इतने सक्सेसफुल होने के बावजूद उन्होंने अपनी करियर में बहुत कम फिल्में ही की है। ऋतिक बॉलीवुड के उन गिने चुने एक्टर्स में से हैं जिन्हें एक्टिंग, डांसिंग, रोमांस और एक्शन में महारत हासिल है, फिर भी वो अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल नहीं करते और सिर्फ उन फिल्म्स को ही चूज करते हैं जिसमें उन्हें कुछ चैलेंजिंग करने को मिलता है। लक्ष्य, क्रिश, कोई मिल गया और गुजारिश जैसी फिल्में इसका सीधा उदाहरण है कि ऋतिक एक टिपिकल हीरो की तरह टाइपकास्ट नहीं होना चाहते और हर बार अपने चाहने वालों को कुछ बेहतर पेश करना चाहते हैं। इसलिए तो उनकी अपकमिंग फिल्म फाइटर को लेकर काफी बज है, जिसमें वो ताबड़तोड़ एक्शन सीन्स करते दिखेंगे। और तो और कयास तो ये भी लगाए जा रहे हैं कि उनकी इस फिल्म में बॉलीवुड के झक्कास एक्टर अनिल कपूर भी उनसे लोहा ले सकते हैं। ये फिल्म एक एरियल एक्शन मूवी होगी, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि बॉलीवुड के ग्रीक गॉड वर्सेस बॉलीवुड के सदाबहार झक्कास एक्टर के बीच किसका पलड़ा भारी रहेगा। मगर एक बात तो तय है कि दोनों की जोड़ी थिएटर्स में खूब तालियां और सीटियां बटोरने वाली है, क्योंकि हाल ही में अपना 65वां जन्मदिन मनाया था अनिल कपूर ने और उनके नाम को फिल्म में कंफर्म किया गया है। ऐसे में उनके एक्शन को देखकर बहुत ही कल्पना से आगे है लोगों के लिए। मूवी में बॉलीवुड की मस्तानी दीपिका भी है, जिनसे डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद हॉलीवुड लेवल स्टंट करवा सकते हैं। और ये बात हम हवा में नहीं कह रहे, क्योंकि सिद्धार्थ और ऋतिक की पिछली फिल्में बैंग बैंग और वॉर में कैटरीना और वाणी ने भी एक्शन सीन किए हैं। दीपिका अभी अपनी एक्शन फिल्म पठान की शूटिंग में व्यस्त हैं, जिसमें जॉन अब्राहम और शाहरुख खान के साथ वो एक्शन करते दिखेंगी, तो दीपिका से उम्मीदें काफी बढ़ जाती है। खबरों के मुताबिक फिल्म की कहानी भारतीय वायुसेना के इर्द गिर्द घूमती है, जिसमें ऋतिक एक अंडरकवर ऑफिसर की भूमिका में दिखाई दे सकते हैं। ये रोल उनकी पर्सनालिटी को काफी सूट भी करता है, क्योंकि बहुत से लोग उन्हें जेम्स बॉन्ड जैसी मूवीज में कास्ट होते देखना चाहते हैं, जिसमें एक गुड लुकिंग कैरेक्टर शातिर दिमाग के साथ बड़े बड़े कारनामे करता है।
फिलहाल तो ऋतिक अपनी अपकमिंग मूवी विक्रम वेदा की शूटिंग में बिजी हैं, जिसमें वो एक गैंगस्टर का रोल निभा रहे हैं और उनके साथ सैफ अली खान भी हैं, जो एक पुलिस ऑफिसर के गेटअप में नजर आएंगे। बात करें फाइटर के बजट की तो मूवी का बजट 250 करोड़ से भी ज्यादा का बताया जा रहा है, जिसे सुनकर ही चक्कर आ जाते हैं। अब इतने बड़े बजट और स्टार कास्ट के साथ बनने वाली इस फिल्म को लेकर ऑडियंस बेसब्र होकर इस मूवी का इंतजार कर रही है, मगर इस इंतजार की घड़ी में अभी वक्त और है, क्योंकि मूवी की शूटिंग सितंबर 2022 से स्टार्ट होगी और मेकर्स इसे 2 अक्टूबर 2023 तक सिल्वर स्क्रीन पर उतारने का मन बना रहे हैं। कोई उनसे कहो कि अब इंतजार नहीं होता, फैंस अपने ग्रीक गॉड को देखने के लिए पागल हो रहे हैं, जिसका असर हमने सोशल मीडिया में ऋतिक के फैन पेजेस में इस फिल्म से जुड़ी स्टोरी और पोस्टर्स में देखने को मिल रही है। क्या आपको लगता है कि मूवी को जल्द रिलीज किया जा सकता? सवाल मैं पूछूंगा, तुम नहीं। जफर तुम्हें जीने नहीं देगा। और कहां मिलेगा ये जफर? इन आंखों में गौर से देख, ना तो इनमें मरने का काम है। कौन है ऋतिक का पहला गुरु? क्या दीपिका की उल्टी गिनती शुरू हो गई है? नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। आने वाली फिल्म फाइटर में पहली बार ऋतिक दीपिका की जोड़ी तो दिख रही है, लेकिन इसके साथ ही एक और जोड़ी या यूं कहें तिगड़ी भी देखने को मिलने वाली है, जिसमें जुड़ चुके हैं अब हमारे एवर यंग मैन अनिल कपूर, जिनको इतनी उम्र में भी देखकर हर कोई झकास बोले बगैर रह नहीं पाता। सुनने में आया है कि इस फिल्म में अनिल कपूर एक अनोखा किरदार निभाते हुए नजर आने वाले हैं, जिसको देखने के बाद हर कोई उनका दीवाना और हो जाएगा। ऐसे में क्या आप जानते हैं कि एक समय था जब ऋतिक अनिल कपूर के स्टूडेंट थे और अनिल उनके गुरु थे। जी हाँ, हाल ही में टीवी शो में ऋतिक और अनिल को आपस में बातचीत करते देखा गया, जिसमें ऋतिक ने बताया कि अनिल उनके पहले शिक्षक हैं। उन्होंने खुलासा किया कि कैसे वो अनिल कपूर को सेट पर देखते थे जबकि वो एक असिस्टेंट के रूप में काम करते थे। ऋतिक रोशन के कमेंट का जवाब देते हुए अनिल कपूर ने उनसे कहा कि उन्हें टीचर कहना उनकी इमेज के लिए ठीक नहीं होगा। वेल, अब आने वाली फाइटर फिल्म में इस टीचर और स्टूडेंट की जोड़ी क्या रंग जमाएगी, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अगर बात करें दीपिका की, तो उनकी हाल ही में आई फिल्म गहराइयां ने इतना अच्छा कमाल नहीं दिखाया और क्रिटिक्स ने भी फिल्म को काफी लताड़ा था। ऐसे में पिछले साल दीपिका ने कोई दमदार फिल्म बड़े पर्दे पर नहीं उतारी और ये साल की शुरुआत भी उनके करियर के लिए इतनी लाभदायक नहीं रही है। ऐसे में आने वाली फाइटर फिल्म और दीपिका की अन्य फिल्में जैसे पठान, प्रोजेक्ट के और ये दोनों ही फिल्में एक्शन से भरपूर होने वाली हैं। और देखा जा रहा है कि इन सभी फिल्मों में दीपिका का गेटअप भी सिमिलर लग रहा है, लेकिन बस एक चीज होगी जो हर फिल्म में अलग देखने को मिल सकती है, वो है उनकी ड्रेसेस, क्योंकि पठान और फाइटर में दीपिका एक डिफेंस लाइन की वर्दी पहने नजर आ सकती है। और वहीं प्रोजेक्ट के में उनका क्या किरदार होगा, ये अभी तक रिवील नहीं किया गया है। ऐसे में लग रहा है कि सिमिलर लुक, वही वर्दी वाला अंदाज और एक्शन जॉनरे के चलते कहीं दीपिका का ये साल भी फिल्मों के मामले में खास ना हो जाए। अब देखते हैं जब फिल्म। कौन है आप? सवाल मैं पूछूंगा, तुम नहीं। जफर तुम्हें जीने नहीं देगा। और कहां मिलेगा ये जफर? ना तो इनमें मरने का काम है, ना मौत का खौफ। कोई आखिरी ख्वाहिश? ट्रिगर दबा। जब फिल्म पछाड़ेगी टॉम क्रूज की मिशन इम्पॉसिबल को, कितनी जगहों पर होगा फिल्म का शूट? क्या फिल्म बनेगी वॉर का सीक्वल? जब भी एक्शन फिल्म की बात आती है तो सबसे पहले हॉलीवुड की फिल्मों का ही जिक्र लोगों के दिमाग में आता है, पर बॉलीवुड ने भी एक्शन के मामले में हॉलीवुड को टक्कर देना शुरू कर दिया है। हाल ही में बॉलीवुड की फिल्म वॉर को देखने के बाद लोगों को हॉलीवुड की टक्कर की एक फिल्म बॉलीवुड में देखने को मिली। फिल्म में ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ के एक्शन देख के लोगों ने बहुत एंजॉय करा। ऋतिक रोशन पहले एक्टर है जिन्होंने फिल्म में स्टंट और एक्शन के साथ डांस मूव से लोगों को एंटरटेन करा। ऋतिक रोशन की ज्यादातर फिल्में हॉलीवुड को टक्कर
टक्कर देने वाली ही होती है और वो लोग में भी हॉलीवुड के हीरो से कम नहीं लगते। वो बॉलीवुड के टॉम क्रूज के नाम से ही जाने जाते हैं और ऐसे में उनकी लगातार एक के बाद एक एक्शन फिल्मों के साथ साथ वो पछाड़ सकते हैं असली टॉम क्रूज की फिल्म मिशन इम्पॉसिबल को। दोस्तों फिल्म मिशन इम्पॉसिबल में भी कई स्टंट्स और एक्शन सीन्स टॉम खुद करते नजर आते और ऋतिक भी अपनी ज्यादातर स्टंट्स और एक्शन खुद ही करना पसंद करते। फिल्म क्रश में तो वो एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग बिना किसी केबल के पार कर गए थे। फिल्म फाइटर में भी अपनी ज्यादातर स्टंट्स और एक्शन सीन ऋतिक खुद ही करते दिखेंगे। बॉलीवुड की फिल्मों में आजकल कई लोकेशन देखने को मिलती है और बात करें जब एजेंट बेस्ड फिल्म में एक्शन की तो फिल्म का एक्शन और फाइट सीन कई देशों में देखने को मिलता है। इससे पहले अपनी फिल्म वॉर में भी सिद्धार्थ आनंद ने कई जगहों पर फिल्म का शूटिंग किया और हर जगह फिल्म में एक फ्लाइट सीक्वेंस को डाला। इसको देखते हुए फिल्म फाइटर में भी हमें एक से ज्यादा जगहों को शूट करते देख सकते हैं। हाल ही में अपने सोशल मीडिया अकाउंट से ऋतिक ने एक पोस्ट में कैप्शन भी डाला था, द गैंग इज रेडी टू गो, जिनके कमेंट्स में फैंस की लाइंस लग गई और फैंस के कमेंट्स के बीच फिल्म की हीरोइन दीपिका भी कमेंट यस भी देखने को मिला। खबरों के मुताबिक फिल्म की शूट पोर्चुगल और ऑस्ट्रेलिया जैसे शहरों में हो सकती है। इससे पहले यहाँ वॉर की शूट भी की गई थी। ऋतिक रोशन और सिद्धार्थ आनंद की जोड़ी एक बार फिर बॉलीवुड में एक्शन के साथ धमाका करने जा रही है। फिल्म के अंदर बाहर बाहर के एक्शन देखने को मिलेंगे जो अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे। जहाँ एक तरफ ऋतिक एक्शन करते दिखेंगे वहीं दूसरी तरफ फिल्म की हीरोइन दीपिका पादुकोण भी एक्शन करती दिखाई देंगी। इससे पहले दीपिका की पहचान भी सिद्धार्थ आनंद की डायरेक्ट कर रहे थे और फाइटर में दीपिका और सिद्धार्थ की लगातार दूसरी फिल्म में साथ होने वाले हैं और ऋतिक रोशन का तो सिद्धार्थ के साथ पुराना रिश्ता है। सिद्धार्थ ऋतिक सबसे पहले फिल्म बैंग बैंग के साथ आए जिसके बाद सिद्धार्थ फिर से ऋतिक के साथ काम करना चाहते थे जो फिल्म वॉर से पूरा हो गया। वॉर 2020 सुपरहिट फिल्मों में से बनी एक फिल्म अंदर बाहर बाहर के एक्शन देखने को मिले जिनको लोगों ने खूब एंजॉय किया। इसके बाद अब फाइटर देखने को मिलेगी जिसमें एक बार फिर ऋतिक देंगे फिल्म में एयरफोर्स के जवान और एक और एजेंट बेस्ड फिल्म है बिल्कुल वॉर की तरह, पर ये वॉर का सीक्वल नहीं हो सकता क्योंकि फिल्म के अंदर टाइगर का कोई जिक्र नहीं है और वॉर का सीक्वल टाइगर के बिना अधूरा। आपको क्या लगता है कि ऋतिक रोशन करेंगे फाइटर से सबको हैरान? कमेंट्स में बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नाउ दिस इज योर होस्ट पलक साइनिंग ऑफ, विल बी बैक सून। ऋतिक करते हैं इंडिया में नए जॉनर को इंट्रोड्यूस, क्या ऋतिक करेंगे दीपिका को ओवर पार? ऋतिक रोशन और उनके लुक्स के बारे में कुछ भी कहना बेकार ही होगा। ऋतिक रोशन हमेशा अपने किरदारों के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं, चाहे वो उनके बोलने के तरीके से हो या फिर उनके लुक से। साल 2000 में कहो ना प्यार है फिल्म से ऋतिक रोशन ने एक्टिंग में डेब्यूट किया और इस फिल्म में बेहतरीन अभिनय से ऋतिक ने फैंस के दिलों को छू लिया। इस फिल्म ने कई स्टैंडर्ड सेट किए, आज भी लोगों की पसंदीदा फिल्मों में से ये एक है। इस फिल्म के बाद ऋतिक रोशन ने एक अलग जॉनर इंट्रोड्यूस किया था। इसके बाद ऋतिक ने कोई मिल गया जैसी फिल्म के साथ हिंदी ऑडियंस को साइंस फिक्शन से इंट्रोड्यूस करवाया और एक कॉमेडी के तरीके के साथ साइंस फिक्शन वाली फिल्म दिखाई। अब एक बार और फिल्म फाइटर के साथ ऋतिक एक और जॉनर इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। फिल्म फाइटर के एक इंट्रो में बताया गया है कि ये भारत की पहली एरियल एक्शन फिल्म है। आखिरी में फिल्म की रिलीज डेट 28 सितंबर 2023 आती है। ऋतिक रोशन ने भी इस अनाउंसमेंट टीजर के कैप्शन में ऋतिक ने फिल्म की रिलीज डेट लिखी है और इसे डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद, अनिल और दीपिका को टैग किया है। ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण बड़े पर्दे पर हिट होने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। दोनों पहली बार फिल्म फाइटर में साथ काम कर रहे हैं। ऋतिक ने बताया कि फिल्म अगले साल 28 सितंबर को रिलीज होगी। इससे पहले फिल्म 26 जनवरी 2023 को रिलीज होने वाली थी। फिल्म को सिद्धार्थ आनंद डायरेक्ट कर रहे हैं। सिद्धार्थ ऋतिक के साथ बैंग बैंग और वॉर के बाद तीसरी बार साथ काम कर रहे हैं। दीपिका पादुकोण ने एक इंटरव्यू में ऋतिक रोशन के साथ काम करने पर खुशी जताई है। उन्होंने कहा, मैं हमेशा ऋतिक के साथ काम करना चाहती थी, मुझे ऐसा लगता है आप जानते हैं कि कभी कभी यह किसी के साथ काम करने के बारे में नहीं होता, मुझे बस ऐसा लगता है कि बहुत सी चीजें हैं, इसकी सही स्क्रिप्ट होनी चाहिए, इसके सही डायरेक्टर होने चाहिए,
बहुत सी चीजें हैं जो तय करती हैं। मुझे लगता है कि ये हमारे लिए एक साथ आने का सही समय है। वैसे तो दीपिका और ऋतिक में दोनों ही एक्टर्स ऐसे हैं कि कई लोगों का कहना है कि ऋतिक शायद से स्क्रीन पर दीपिका की प्रेजेंस को ओवरपावर कर सकते हैं। आपको बता दें कि सिद्धार्थ आनंद इन दिनों शाहरुख खान स्टारर मच अवेटेड फिल्म पठान की शूटिंग में बिजी हैं। फिल्म में दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम भी हैं। वह फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन को पूरा करने के बाद फाइटर पर काम करेंगे। आपको बता दें कि फाइटर फिल्म को काफी बड़े लेवल पर बनाया गया है और इस फिल्म के लिए अभी से ही लोगों के बीच भारी एक्साइटमेंट और जोश देखने को मिल रहा है। अब ये फिल्म जब भी थिएटर्स में आएगी क्या धमाका होगा ये तो फिल्म के रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। अब हम तो इस फिल्म को देखने के लिए काफी एक्साइटेड हैं और आप कमेंट से कौन है आप? सवाल मैं पूछूंगा तुम नहीं। जफर तुम्हें जीने नहीं देगा। और कहां मिलेगा ये जफर? क्योंकि ऋतिक ने फिल्म को हाँ क्या कहा फिल्म को लेकर। हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रुति और आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज। दोस्तों, ऋतिक रोशन निसंदेह उन फिल्मी सितारों में से एक है जिनके पास हमेशा सबका फेवरेट रहने की क्षमता है। अपनी हालिया रिलीज विक्रम वेधा के साथ सुपरस्टार ने एक बार फिर अपनी सीमाओं को आगे बढ़ाया और एक शानदार प्रदर्शन दिया जिसे बहुत लंबे समय तक याद रखा जाएगा। ऋतिक रोशन अब भारत की पहली एरियल एक्शन फिल्म में मुख्य भूमिका निभाकर एक बार फिर अपने प्रशंसकों और सिने प्रेमियों को चकित करने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, जैसा कि पहले बताया गया था कि ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण दोनों फिल्म में पायलट की भूमिका निभा रहे हैं जिसमें अनिल कपूर उनके गुरु की भूमिका में होंगे। टीम ने हाल ही में असम में सिद्धार्थ आनंद निर्देशित फिल्म के 10 दिनों के पहले शेड्यूल को पूरा किया। निर्माता 2023 की शुरुआत तक अवेटेड प्रोजेक्ट के दूसरे शेड्यूल को किक स्टार्ट करने की योजना बना रहे हैं। ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण की महत्वाकांक्षी फिल्म 25 जनवरी सन 2024 को सिनेमाघरों में उतरेगी। ऋतिक रोशन ने खुलासा किया कि उन्होंने फाइटर के लिए हाँ क्यों कहा। दोस्तों, इंटरव्यू में ऋतिक रोशन ने फिल्म को साइन करने की अपनी प्रक्रिया के बारे में खुलासा किया और कहा कि हमने इसीलिए इसको हाँ किया क्योंकि फिल्म को किसी ना किसी तरह से उनकी विचार प्रक्रिया को छूना पड़ता है और यही वो चीज है जो उन्हें आगे ले जाती है। दोस्तों, इन सब में दिलचस्प बात ये है कि ऋतिक ने इसे मुख्य कारण बताया कि वो हमेशा विभिन्न शैलियों से चयन करने की कोशिश करते हैं क्योंकि उन्हें सेम सेम चीजों को बार बार करना पसंद नहीं है। जब फाइटर की बात आती है तो वो VFX, विश्व निर्माण और कुछ और चीजों के मामले में सिनेमा को अगले स्तर तक ले जाने की इच्छा, आशा और अवसर था जिसने उन्हें सिद्धार्थ आनंद निर्देशित फिल्म के लिए हाँ कहा। सपना बड़ा और डरावना होता है। जी हाँ दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि ऋतिक रोशन ने कहा कि फाइटर उनके लिए मुख्य रूप से एक बहुत ही ज्यादा रोमांचक प्रोजेक्ट है क्योंकि सपना डरावना होने के हद तक बड़ा है। सुपरस्टार ने यह भी कहा कि टीम ने फिल्म के साथ काफी बड़ी चुनौती ली है। ऋतिक के शब्दों से यह स्पष्ट है कि एरियल एक्शन फिल्म अपने पैमाने, निर्माण और प्रदर्शन के मामले में भारतीय सिनेमा के दर्शकों के लिए पूरी तरह से अनूठा और नया अनुभव होने जा रहा है। खैर, अभिनेता के रहस्य उद्घाटन ने परियोजना के बारे में स्पष्ट रूप से उम्मीदें बढ़ा दी हैं। हालांकि जिस तरह से ऋतिक रोशन ने फाइटर का उल्लेख किया वो सुपर हीरो बनाने की प्रक्रिया के कारण एक रोमांचक परियोजना है। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने फिल्म साइन क्यों की, एक्टर के शब्दों से ये स्पष्ट है कि सिद्धार्थ आनंद के निर्देशन में उन्हें एक बड़े से बड़े चरित्र के रूप में दिखाया जाएगा जैसा कि उन्होंने उल्लेख किया है। हालांकि अभिनेता ने फिल्म में अपने किरदार के बारे में कुछ भी खुलासा करने से परहेज किया। दोस्तों, ऋतिक रोशन ने ये भी खुलासा किया कि फाइटर टीम के लिए एक बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है, खासकर निर्देशक सिद्धार्थ आनंद के लिए। प्रमुख व्यक्ति के अनुसार हिटमेकर ने सन 2016 में 6 साल पहले फाइटर का मूल विचार विकसित किया था।
फिल्म निर्माता को फिल्म के विचार पर गहरा विश्वास था और वो इसके बारे में बहुत दृढ़ थे, तब भी जब वो अपने अन्य निर्देशकीय कामों में व्यस्त थे। 6 साल के समय के साथ निर्देशक सिद्धार्थ ने अपने बड़े सपने को दिन के उजाले का सामना करने के लिए काफी मजबूत बना दिया। ऋतिक रोशन ने कहा कि आखिरकार स्क्रिप्ट ऐसी स्थिति में आ गई जहां मैं इसे होते हुए देख सकता था। ऋतिक रोशन ने यह भी जोड़ा कि फाइटर एक बहुत ही मुश्किल फिल्म है। अभिनेता के अनुसार जब वो फिल्म विक्रम वेधा से वेधा या सुपर 30 से आनंद कुमार जैसे किरदार निभाते हैं तो उनके लिए जीवन आसान हो जाता है, क्योंकि वो पूरी तरह से एक अभिनेता है जो पूरी तरह से अपने काम यानी अभिनय पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। लेकिन जब बैंग बैंग, वॉर या फाइटर जैसी फिल्मों की बात आती है तो उन्हें स्टार होने का पूरा प्रेशर लेना पड़ता है। ऋतिक रोशन ने कहा कि आपको सौंदर्य शास्त्र सही करना होगा और सभी उम्मीदें वो आपको एक निश्चित तरीके से दिखाना होगा जो वास्तव में आपको खराब कर सकता है। ये मेरे लिए बहुत कठिन प्रक्रिया है। तो दोस्तों आप बताइए इन सब के बाद कि आप इस फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं, और जाते जाते इस वीडियो के बारे में अपनी कॉमेंट। क्या दीपिका लेंगी स्पेशल ट्रेनिंग? क्या ऋतिक का हौसला बनेगी दीपिका? सो हेलो टू माय लवली व्यूअर्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज। दिस इज रिया और आज की लेटेस्ट न्यूज जुड़ी है बॉलीवुड की अपकमिंग फिल्म फाइटर के साथ। तो दोस्तों अंत तक जुड़े रहिए मेरे साथ। योद्धा हूँ, थोक कर पटकर से लगे तो भी हाथ तलवार पे ही जाता है। दोस्तों ये डायलॉग तो हमें याद ही होगा ना। अरे भाई याद भी क्यों ना हो, ये बोला भी तो बॉलीवुड की मस्तानी ने है। दोस्तों दीपिका और ऋतिक स्टार फिल्म फाइटर आने वाली है। ये फिल्म एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है सिद्धार्थ आनंद द्वारा और फिल्म में हमें एक्शन ही एक्शन देखने मिलेगा और हम इसकी उम्मीद कर सकते हैं। दीपिका पादुकोण बी टाउन के सबसे फिट एक्ट्रेस में से एक है। दीपिका अपने फिटनेस और स्टाइल को बैलेंस करती है। फिटनेस की बात करें तो दीपिका इसे लेकर काफी मेहनती है। दीपिका अपने फिटनेस का पूरा ध्यान रखती है, वो जिम में घंटों पसीना बहाती है और उनके द्वारा शेयर किए गए उनके वर्कआउट वीडियो देखते ही लोग उनसे इंस्पायर हो जाते हैं और फिर सैटरडे हो या संडे हो वो एक भी दिन जिम को मिस नहीं करती है। दीपिका अपने फिटनेस को लेके इतनी पंचुअल है वो तो हम सब जानते हैं और हम अभी दीपिका को एक्शन करते हुए भी देखने वाले हैं उनकी अपकमिंग फिल्म फाइटर में। फिल्म में हम ऋतिक के साथ दीपिका भी एक्शन करते हुए दिखेंगी। वैसे ये कोई पहली फिल्म नहीं होगी जहां दीपिका वही वो एक्शन करेंगी, क्योंकि हॉलीवुड फिल्म XXX में भी हमने उन्हें एक्शन करते हुए देखा था। बता दें कि उस फिल्म में दीपिका के ऑपोजिट दिखे थे विन डाइस। और XXX एक फेमस हॉलीवुड फ्रेंचाइज है जिसे देखकर दीपिका ने हॉलीवुड में डेब्यू किया था। अब हमें फिर एक बार दिखेंगे दीपिका एक्शन करते हुए तो हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि दीपिका देंगे ऋतिक का साथ उनके मुश्किल वक्त में। तो क्या हमें दीपिका और ऋतिक दिखेंगे एक अलग ही अंदाज में? वैसे अगर गौर करें तो ऋतिक की फिल्म धूम में हमें ऋतिक और ऐश्वर्या दोनों को एक्शन करते हुए देखा था, तो क्या हमें धूम फिल्म की वही झलक वापस देखने को मिल सकती है फाइटर में? क्या इस बार फर्क सिर्फ इतना ही होगा कि हेलो आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूँ आपके साथ अनुष्का त्यागी। पहली बार इंडियन सिनेमा में कोई एरियल एक्शन फिल्म बनाई जा रही है जिसका नाम है फाइटर। अब हाई कंटेंट के साथ बनाई जा रही इस फिल्म को देखने के लिए सब लोग थिएटर्स में जरूर जाएंगे, पर इसका एक और रीजन होगा, बताऊं क्या दोस्तों? अरे दीपिका का बिफोर बोल्ड अंदाज, मतलब मन में लड्डू फूटने लगे होंगे ना दोस्तों आपके। खैर पर फैंस को जितनी उम्मीदें हैं इस फिल्म से उससे भी ज़्यादा उम्मीदें हैं सिद्धार्थ आनंद को, क्योंकि एक तो उनके प्रोडक्शन के तहत इस फिल्म को बनाया जा रहा है, मतलब बढ़िया पैसा लगाया है तो वो दोस्तों वसूल भी तो करना ही पड़ेगा। पर क्या है सिद्धार्थ की उम्मीदें, चलिए डिस्कस कर लेते हैं। भाई फाइटर से सिद्धार्थ को बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं और ये उम्मीदें जब बढ़ती हैं जब उनकी फिल्म वॉर जो 300 करोड़ से ज़्यादा बिजनेस कर चुकी थी और हिंदी लैंग्वेज में रिकॉर्ड बना चुकी थी। भाई वॉर वॉज द हाईएस्ट फर्स्ट डे हिंदी कलेक्शन मूवी इन 2019। इसने तो सलमान खान की फिल्म भारत को भी पीछे छोड़ा था, सिर्फ हिंदी वर्जन में ही पहले दिन इसने 50 करोड़ कमाए थे। और अब फाइटर सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में ही रिलीज होने वाली है तो हिंदी कलेक्शन पर ही फोकस रहेगा। तो वॉर ने बेंचमार्क सेट किया था हिंदी लैंग्वेज में और सिद्धार्थ का ये कहना है कि फाइटर भी अकेले हिंदी लैंग्वेज में बेंचमार्क सेट कर सकती है और ये पहली रियल एक्शन फिल्म है। वो पहले ऐसे डायरेक्टर हैं जो ऐसा कर रहे हैं और वो भी दोस्तों जो भी करेंगे वो बेंचमार्क ही होगा। पर दोस्तों फाइटर से बहुत उम्मीदें हैं
अब आज की तारीख में बहुत शब्द का दूसरा मतलब होता है 1000 करोड़। और फिल्म के कॉन्सेप्ट से लेकर स्टार कास्ट तक, VFX से लेकर एक्शन तक, सब कुछ बहुत ज़्यादा टॉप नॉच होगा। तो इतनी ही उम्मीदें होनी चाहिए ना। वैसे फाइटर में ऋतिक रोशन का एनर्जेटिक और सेक्सी अंदाज भी हमें नजर आएगा। ऋतिक के बारे में कहते हुए सिद्धार्थ ने कहा कि फिल्म बांग बांग में ऋतिक का कैरेक्टर अलग लगता है, वॉर में अलग लगता है और फाइटर में भी अलग लुक वाइज होगा। दोस्तों बता दें कि ऋतिक एक ऐसे एक्टर हैं जिनके साथ काम करने में आसानी होती है, क्योंकि वो किसी भी कैरेक्टर में खुद को ढाल सकते हैं। ऊपर से उनकी परफेक्शन की मांग नहीं होती, मतलब स्क्रीन पर उनके परफेक्ट दिखने की कोई डिमांड नहीं होती, इम्परफेक्शन में ही परफेक्शन होता है। इसी सोच के साथ ऋतिक रोशन स्क्रीन पर दिखाई देते हैं और वो अपनी टीम को वैसे ही कहते हैं, जिसकी वजह से उनका कैरेक्टर ऑर्गेनिक लगता है, जो कि फाइटर में भी लगेगा। ऐसे दोस्तों सिद्धार्थ तो ऑडियंस को रियलिस्टिक एक्सपीरियंस देने के लिए घंटों वक्त अपनी फिल्म पर बिता रहे हैं। अब उम्मीद है कि उनकी इस मेहनत का फल उन्हें जरूर मिलेगा। आपका इस खबर का कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। क्या दीपिका लेंगी स्पेशल ट्रेनिंग? क्या ऋतिक का हौसला बनेगी दीपिका? सो हेलो टू माय लवली व्यूअर्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज। दिस इज रिया और आज की लेटेस्ट न्यूज जुड़ी है बॉलीवुड की अपकमिंग फिल्म फाइटर के साथ। तो दोस्तों अंत तक जुड़े रहिए मेरे साथ। योद्धा हूँ, ठोक कर पटकर से लगे तो भी हाथ तलवार पे ही जाता है। दोस्तों ये डायलॉग तो हमें याद ही होगा ना। अरे भाई याद भी क्यों ना हो, ये बोला भी तो बॉलीवुड की मस्तानी ने है। दोस्तों दीपिका और ऋतिक स्टार फिल्म फाइटर आने वाली है। ये फिल्म एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है सिद्धार्थ आनंद द्वारा और फिल्म में हमें एक्शन ही एक्शन देखने मिलेगा और हम इसकी उम्मीद कर सकते हैं। दीपिका पादुकोण बी टाउन के सबसे फिट एक्ट्रेस में से एक है। दीपिका अपने फिटनेस और स्टाइल को बैलेंस करती है। फिटनेस की बात करें तो दीपिका इसे लेकर काफी मेहनती है। दीपिका अपने फिटनेस का पूरा ध्यान रखती है। वो जिम में घंटों पसीना बहाती है और उनके द्वारा शेयर किए गए उनके वर्कआउट वीडियोस देखते ही लोग उनसे इंस्पायर हो जाते हैं और फिर सैटरडे हो या संडे हो वो एक भी दिन जिम को मिस नहीं करती। दीपिका अपने फिटनेस को लेके इतनी पंचुअल है वो तो हम सब जानते हैं और हम अभी दीपिका को एक्शन करते हुए भी देखने वाले हैं उनकी अपकमिंग फिल्म फाइटर में। फिल्म में हम ऋतिक के साथ दीपिका भी एक्शन करते हुए दिखेंगी। वैसे ये कोई पहली फिल्म नहीं होगी जहां दीपिका वही वो एक्शन करेंगी, क्योंकि हॉलीवुड फिल्म XXX में भी हमने उन्हें एक्शन करते हुए देखा था। बता दें कि उस फिल्म में दीपिका के ऑपोजिट दिखे थे विन डायस। और XXX एक फेमस हॉलीवुड फ्रेंचाइज है जिसे देखकर दीपिका ने हॉलीवुड में डेब्यू किया था। अब हमें फिर एक बार दिखेंगी दीपिका एक्शन करते हुए तो हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि दीपिका देंगे ऋतिक का साथ उनके मुश्किल वक्त में। तो क्या हमें दीपिका और ऋतिक दिखेंगे एक अलग ही अंदाज में? वैसे अगर गौर करें तो ऋतिक की फिल्म धूम में हमने ऋतिक और ऐश्वर्या दोनों को एक्शन करते हुए देखा था। तो क्या हमें धूम फिल्म की वही झलक वापस देखने को मिल सकती है फाइटर में? क्या इस बार फर्क सिर्फ इतना ही होगा कि ऐश्वर्या की जगह हमें डिंपल क्वीन दीपिका पादुकोण दिखाई देंगे? क्या दीपिका हो गई फिल्म से बाहर? कौन ले सकता है दीपिका की जगह? कौन लेगा ऋषि कपूर की जगह? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं पॉलीग्रैड स्टूडियोज में। बॉलीवुड में एक बार फिर हॉलीवुड की मशहूर फिल्म द इंटर्न का रीमेक बनने जा रहा है, जिसके अंदर हमें बॉलीवुड के कई नामी चेहरे देखने को मिल सकते हैं और उन्हीं में से एक है दीपिका पादुकोण, जो इस फिल्म की को प्रोड्यूसर भी हैं। पर फिल्म की शूट और रिलीज में देरी की वजह से अब वो फिल्म से बाहर जाती दिखाई दे रही हैं। दरअसल फिल्म की बात 2020 से ही चल रही थी, पर कोरोना और लॉकडाउन की वजह से, शूट और प्रोडक्शन में देरी की वजह से अब रिलीज 2023 तक खिसका दी गई है। ऐसे में थर्ड वेव के बाद दीपिका के प्लान्स में काफी बदलाव आ चुके हैं, जिसकी वजह से अब वो इस फिल्म का हिस्सा नहीं है और उनकी जगह हमें कोई और देखने को मिल सकता है। बात करें उनकी जगह लेने की, वैसे बॉलीवुड में ऐसा कोई नहीं है जो आज के समय में दीपिका की जगह ले सके। उन्होंने बॉलीवुड में अपनी एक अलग पहचान बना ली है, ताकि वो अब हॉलीवुड में अपने काम से जानी जाती हैं। ऐसे में उनकी जगह लेना काफी मुश्किल हो सकता है, पर कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म में दीपिका की जगह अब हमें डीपी की जगह पीसी दिखाई दे सकती हैं। मतलब अब हमें प्रियंका चोपड़ा की बहन परिणीति चोपड़ा दिखाई दे सकती हैं, जो काफी समय से हमें पर्दे पर नहीं दिखाई दी हैं। उनकी लास्ट फिल्म नेटफ्लिक्स पर आई थी, जिसको लोगों ने इतना प्यार दिया, जिसके बाद अब वो पहली बार हमें इतने बड़े प्रोजेक्ट पर काम करती दिखाई दे सकती हैं। फिल्म में हमें काफी बड़े बड़े चेहरे देखने को मिलने वाले हैं, जैसे दीपिका पादुकोण, पर अब उनकी जगह लेंगी परिणीति चोपड़ा। ऐसे ही पहले हमें
फिल्म में दिखाई देने वाले थे लेट ऋषि कपूर, जिनकी थर्ड वेव के दौरान निधन हो चुका है, जिसके बाद उनकी आने वाली फिल्म और जिन फिल्मों की शूट चल रही थी उनमें उनका रोल हटाया जा रहा है या फिर रिप्लेस किया जा रहा है। हाल ही में हमने शर्मा जी नमकीन भी देखी, जिसमें हमें ऋषि सर ही दिखाई दिए, पर आधी फिल्म में उनका रोल निभाया परेश रावल ने। फिल्म को लोगों ने काफी पसंद किया क्योंकि ऋषि कपूर की वो लास्ट फिल्म के रूप में लोगों के सामने मिली। ऐसे में बात करें द इंटर्न की तो इसमें भी हमें ऋषि कपूर दिखाई देने वाले थे, पर अब उनकी जगह लेंगे बिग बी यानी अमिताभ बच्चन। अब हमें ऋषि कपूर की जगह दिखाई देंगे। वैसे अगर दीपिका इस फिल्म से बाहर ना होती तो हमें एक बार फिर पीकू वाली जोड़ी देखने को मिल जाती, पर अब वो जोड़ी टूट चुकी है। खैर, फिल्म में हमें पहली बार परिणीति चोपड़ा और अमिताभ बच्चन साथ में देखने को मिल सकते हैं, जो कि काफी एक्साइटेड भरा हो सकता है। आपको क्या लगता है, क्या फिल्म में अमिताभ बच्चन देंगे ऋषि सर से बढ़िया अंदाज? कौन है आप? सवाल मैं पूछूंगा, तुम नहीं। जफर तुम्हें जीने नहीं देगा। और कहां मिलेगा ये जफर? ना तो इनमें मरने का गम है ना मौत का खौफ। कोई आखिरी ख्वाहिश? ट्रिगर दबाते ही तेरा भी काम पहुंच रहा। ऐसा क्या किया इस कपल ने जिससे लोग हैरान रह गए? दीपिका क्यों हुई खुश? कपिल ने क्या पूछा इस कपल से? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में। फैंस का प्यार किसी भी सेलिब्रिटी के लिए बहुत मायने रखता है। दर्शक अपने फेवरेट कलाकार से मिलने के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं। हमने कई बार फैंस को अपने चहेते सितारों के लिए प्यार जताते हुए देखा है। ऐसे में फिल्म फेयर अवार्ड के दौरान एक कपल देखने को मिला जिन्होंने अपनी फेवरेट एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण से मिलने के लिए लाखों रुपए खर्च कर दिए। फिल्म फेयर अवार्ड के दौरान जब कपिल शर्मा ने ऑडियंस से टिकट का दाम पूछा तो लोगों के जवाब सुनकर कपिल के साथ साथ वहां मौजूद बाकी कलाकार भी हैरान रह गए। वहां मौजूद एक कपल ने बताया कि उन्होंने अपनी फेवरेट एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण से मिलने के लिए 4 लाख रुपए की टिकट खरीदी थी। ये बात सुनते ही दीपिका समेत वहां मौजूद तमाम लोग शॉक रह गए। दीपिका ने अपनी सीट से उठकर कपल का अभिवादन किया। दीपिका से मिलने के बाद कपल काफी खुश हुआ। आपको बता दें कि जब कपिल ने उस कपल से अपने फेवरेट एक्टर के बारे में पूछा तो उन्होंने कपिल शर्मा का नाम लिया, जिसके बाद वो काफी खुश हो गए। पर जैसे ही कपल ने दीपिका पादुकोण का नाम लिया तो कपिल शर्मा गुस्से में भड़क गए। उन्होंने मुंबई पुलिस से उन्हें जेल में डालने तक की बात कह डाली। हालांकि ये सारी बातें उन्होंने मजाकिया लहजे में कही थी। कपल का अपने फेवरेट एक्टर के लिए इतना प्यार देखकर सभी लोग हैरान थे। इससे साबित था कि फैंस अपने पसंदीदा एक्टर से मिलने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। दर्शकों का यही प्यार एक कलाकार को बेहद खास बनाता है। आपको बता दें दीपिका अब ऋतिक रोशन की फिल्म फाइटर में देखेंगी। तो दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड हैं ऋतिक और दीपिका को स्क्रीन शेयर करते हुए देखने के लिए? आखिर क्यों ऋतिक रोशन करना चाहते थे फाइटर फिल्म को? कौन सा नया हिंट दिया सिद्धार्थ आनंद ने ऑडियंस को? कैसे एक वीडियो ने मदद की दीपिका पादुकोण की? नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। दीपिका पादुकोण फाइटर फिल्म को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड है क्योंकि मेकर्स ने उन्हें फिल्म के लिए चुना है और वो भी ऋतिक रोशन के ऑपोजिट। दीपिका ने अपनी कास्टिंग को लेकर एक बात शेयर की थी और सभी से कहा था कि जब वो ऋतिक रोशन से पहली बार मिली थी तो उन्होंने अपनी एक छोटी सी वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड की थी, ये सोचकर कि किसी फिल्म मेकर की नजर इस वीडियो पर पड़ेगी और वो उन दोनों को अपने फिल्म में कास्ट कर लेंगे। और दीपिका के हिसाब से फाइटर फिल्म के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद की नजर पड़ी उस वीडियो पर और शायद इसलिए ही उन्होंने ऋतिक और दीपिका को कास्ट करने का फैसला किया है। दोस्तों, फाइटर फिल्म में एक्टर अक्षय ओबेरॉय भी ऑडियंस को फ्लाइट उड़ाते हुए दिखाई देंगे, लेकिन अक्षय का फाइटर फिल्म में चुना जाना उनके लिए किसी सरप्राइज से कम नहीं था। एक इंटरव्यू में अक्षय ने कहा था कि वो अपने घर पर चिल कर रहे थे, तब अचानक उन्हें फाइटर फिल्म के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद का कॉल आया। सिद्धार्थ ने पहले अक्षय से उनका हालचाल पूछा, उसके तुरंत बाद ही सिद्धार्थ ने अक्षय को फाइटर फिल्म का ऑफर दिया। जैसे ही सिद्धार्थ ने अक्षय को फाइटर फिल्म के लिए बोला, मानो अक्षय के तो दोस्तों होश ही उड़ गए थे। अक्षय को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि उन्हें कोई ऐसा कॉल आएगा और इतने बड़े बड़े एक्टर्स या मेकर्स के साथ फाइटर जैसी बिग बजट वाली फिल्म में काम करने का उन्हें मौका मिलेगा।
भाई फाइटर फिल्म के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद काफी खुश थे ऋतिक रोशन को फाइटर फिल्म में कास्ट करके। फिलहाल हुए एक इंटरव्यू में जब सिद्धार्थ से पूछा गया कि उन्होंने ऋतिक को ही क्यों चुना फाइटर फिल्म के लिए, तो सिद्धार्थ ने बताया था कि पहली वजह तो ये थी कि उनका और ऋतिक के साथ पहली मूवीज में काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा था, और दूसरी बात ये कि ऋतिक के होने से फिल्म में सिद्धार्थ को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। सिद्धार्थ ने यह भी कहा था कि शूटिंग के दौरान आज तक उन्हें जो भी दिक्कतें आई थी उस वक्त ऋतिक ही सिद्धार्थ की ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते थे। अब सिद्धार्थ भी चाहते हैं कि ऑडियंस जरूर ऋतिक को फिल्म में देखे ताकि ऑडियंस को ऋतिक की मेहनत नजर आए। भाई ऋतिक रोशन एक फेमस एक्टर के साथ साथ एक दमदार डांसर भी हैं और उन्हें हर कोई अपनी फिल्म में कास्ट करना चाहता है, खासकर एक्शन फिल्मों के लिए वो पहले पसंद रहते हैं। दोस्तों ऋतिक से जब फाइटर फिल्म को लेकर सवाल किया गया था तो ऋतिक ने जवाब देते हुए कहा था कि वो फाइटर फिल्म को इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता था कि फाइटर एक ऐसा मौका है उनके लिए ताकि वो बॉलीवुड इंडस्ट्री को आगे ले जाए और बॉलीवुड फिल्मों में इस्तेमाल करने वाली VFX क्वालिटी को भी बढ़ा सके। अगर उन्हें फाइटर फिल्म की जगह कोई और फिल्म मिली होती इसी कॉन्सेप्ट के साथ तो ऋतिक उसे भी करते, क्योंकि ऋतिक हर हाल में बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री को ऊंचाई तक ले जाना चाहते हैं। दोस्तों ऋतिक ने यह भी कहा था कि जब ऑडियंस फाइटर फिल्म को देखेगी तो बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी। अब फाइटर फिल्म के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद ने भी अपने एक इंटरव्यू में यह हिंट दिया था कि फाइटर फिल्म एक फ्रेंचाइजी फिल्म होगी और आगे चलकर फाइटर फिल्म के और भी ज्यादा पार्ट्स आएंगे। भाई जब से ऑडियंस ने सिद्धार्थ की बात सुनी है वो खुद को रोक नहीं पा रही है और सोशल मीडिया पर सिद्धार्थ या ऋतिक को टैग करके बोल रही है कि सर जितनी जल्दी हो सके फिल्म को रिलीज कीजिए क्योंकि उनसे अब और इंतजार नहीं हो रहा है। ऊपर से दोस्तों ऑडियंस को दीपिका पादुकोण का भी नया अवतार देखने को मिलने वाला है, वो एक पायलट के रोल में नजर आएंगी। अब दोस्तों उनका कितना इंपॉर्टेंट रोल होगा फाइटर फिल्म में ये देखने के लिए भी ऑडियंस काफी ज्यादा एक्साइटेड है। सवाल मैं पूछूंगा तुम नहीं। जफर तुम्हें जीने नहीं देगा। और कहां मिलेगा ये जफर? इन आंखों में और सटीक ना तो इनमें मरने का काम है। कौन है ऋतिक का पहला गुरु? क्या दीपिका की उल्टी गिनती शुरू हो गई है? नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूँ आपके साथ अनुष्का त्यागी। आने वाली फिल्म फाइटर में पहली बार ऋतिक दीपिका की जोड़ी तो दिख रही है, लेकिन इसके साथ ही एक और जोड़ी या यूं कहें तिगड़ी भी देखने को मिलने वाली है, जिसमें जुड़ चुके हैं अब हमारे एवर यंग मैन अनिल कपूर, जिनको इतनी उम्र में भी देखकर हर कोई झकास बोले बगैर रह नहीं पाता। सुनने में आया है कि इस फिल्म में अनिल कपूर एक अनोखा किरदार निभाते हुए नजर आने वाले हैं, जिसको देखने के बाद हर कोई उनका दीवाना और हो जाएगा। ऐसे में क्या आप जानते हैं कि एक समय था जब ऋतिक अनिल कपूर के स्टूडेंट थे और अनिल उनके गुरु थे। जी हाँ, हाल ही में टीवी शो में ऋतिक और अनिल को आपस में बातचीत करते देखा गया, जिसमें ऋतिक ने बताया कि अनिल उनके पहले शिक्षक हैं। उन्होंने खुलासा किया कि कैसे वो अनिल कपूर को सेट पर देखते थे जबकि वो एक असिस्टेंट के रूप में काम करते थे। ऋतिक रोशन के कमेंट का जवाब देते हुए अनिल कपूर ने उनसे कहा कि उन्हें टीचर कहना उनकी इमेज के लिए ठीक नहीं होगा। वेल, अब आने वाली फाइटर फिल्म में इस टीचर और स्टूडेंट की जोड़ी क्या रंग जमाएगी ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अगर बात करें दीपिका की तो उनकी हाल ही में आई फिल्म गहराइयां ने इतना अच्छा कमाल नहीं दिखाया और क्रिटिक्स ने भी फिल्म को काफी लताड़ा था। ऐसे में पिछले साल दीपिका ने कोई दमदार फिल्म बड़े पर्दे पर नहीं उतारी और ये साल की शुरुआत भी उनके करियर के लिए इतनी लाभदायक नहीं रही है। ऐसे में आने वाली फाइटर फिल्म और दीपिका की अन्य फिल्में जैसे पठान, प्रोजेक्ट के और ये दोनों ही फिल्में एक्शन से भरपूर होने वाली हैं। और देखा जा रहा है कि इन सभी फिल्मों में दीपिका का गेटअप भी सिमिलर लग रहा है, लेकिन बस एक चीज होगी जो हर फिल्म में अलग देखने को मिल सकती है, वो है उनकी ड्रेसेस, क्योंकि पठान और फाइटर में दीपिका एक डिफेंस लाइन की वर्दी पहने नजर आ सकती है। और वहीं प्रोजेक्ट के में उनका क्या किरदार होगा ये अभी तक रिवील नहीं किया गया है। ऐसे में लग रहा है कि सिमिलर लुक, वही वर्दी वाला अंदाज और एक्शन जॉनरे के चलते कहीं दीपिका का ये साल भी फिल्मों के मामले में खास ना हो जाए। अब देखते हैं जब फिल्म 28 सितंबर 2023 को आती है तो असली रिजल्ट। कौन है आप? सवाल मैं पूछूंगा तुम नहीं। जफर तुम्हें जीने नहीं देगा। और कहां मिलेगा ये जफर? कब होगी फाइटर फिल्म रिलीज? दीपिका ने क्या कहा रोल और ऋतिक को लेकर?
और फाइटर क्यों है ऋतिक के लिए एक खास फिल्म, जानेंगे इन्हीं इंटरेस्टिंग सवालों के जवाब दोस्तों और कहा बल्कि अपनी आज के इस वीडियो में। सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू टुडेज वीडियो, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज। दोस्तों ऋतिक रोशन की मच अवेटेड फिल्म फाइटर को लेकर फैंस के बीच ना बस बना हुआ है, क्योंकि ऋतिक काफी टाइम से किसी फिल्म के जरिए बड़े पर्दे पर ना दिखे नहीं है। वहीं फाइटर की खास बात ये भी है कि ऋतिक की पहली बार बॉलीवुड की गॉर्जियस ब्यूटी दीपिका पादुकोण के साथ जोड़ी जो बनने जा रही है। शायद एक वजह यही है कि फिल्म फाइटर के रिलीज का प्रशंसक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। क्या ऋतिक ने अपने फैंस के लिए ज्यादा सस्पेंस क्रिएट ना करते हुए अब फिल्म की रिलीज डेट का खुलासा कर दिया है? जब से ऋतिक रोशन की फिल्म फाइटर का ऐलान हुआ ना, तब से लोगों के बीच इसकी हर एक अपडेट जानने की उत्सुकता बनी हुई है, खासतौर पर इसकी रिलीज डेट को लेकर। और अब इस फिल्म की रिलीज डेट की भी घोषणा ऋतिक रोशन ने अपने सोशल मीडिया पर फैंस के साथ साझा की है। दोस्तों ऋतिक ने फिल्म के पोस्टर को पोस्ट करते हुए लिखा है कि फिल्म रिपब्लिक वीकेंड में रिलीज होगी। उसी के साथ फिल्म की डेट की भी अनाउंसमेंट हो गई है, जिसको 25 जनवरी 2024 को सिनेमा हॉल में रिलीज किया जाएगा। जी हाँ, अभी से रेडी हो जाइए बस। वैसे इस पोस्टर में फिल्म के नाम के साथ साथ आसमान में कई फाइटर जेट्स की उड़ते हुए फोटो है। फिल्म के पोस्टर में पूरी स्टार कास्ट का उनके नाम के साथ इंट्रोड्यूस कराया गया है। जैसे ही ऋतिक ने इस पोस्ट को शेयर किया, फैंस की इस पर ताबड़तोड़ प्रतिक्रिया आ रही है। इस फिल्म को सिद्धार्थ आनंद डायरेक्ट कर रहे हैं। वैसे इससे पहले भी ऋतिक रोशन उनके साथ फिल्म बैंग बैंग और वॉर में काम कर चुके हैं और वो दोनों सफल साबित हुई थी, आप तो जानते ही है। ऐसे में इस फिल्म से उम्मीद लगाना भी ना लाजमी है, और विक्रम वेदा को देखने के बाद लोगों की उत्सुकता और ज्यादा बढ़ गई है। ऋतिक रोशन फिल्में बेशक ही चुनिंदा करते हैं, लेकिन जब भी वो पर्दे पर आते हैं ना, उनका जादू बॉक्स ऑफिस पर जमकर चलता है। ऐसे में बॉलीवुड की कई टॉप एक्ट्रेस उनके साथ काम करने की इच्छुक रहती है। वहीं दीपिका पादुकोण ने भी ऐसी ही उत्सुकता जाहिर की थी जब उन्हें फाइटर के लिए अप्रोच किया गया था। उन्होंने कहा, मैं हमेशा ऋतिक के साथ काम करना चाहती थी। मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी ये किसी के साथ काम करने के बारे में नहीं होता है, मुझे बस ऐसा लगता है कि बहुत सी चीजें इससे रिलेटेड, मतलब इसकी सही स्क्रिप्ट होनी चाहिए, इसके लिए सही निर्देशक होना चाहिए और ये हमारे लिए एक साथ आने का सही समय है। क्या देखना यही होगा कि दीपिका और ऋतिक की केमिस्ट्री फैंस को आकर कितनी राज आती है। तो आप फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं, हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्या कहानी में दिखेगा इंडियन टच? क्या परिणीति बनेगी अमिताभ बच्चन की बॉस? किसने लिखी रीमेक की कहानी? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। 2015 में हमने हॉलीवुड की द इंटर्न तो देख ली, फिल्म के कलाकार और फिल्म की कहानी दोनों को ही लोगों ने बहुत प्यार दिया। तभी तो अब वही कहानी हिंदी में आने वाली है, जिसमें पहले हमें ऋषि कपूर और दीपिका पादुकोण दिखाई देने वाले थे, पर अब ये दोनों ही फिल्म से रिप्लेस हो चुके हैं और अब इनकी जगह हमें अमिताभ बच्चन और प्रणीति चोपड़ा दिखाई दे सकते हैं एक साथ। फिल्म की कहानी एक रिटायरमेंट की कहानी दिखाई जाएगी, जो रिटायर होने के बाद फिर से एज अ इंटर्न ज्वाइन करता है, जो कि हमें ऑब्वियसली अमिताभ बच्चन निभाते दिखाई दे सकते हैं। और बात करें प्रणीति की, तो वो इसमें एक खड़ूस बोस का किरदार निभाती हुई दिखाई दे सकती हैं। उसके बाद फिल्म में हमें इंडियन टच भी देखने को मिल सकता है, जिसमें अमिताभ और प्रणीति का एक पर्सनल कनेक्शन भी हमें देखने को मिल सकता है, बिकॉज यू नो बॉलीवुड है तो ये सब होना मुमकिन है। वैसे ये इंडियन टच लोगों को देखने में काफी पसंद आ सकती है, क्योंकि फिल्म को सिर्फ कॉपी करके दिखाना तो बहुत आसान है, पर उसमें अपनी क्रिएटिविटी दिखाना ये असली काम होगा। फिल्म की कहानी ओरिजिनली तो लिखी थी नैंसी मेयर्स ने, पर बात करें हिंदी में मॉडिफाई करने की और उसमें इंडियन टच देने की, तो वो करा है मितेश शाह और अक्षत घिल्डैल ने, जो इससे पहले बधाई हो जैसी फिल्म और फेम गेम जैसी सीरीज भी लिख चुके हैं। ऐसे में एक बार फिर दोनों की जोड़ी हमें द इंटर्न का हिंदी रिमेक लिखते हुए दिखाई दे सकती हैं, जिसके अंदर हमें प्लॉट सेम होने के बावजूद काफी कुछ नया और रिफ्रेशिंग देखने को मिल सकता है। जैसे फिल्म में हमें हिंदी लैंग्वेज ही नहीं बल्कि हिंदी टच भी देखने को मिल सकता है, जहां हमें एक बॉस और इंटर्न के बीच होने वाली चीजें और रिश्ते को काफी बारीकी से देखने को मिल सकता है। फिल्म में हमें सिर्फ यही सब नहीं बल्कि एक अच्छी कॉमेडी भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि मितेश और अक्षत की अगर आप पहले की फिल्म उठा के देखोगे तो उन सब में एक चीज कॉमन देखने को मिलेगी और वो है ह्यूमर।
ऐसे में हमें इस फिल्म में भी ह्यूमर देखने को मिल सकता है, जो कि एक फिल्म को काफी प्रोमिसिंग बनाता है। ऐसे में हिंदी रीमेक होने के बावजूद फिल्म का हमें काफी अच्छा रेस्पॉन्स देखने को मिल सकता है। आपको क्या लगता है, फिल्म में देखने मिलेगा हमें कुछ नया या फिर बॉलीवुड करेगा कॉपी और पेस्ट? कौन है आप? सवाल मैं पूछूंगा, तुम नहीं। जफर तुम्हें जीने नहीं देगा। और कहां मिलेगा ये जफर? ऋतिक को कौन सी फिल्म आई पसंद? अनिल कपूर ने कौन सी फिल्म देखी? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में। हॉलीवुड इंडस्ट्री के नामचीन अभिनेताओं में से एक टॉम क्रूज ने अपने प्रशंसकों को उनके इंतजार का काफी अच्छा फल चुकाया है। अभिनेता की हाल ही में रिलीज हुई फिल्म टॉप गन मैवरिक ने लोगों को फिर से टॉम का ही वही एक्शन रूप दिखाया जिसका वो काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। टॉम को बड़े पर्दे पर देख दर्शकों का दिल खुश हो गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि फिल्म भारत में भी लगातार धमाकेदार कमाई कर रही है। इस फिल्म के लिए जितने उत्सुक टॉम के फैंस हैं, उतने ही उत्सुक बॉलीवुड के फिल्मी सितारे भी हैं। दर्शकों के मन को भी लुभा रही टॉम क्रूज की ये फिल्म देखने के लिए अब अनिल कपूर, ऋतिक रोशन की आगमी फिल्म फाइटर की पूरी टीम सिनेमा घर पहुंची। जब बात टॉम क्रूज की हो तो उनका नाम सुने एक ही चीज दिमाग में आती है और वो है जबरदस्त एक्शन। साल 1986 में आई फिल्म टॉप गन का सीक्वल टॉप गन मैवरिक अपने पहले पार्ट की तरह ही लोगों के बीच पॉपुलर हो रही है। फिल्म का क्रेज इतना है कि बॉलीवुड के एक्शन हीरोज में से एक ऋतिक रोशन और अनिल कपूर भी इस एक्शन मूवी को देखने के लिए पहुंचे। दोनों दिग्गज कलाकारों के साथ उनकी द अपकमिंग फिल्म फाइटर के निर्देशक सिद्धार्थ आनंद और फिल्म की पूरी टीम भी मौजूद थी। अजीत आंध्रे, CEO of Viacom 18 Studios ने हाल ही में सिटी थिएटर में फाइटर की टीम के लिए एक स्पेशल स्क्रीनिंग रखी थी। आम लोगों की तरह ही टॉम क्रूज अभिनीत इस फिल्म ने बॉलीवुड दिग्गजों को भी मेस्मराइज कर दिया। फिल्म देखने के बाद ऋतिक, अनिल और सिद्धार्थ तीनों ने टॉप गन मैवरिक की जमकर तारीफ की है। बॉलीवुड अभिनेता ऋतिक रोशन से जब फिल्म के बारे में पूछा गया तो वो अपने आप को फिल्म और टॉम दोनों की तारीफ करने से रोक नहीं पाए। ऋतिक रोशन ने कहा कि ये एक हैरत अंगेज फिल्म थी। 3 दशकों से अधिक और इतने इंतजार के बाद भी फिल्म सभी की उम्मीदों पर खरी उतर पाई। फिल्म देखते वक्त पुरानी फिल्म की यादें दिमाग में जरूर रहेंगी, लेकिन जिस तरह से फिल्म में किरदारों और कहानी का विकास हुआ है वो मेरे लिए मेन अट्रैक्शंस का केंद्र था। एरियल फाइट के सीन्स मेरे अनुभव से परे थे, उन्होंने मुझे एक माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस दिया। अनिल कपूर को भी फिल्म देखने के बाद अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वो फिल्म को लेकर बेहद एक्साइटेड दिखे और उन्होंने कहा, मेरे पास फिल्म की तारीफ करने के लिए शब्द नहीं है। क्या फिल्म है, क्या एक्शन है और टॉम क्रूज का अभिनय अतुलनीय है। सुपर मजेदार एक्सपीरियंस और पूरे पैकेज के लिए इसे आईमैक्स में देखना चाहिए। जिन लोगों ने फिल्म का पहला पार्ट देखा है उन्हें ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। ये फिल्म आने वाली पीढ़ी के लिए और भी महत्वपूर्ण है। ये फिल्म हमें दिखाती है कि सिनेमा की विरासत कितनी अच्छी है और ये कौन है आप? सवाल मैं पूछूंगा, तुम नहीं। जफर तुम्हें जीने नहीं देगा। और कहां मिलेगा ये जफर? क्या है ऋतिक की असली कहानी? ऋतिक ने अभी तक कितने अवार्ड जीते हैं? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में। अभिनेता ऋतिक रोशन एक भारतीय अभिनेता है जो हिंदी फिल्मों में अपने अभिनय के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने विभिन्न प्रकार के किरदार निभाए हैं और अपने डांस मूव्स के लिए फेमस है। साथ ही भारत में सबसे अधिक कमाई करने वाले अभिनेताओं में से एक है। उन्होंने कई पुरस्कार जीते हैं, जिनमें 6 फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए, 4 और सर्वश्रेष्ठ पदार्पण और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता आलोचक के लिए एक एक पुरस्कार शामिल है। वो आए और लोकप्रियता के आधार पर फोर्ब्स इंडिया के सेलिब्रिटी 100 में कई बार अपनी जगह बनाई है।
आपको बता दें ऋतिक रोशन का जन्म 10 जनवरी 1974 को बॉम्बे में बॉलीवुड में हुआ था। उनके पिता अभिनेता और फिल्म निर्देशक राकेश रोशन हैं, जो संगीत निर्देशक रोशन लाल नागराथ के पुत्र हैं। उनकी माँ पिंकी निर्माता हैं, जो निर्देशक जे ओम प्रकाश की बेटी हैं। उनके चाचा राजेश रोशन एक संगीतकार है। ऋतिक की एक बड़ी बहन सुनैना है। ऋतिक रोशन कीन सिडैन हैम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक मुंबई से बीकॉम की है। रोशन ने साल 2000 में सुजैन खान से शादी की और उनके दो बेटे हैं। 2014 में ऋतिक रोशन और सुजैन खान का तलाक हो गया। इन्होंने एक बाल कलाकार के रूप में अपने नाना जे ओम प्रकाश द्वारा निर्देशित 3 फिल्मों में अभिनय किया, वो थे आशा और भगवान दादा। ऋतिक रोशन ने बाद में 4 फिल्मों में सहायक निर्देशक के रूप में काम किया, जिनमें खुदगर्ज और करण अर्जुन शामिल है। इन सभी का निर्देशन उनके पिता राकेश ने किया था। आपको बता दें रोशन की पहली प्रमुख भूमिका कहो ना प्यार है 2000 में अमीषा पटेल के साथ आई, जो उनके पिता द्वारा निर्देशित थी, जिसके लिए उन्होंने 2 फिल्म फेयर पुरस्कार जीते, सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। कभी खुशी कभी गम, आप मुझे अच्छे लगने लगे और मैं प्रेम की दीवानी हूँ शामिल है। साइंस फिक्शन फिल्म कोई मिल गया, लक्ष्य, क्रिश, धूम 2, जोधा अकबर, काइट्स, गुजारिश, क्रिश 2, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, अग्निपथ, क्रिश 3 और बैंग बैंग प्रमुख सुपरहिट फिल्में हैं। अब आपको ऋतिक अपनी अगली फिल्म फाइटर में दिखेंगे, जो 28 सितंबर 2023 में रिलीज होगी। आपको बता दें इस फिल्म में ऋतिक रोशन के साथ आपको दीपिका भी दिखाई देंगी। ये फिल्म भारत की पहली एरियल फिल्म होगी। तो दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड हैं फाइटर के लिए, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और कौन है आप? सवाल मैं पूछूंगा, तुम नहीं। जफर तुम्हें जीने नहीं देगा। और कहां मिलेगा ये जफर? कब शुरू होगी फाइटर की शूटिंग? क्या इंडिया में पहले कभी ऐसी फिल्म नहीं बनी है? क्या खास बातें होने वाली है इस फिल्म की? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं सोनिका जार। दोस्तों, फाइटर से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दें इस फिल्म को निर्देशक सिद्धार्थ आनंद डायरेक्ट कर रहे हैं और खबर है कि ऋतिक रोशन की हवाई एक्शन फिल्म फाइटर के लिए वाईकॉम 18 स्टूडियोज के साथ हाथ मिलाया जा रहा है। फिल्म का बजट करीब 250 करोड़ रुपए का है। इसकी हीरोइन है दीपिका पादुकोण। इसी के साथ पहली बार होगा जब ऋतिक और दीपिका एक साथ काम कर रहे हैं, स्क्रीन पर धमाल मचाएंगे। वहीं इससे पहले सिद्धार्थ आनंद के साथ वॉर कर चुके हैं ऋतिक रोशन। फिल्म फाइटर एक इंटरनेशनल फिल्म की तरह बनने जा रही है, इसीलिए इसे सबसे अलग कहा जा रहा है। इसके लिए वाईकॉम 18 स्टूडियोज ने फिल्म मेकिंग की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और फिल्म मेकिंग प्रणाली इस्तेमाल करने का फैसला किया है। फिल्म दुनिया की तमाम अलग अलग लोकेशंस पर शूट की जाने वाली है, हालांकि कहानी का मूल आधार भारत ही रहेगा। फिल्म फाइटर भारतीय सेना की साहस, बलिदान और देशभक्ति के प्रति समर्पित फिल्म बताई जा रही है। देश की इस पहली हवाई एक्शन फिल्म के लिए ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण पहले ही हां कर चुके हैं। निर्देशक सिद्धार्थ आनंद ने फिल्म के साथ ही अपनी प्रोडक्शन कंपनी मारफ्लिक्स की भी घोषणा की है। फिल्म में वो निर्माता के तौर पर भी जुड़ेंगे और उनकी पत्नी ममता आनंद का नाम फिल्म निर्माताओं की उस सूची में शामिल है, जिसमें अब वाईकॉम 18 के अलावा रेमन चिब और अंकु पांडे का नाम भी जुड़ चुका है। फिल्म को अगले साल रिलीज किया जाना है और इसके लिए शूट अभी से शुरू करना पड़ेगा। इस बारे में वाईकॉम 18 के जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, उन्होंने कहा कि एक हवाई एक्शन फिल्म हमेशा एक अलग ही सिनेमाई अनुभव कराती है। ऐसा पहले कभी भारतीय सिनेमा में आपने नहीं देखा होगा। टॉप गन फैन होने के नाते मैं ऐसी किसी कहानी का अरसे से इंतजार कर रहा था, जिसमें भरपूर हवाई एक्शन हो और जिसकी कहानी का आधार भारत हो। फिल्म फाइटर उसी का जवाब है। सिद्धार्थ इस श्रेणी का सिनेमा समझते हैं और अपने सिनेमा में इसकी खास चमक भी लाते हैं। मैं उनके साथ इस फिल्म पर और इसकी फ्रेंचाइजी विकसित करने पर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ और पूरा सहयोग करूंगा। वहीं फिल्म फाइटर के निर्माता और निर्देशक सिद्धार्थ आनंद कहते हैं कि फाइटर एक ड्रीम प्रोजेक्ट की तरह है उनके लिए और वो बहुत ज्यादा खुश हैं एक अलग तरह का सिनेमा दिखाने के लिए भारतीय लोगों को। इस फिल्म के साथ उनका इरादा है कि भारतीय
भारतीय सिनेमा को एक्शन से मोहब्बत करने वाले उन इंटरनेशनल दर्शकों के सामने रखने का, जो हमेशा बड़े पर्दे के अनुभव और धमाल के लिए हमेशा लालायित रहते हैं। और अब देखना होगा दोस्तों कि इतनी मेहनत के बाद ये फिल्म कितना कमाल दिखा पाती है। निर्देशक सिद्धार्थ आनंद की इस फिल्म फाइटर में ऋतिक रोशन एक फाइटर पायलट की भूमिका निभाएंगे। ऐसा ही एक किरदार कंगना रनौत ने भी अपनी फिल्म तेजस में किया है, जो कि बीते दिन ऐलान हुई है। और ऋतिक रोशन ने इस फिल्म का ऐलान भावुक कर देने वाली एक छोटी सी कविता के साथ किया था, जिसके बोल हैं, दुनिया में मिल जाएंगे आशिक कई, पर वतन से हंसी सनम नहीं होता, हीरो में सिमट कर सोने से लिपट कर मरते हैं कहीं, पर तिरंगे से खूबसूरत कफन कोई नहीं होता। तो इतनी इमोशनल लाइन के साथ उन्होंने अनाउंस की थी। आप कितना वेट कर रहे हैं इस फिल्म का, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीक्राफ्ट स्टूडियोज को। बॉलीवुड के ग्रीक गॉड नाम से मशहूर एक्टर ऋतिक रोशन भले ही चुनिंदा फिल्में करते हो, मगर उनकी फैन फॉलोइंग में कोई कमी नहीं आती। ऋतिक की एक्टिंग के साथ साथ उनकी फिजिक और डांस के भी सभी मुरीद हैं। अब ऋतिक अपनी अगली फिल्म फाइटर की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने इस एक्शन फिल्म के लिए गजब की बॉडी बनाई है। सोशल मीडिया पर ऋतिक की कुछ हालिया तस्वीरों से इसका पता चला है। ऋतिक रोशन ने इंस्टाग्राम पर अपनी एक तस्वीर शेयर की, जिसमें उनकी बॉडी गजब की दिखाई दे रही है। ऋतिक इस फोटो में अपनी बाइसेप दिखा रहे हैं, जिसका साइज एकदम हैरान कर देने वाला है। ऋतिक ने इस तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा, बोलो बॉलीवुड बाइसेप्स की जय। ऋतिक के फैंस भी उनकी इस तस्वीर को काफी पसंद कर रहे हैं। इससे पहले ऋतिक ने इंस्टाग्राम स्टोरीज में भी अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की, जिन्हें शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, रेडी फॉर एक्शन, और हाँ आगे बढ़ो और मुझे पंच मारो। बता दें कि पिछली बार ऋतिक रोशन सुपरहिट एक्शन फिल्म वॉर में नजर आए थे। इस फिल्म में ऋतिक के साथ टाइगर श्रॉफ भी अहम किरदार में नजर आए। फाइटर भी एक वॉरियर एक्शन फिल्म है, और इसमें ऋतिक के साथ पहली बार दीपिका पादुकोण नजर आने वाली हैं। फिल्म बहुत ही खास है और एक बहुत ही बड़े लेवल पे बनाई जा रही है। फिल्म का बजट काफी महंगा है। खबरों की माने तो फिल्म का बजट ओवरऑल अप्रोक्स 200 से 300 करोड़ के बीच में है। वेल दोस्तों, बजट कितना भी हो फिल्म का, लेकिन जब ऋतिक रोशन फिल्म में है तो ऑब्वियस सी बात है कि फिल्म का हिट होना, और अगर फिल्म में एक्शन है तो सुपर हिट होना लाजमी है। वेल, आपको इस बारे में क्या कहना है, और ऋतिक रोशन के बारे में और उनकी फिल्मों के बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय शेयर करें। थैंक यू सो मच। बॉलीवुड के ग्रीक गॉड नाम से मशहूर एक्टर ऋतिक रोशन भले ही चुनिंदा फिल्में करते हो, मगर उनकी फैन फॉलोइंग में कोई कमी नहीं आती। ऋतिक की एक्टिंग के साथ साथ उनकी फिजिक और डांस के भी सभी मुरीद हैं। अब ऋतिक अपनी अगली फिल्म फाइटर की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने इस एक्शन फिल्म के लिए गजब की बॉडी बनाई है। सोशल मीडिया पर ऋतिक की कुछ हालिया तस्वीरों से इसका पता चला है। ऋतिक रोशन ने इंस्टाग्राम पर अपनी एक तस्वीर शेयर की, जिसमें उनकी बॉडी गजब की दिखाई दे रही है। ऋतिक इस फोटो में अपनी बाइसेप दिखा रहे हैं, जिसका साइज एकदम हैरान कर देने वाला है। ऋतिक ने इस तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा, बोलो बॉलीवुड बाइसेप्स की जय। ऋतिक के फैंस भी उनकी इस तस्वीर को काफी पसंद कर रहे हैं। इससे पहले ऋतिक ने इंस्टाग्राम स्टोरीज में भी अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की, जिन्हें शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, रेडी फॉर एक्शन, और हाँ आगे बढ़ो और मुझे पंच मारो। बता दें कि पिछली बार ऋतिक रोशन सुपरहिट एक्शन फिल्म वॉर में नजर आए थे। इस फिल्म में ऋतिक के साथ टाइगर श्रॉफ भी अहम किरदार में नजर आए। फाइटर भी एक वॉरियर एक्शन फिल्म है, और इसमें ऋतिक के साथ पहली बार दीपिका पादुकोण नजर आने वाली हैं। फिल्म बहुत ही खास है और एक बहुत ही बड़े लेवल पे बनाई जा रही है। फिल्म का बजट काफी महंगा है। खबरों की माने तो फिल्म का बजट ओवरऑल अप्रोक्स 200 से 300 करोड़ के बीच में है। वेल दोस्तों, बजट कितना भी हो फिल्म का, लेकिन जब ऋतिक रोशन फिल्म में है तो ऑब्वियस सी बात है कि फिल्म का हिट होना, और अगर फिल्म में एक्शन है तो सुपर हिट होना लाजमी है। वेल, आपको इस बारे में क्या कहना है, और ऋतिक रोशन के बारे में और उनकी फिल्मों के बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय शेयर करें। थैंक यू सो मच। देखते रहें बॉलीग्राफ। कौन है आप? सवाल मैं पूछूंगा, तुम नहीं। जफर तुम्हें जीने नहीं देगा। और कहां मिलेगा ये जफर? इन आंखों में और से देख, ना तो इनमें मरने का गम है ना मौत का खौफ। क्या
क्या है VFX और एरियल एक्शन में डिफरेंस, क्या है फाइटर और हॉलीवुड फिल्म टॉप गन में समानता, कैसे देगी इस फिल्म के एक्शन में दीपिका कैटरीना और वाणी कपूर को टक्कर। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बॉलीग्राड स्टूडियोज में, जहां हम आपको देते हैं बॉलीवुड और उससे जुड़ी सभी लेटेस्ट और दिलचस्प खबरें। और दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं फिल्म फाइटर की और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण स्टारर फाइटर 2023 में गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी को रिलीज होगी। निर्माता Viacom 18 स्टूडियोज ने घोषणा की थी। फाइटर में पहली बार ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण एक साथ काम करने जा रहे हैं और इस बात की जानकारी खुद ऋतिक रोशन ने सोशल मीडिया पर अपने दीपिका संग तस्वीर डालकर दी है। साथ में लिखा, गैंग टेक ऑफ के लिए तैयार है। डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद और ऋतिक रोशन की ये एक साथ तीसरी फिल्म है। इससे पहले दोस्तों दोनों बैंग बैंग और वॉर में एक साथ काम कर चुके हैं। इन दोनों फिल्मों में सिद्धार्थ आनंद ने ऋतिक रोशन से एक और फिल्म की फीमेल लीड यानी बैंग बैंग में कैटरीना और वॉर में वाणी कपूर से जबरदस्त एक्शन करवाया था। इस बात की पूरी संभावना है कि ऋतिक के साथ दीपिका पादुकोण भी फाइटर में जबरदस्त एक्शन करती हुई नजर आ जाएंगी। दोस्तों फाइटर के बारे में बात करने से पहले समझ लीजिए कि ये एरियल एक्शन फिल्म क्या होता है। जिन फिल्मों में आसमान में फिल्म के सीन फिल्माए जाते हैं वो फिल्में इस कैटेगरी में गिरती हैं। अब आपके दिमाग में आएगा कि अरे आसमान में लड़ाई तो हमने इंटरनेशनल खिलाड़ी और रेस 2 में भी देखी थी। उन फिल्मों में इन सीन्स को दर्शाने के लिए दोस्तों VFX वगैरह का सहारा लिया गया था, जबकि एरियल एक्शन फिल्मों में असल में आसमान में हेलीकॉप्टर तथा अन्य अति आधुनिक तकनीक से सीन शूट किए जाते हैं। दोस्तों हॉलीवुड की कई फिल्मों में एरियल एक्शन देखने को मिल चुका है। तो बता दूं कि इस जॉनर की सबसे खास फिल्म है टॉप गन। 1986 में रिलीज हुई टॉम क्रूज स्टारर्स फिल्म को आप इतिहास की सबसे ज्यादा कल्चरल इम्पैक्ट करने वाली फिल्म भी कह सकते हैं। इस फिल्म से ही दुनिया भर में एविएटर चश्मे पहनने का ट्रेंड शुरू हुआ था और दोस्तों इस फिल्म से पहले एविएटर सिर्फ पायलट्स पहनते थे। टॉप गन से इन्फ्लुएंस होने वालों में कई बड़े नाम भी शामिल हैं, जैसे दोस्तों अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स अपने एस्ट्रोनॉट बनने की इंस्पिरेशन टॉप गन को ही बनाती हैं। दोस्तों बता दूं कि इंडिया की सबसे पहली महिला इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर गुंजन सक्सेना के भी कमरे में टॉप गन का पोस्टर लगा रहता है। सिर्फ ये नहीं दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत जो बचपन से एस्ट्रोनॉट और पायलट बनने की ख्वाहिश रखते थे और दोस्तों उनके मन में भी ख्वाहिश टॉप गन देखने के बाद ही आई थी। फिल्म के टीजर, प्रतीक कैप्शन तथा अन्य खबरें ये इशारा कर रही हैं कि ये फिल्म एक वायुसेना से जुड़ी कहानी पर बेस्ड होगी। इस फिल्म को डायरेक्ट करने के साथ साथ प्रोड्यूस भी सिद्धार्थ आनंद करने जा रहे हैं और अपने नए नवेले प्रोडक्शन हाउस मारफ्लिक्स के बैनर तले। साथ में Viacom 18 इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रही है और दोस्तों Viacom 18 के CEO अजीत भी कहते हैं कि वो टॉप गन के फैन रहे हैं और इस प्रोजेक्ट को लेकर बहुत एक्साइटेड भी हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। क्या आप भी टॉप गन के फैन हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और हमारी आज की राइटर है सान्या भार्गव।